बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी मर्जी से आए हैं ना सारे? वाकई किसी को कि अम्मा अब्बा बुला लाए ज़बरदस्ती तो हाथ खड़ा करके बता दें। तो पहले तो मुहासबा कर लेते हैं, क्यों आए हैं इधर? इतना लोग इकट्ठे हो गए, क्यों आए? कोई बताए मुझे। जी जी, पीछे पीछे से कोई आवाज़ देना सबको आए, ताकि आगे से तो गुफ्तगू चलेगी तो किसी को पीछे पता ही नहीं चलेगा। किताबी जुमला, असली बात चाहिए मुझे आज, असली सच बात करने आए इधर। जिंदा देखने आए हैं, कराची कराची आ गए हुए कि वीडियो में देखते सर आपको जिंदा देखने आए हैं। वीडियो में ऐसे देखा था वो। जी एंड में तो जिसको वीडियो पे यूट्यूब पे देखेंगे इसको देखने आ जाएंगे आप। वही तो असली बात करें ना। जी आखिर में जिसने हाथ खड़ा किया था, बिल्कुल आखिर में, आवाज नहीं आ रही। जी करना क्या है ये, इसलिए आए हैं ना, क्योंकि मैं तो वही बताने आया हूं कि कल करना क्या है कल। जी और कोई जानवर तो नहीं इधर आ रहा? जी सुभान अल्लाह, क्या बात है, बातें तो अच्छी आती है कराची को। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, कैमरे में बता रहा हूँ, कई दफा बताया है, असली उम्मीद जो है ना मुझे वो कराची से, असल में डीप, क्योंकि आप लोगों ने करके दिखाया भी हुआ है। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क चला रहे हैं आप लोग, सोचे तो सही, पाकिस्तान जैसे मुल्क को चला सकता है तो बड़े काम कर सकता है। फिर आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, बाकी के शहरों में गीबत नहीं हो रही, खुलेआम बता रहा हूँ, खून के आंसू रोता हूँ जाके। कोई और ही सवाल होते हैं उनके, अभी तक नंद भाभी से निकला नहीं है पाकिस्तानी, खत्म। इस मुस्लिम आइडेंटिटी की बात कर रहे हो तो मर्द हजरात भी अज़दवाजी मसाइल शुरू कर देते हैं। कराची में मेरा कॉरपोरेट करियर भी कराची में, और मेरा जो ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी का टूर भी है ना, और इवन यंग रेवोल्यूशन का टूर भी कराची में जान पकड़ लेता आगे। रियल क्वेश्चंस, हाई आईक्यू क्वेश्चंस और डीपर क्वेश्चंस, वाकई जो मैटर करते हैं आप लोगों को, असल में अल्लाह ताला ने एक्सपोजर दिया हुआ है। आप वो जो पंजाब की जो लाइफस्टाइल है ना, वो जो 4000 साल से चल रहा है कि फसल खरीफ तक सोता हूँ, फिर बीज बोता हूँ, फिर फसल रबी तक सोता हूँ, ठीक है, अभी तक वो उसी में फंसे हुए हैं। जिस दिन ना कोई काम ना करना हो ना, उस दिन पंजाब मोटिवेट होता है। और आप लोग जिस दिन, और खैर मैं भी पंजाबी हूँ, कोई बात नहीं, नाराज की भी ओहो, सुने सुने सुने, मैंने आपको, आपसे उम्मीद क्यों लगाई है? अल्लाह ताला ने आपको डेली मोबिलिटी में डाला हुआ था शुरू से। यू गाइस वर सो एक्टिव, असल में आप लोग भी अय्याशी करना चाहते हैं, इंसान फितरतन अय्याश है। हम लोग भी चाहते हैं कि 6-6 महीने कुछ ना करना पड़े, मगर इस कुर्रे का निज़ाम अल्लाह ताला ने भेजते हुए बता दिया था कि ये सोने नहीं देगा, ये कुर्रा ऐसे घुमाएगा तुम्हें कि जैसे ही तुम्हें नींद आएगी फजर की अज़ान हो जाएगी। ये अल्लाह ताला ने इंतज़ाम ही ऐसे किया था। सो अ स्लीपिंग मुस्लिम इज अ कैंसर, जो मुसलमान सो रहा है ना वो असल में वो बीमारी है इस्लाम को इस वक्त। नो मोर ऑफ डेज इन इस्लाम, इसलिए मुझे ज़्यादा उम्मीद आप लोगों से, बिकॉज यू गाइस आर मेंटली एक्टिव। वो अलग बात है, चालाकी ज़्यादा आ गई हमें अपने मतलब के लिए, हम बहुत चुस्त हैं, मगर अब इस्लाम के लिए चुस्त होना ना हमने इंशाल्लाह, और अगले 100 साल के लिए चुस्त होना ना। पिछले 100 साल के लोगों ने हर चीज़ प्रायोरिटाइज़ की है, हर चीज़ प्रायोरिटाइज़ कर दी सिवाय दीन के। इतनी सुप्रीम एफिशिएंसी में हमें डाला ना हमने, हमारी पिछली 2-3 नस्लों ने, कि हमें सिवाय इस्लाम के हर चीज़, आइंस्टाइन है हम इस वक्त, पैसे बनवा लो हमसे जितने मर्जी बनवाने, मगर
और अगले कोई भी ऐसा पाकिस्तानी मर्द नहीं है इस वक्त, एटलीस्ट मैं तो नहीं जानता कि जिसने अपने बच्चों को ना सोचा हो कि इनके लिए इंतज़ाम कर रहा हूँ, इनके लिए घर बना रहा हूँ, इनके लिए स्कूल, इनको ताकि ये अगली यूनिवर्सिटी रोज़ खून पसीना निकाल के अपने बच्चों पर निछावा कर रहा हूँ। सोचते हम आगे कहीं हैं मगर वो पर्पस अलाइनमेंट कुछ और है। सो असली सवाल पूछते हैं ना पहले ज़रा, ताकि सब के सब ज़रा एक ही उस पर आ जाए, एक पेज पर आ जाए। ये मुस्लिम आइडेंटिटी में आइडेंटिटी क्या चीज़ है? शनाख्त तो तर्जमानी चाहिए ना, शनाख्त है क्या ख्वातीन, शनाख्त है क्या चीज़? या होता कौन है वो तो ठीक है, जो कलमा पढ़ता है वो तो मुसलमान है, पिछले तो एक एक करके हाथ खड़ा करके बता दे बस जी। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? वईस मोईस मोईस। कितनी उम्र है आपकी? 24। क्या बात है यार, माशाल्लाह जी। और कोई जी? नहीं खड़े नहीं हो, आवाज़ वैसी आएगी। और उस ब्रांड का मतलब क्या है? दूसरा देख के हमें पहचान जाए कि हम कौन हैं। कोई बंदा देखे और समझ आ जाए कि मुसलमान है। क्या बात है, क्या नाम है आपका? अली। अली, कोई बंदा भी देखे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ, वो तो लड़की हिजाब कर ले तो पता चल जाता है। देखने से पहचान नहीं होती खाली ना, देख के नहीं ना। ठहरे ठहरे, आपके जवाब के जवाब दुरुस्त हैं सबके जी। खवातीन, ये पाकिस्तानी खातून सोए भी क्यों हैं 200 सालों से? मुसलमान खातून, पाकिस्तानी खातून नहीं सोई हुई, मुसलमान खातून सोई हुई है। कैसे पता चलता है कि क्वालिटी है? मेरे अंदर क्या क्वालिटी है वो कैसे पता चलता है? देख के थोड़ी पता चलता है। जी आपको लग नहीं रहा ये सब किताबी बातें? यही तो मसला है। अभी मैं फिक्र नहीं करें, आज हम आइडेंटिटी क्लियर करके जाएंगे इंशाल्लाह जी। श्योर श्योर। ये मगर बैठे बैठे मेरे एट्रीब्यूट नजर नहीं आते ना। हाँ ना, वो अमल क्या है? यही तो बात है। सबमिटिंग योर विल टू व्हाट? या उसका मत, कौन सा अमल है जो सबमिटिंग योर विल? अच्छा ये बताएं, आप में से असल में सच सच बताना, इस बारे में तो झूठ बोल भी नहीं सकते, सीरा किसने पढ़ी है असल में? सही पढ़ी, कब कब पढ़ी है जी? सबसे एंड में जो सबसे छोटी बच्ची कौन है, 16-17-15 साल की जी? हाँ जी बच्चा, हाँ बोलो बोलो जी जी एंड में। हाँ पढ़ी है सीरा? नहीं पढ़ी। कितने साल की होगी वो? 15 साल की होगी। अच्छा जी, आप में से कौन जिसने जिसने सीरा नहीं पढ़ी वो हाथ खड़ा करें, छोड़े जी जिसने पढ़ी। या हाँ ठीक है ना, सच बात है ठीक है। ऐसा करें ना, पता क्या करें, अभी सेशन को ज़रा पॉज कर दें। आपके जहन में इस वक्त क्या सवाल हैं जो पहले से लेके आए हैं आप? कोई से दो सवाल पूछे मुझसे, मुझे ज़रा आपका IQ चेक करना। जी सर बिल्कुल, मैं पीछे से इसलिए मैं बात करूँगा ताकि सबको आवाज़ आए, आगे से बात करूँगा तो आवाज़ नहीं आएगी सर। एक एक करके लेता हूँ जी। क्या मुझे ख्वाब आते हैं? और अगर ख्वाब आते हैं तो अगर मुझे ख्वाब आते हैं तो ख्वाब बयान करूं?
मैं पिंडी से आया हूँ इसलिए ऐसे सवाल कर रहा हूँ। शाबाश बेटा। ख्वाब कभी भी ना, कभी भी ख्वाब ऐसे पब्लिक में बयान नहीं कर रहे, और ख्वाब हर मुसलमान को आते हैं, ठीक है। सवाल आपका जो सवाल है ना उसका जवाब है जी हाँ, बस यहाँ तक ही रखूँगा, बस इसके अलावा मैं बता नहीं सकता। तो आंसर इज यस, और ये मैं सच सच बताऊँ हम सबको आते हैं। मसला यह है कि सुबह उठ के हम जिस दूसरी गफलत की नींद में एंटर हो जाते हैं ना, वो ख्वाब ही झटक देते हैं हम, बस ये है फर्क। बहरहाल आपने ख्वाबों पर नहीं रहना, आपने जो आँख खुलती है ना उसके बाद इस्लाम शुरू करना है। आँख बंद होने के बाद अगर इस्लाम आ रहा है तो उसका क्या फ़ायदा हमें, जब आँख खुलती है उसके बाद तो हम कुछ कर नहीं रहे। इमाम जाफर सादिक ने कहा जब आपकी आँख खुले और सूरज की पहली किरण आपकी आँख में आए और उस वक्त अगर कौम का मसला ना जहन में आए तो अभी इस्लाम आए नहीं आप तक, और समझेंगे हो रहा हमारे साथ ही नहीं ना हो रहा। जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी ना उनकी, इमाम जाफर सादिक की, उसके बाद से शीशा देखना हिम्मत नहीं हुई थी शीशा देखने की। हम सबको पता है सुबह उठ के क्या करते हैं हम। जी आप बताएं जी, थोड़ा ऊंचा बोलेगा, कोई माइक्रोफोन उधर नहीं देंगे, इधर उधर एक एक नहीं, मेरा माइक आ रहा है तो उधर एक एक माइक मिल जाएगा। ओके ओके जी, आपको थोड़ा सा आवाज, आई एम सो सॉरी, आप ऐसे कोशिश करें एक सेकंड खामोश देने की सारे। इतनी आवाज मेरी तक आ गई तो बाकी भी आएगी ना, शाबाश। बताता हूं करना, फिक्र नहीं करें, करना क्या के लिए आए मैं इधर, क्या करना है आज वही बताऊंगा आपको, ठीक है। कोई और सवाल है किसी का? जी बेटा ऊंचा बोलेंगे ना आप, मेरी आवाज तो वैसे भी आ जानी चाहिए ना, तो आपकी भी आ जानी चाहिए ना मेरे तक। जी बोले। सुन रहा हूँ, फेरस श्रिंक करें सवाल को। पोर्टल्स, देखिए पोर्टल्स का ना मुस्लिम आइडेंटिटी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं, इसलिए आपने नोटिस किया होगा मुस्लिम आइडेंटिटी टूर पे मैं जरा साइंस नहीं खोलता, ठीक है। खुतबे के दौरान खड़े होकर पानी पीना सुन्नत है, ओके बता रहा हूँ सबको, बराबर ना फतवा दिया करें। आलिम बिन अबी तालिब ने कहा खुद जान के खड़े होकर पानी पीते हुए खुद, क्योंकि ये मफरूज़ उस वक्त भी शायद होता होगा कि जब, और ये बाय द वे आप सबको पता होना चाहिए, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, आलिम बिन अबी तालिब इस तरह पब्लिक सेशंस रोज किया करते थे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है बॉयज, अपने क्लस्टर बनाना शुरू करें, अपने क्लस्टर बनाना शुरू करें। अब्दुल्ला बिन अब्बास को एक दफा मेरे साथ वाला, मेरे साथ भी वही वाक्य हुआ है, एक दफा एक बंदे ने खड़े हो गए सेशन के दौरान, असर से शुरू हुआ था सेशन, या अब्दुल्ला बिन अब्बास सलाह 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 लगाओ। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि मेरे से ज्यादा तुझे पता सलाह का, असर से मगरिब का टाइम दाखिल हुआ है, फिर ईशा का टाइम दाखिल हो रहा है, इसे तू मुझे बताएगा नमाज का, तुझे पता नहीं है कि मैं नमाज का फतवा तुझे दे रहा हूं अभी। मैंने उस वाक्य से ये नहीं निकाला कि नमाज कैसे डिले करनी है नहीं करनी, मैंने निकाला कि ये लाइफस्टाइल है मुसलमान का कि बंदे इकट्ठे करो और उनका आईक्यू बढ़ाओ, रोज आईक्यू बढ़ाओ।
लोग कौन है पहले तो ये बताएं। पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, स्पेशली आपके पास बहुत लोग हैं। लोग ये कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये लोग कौन है? वो कहेंगे, वो कौन है ये? वो अनायत हुसैन साहब कहां बैठे हुए हैं? वो किधर है? वो मुफ्ती अनायत हुसैन साहब, वो कहेंगे, वो ये कहेंगे। याद रखिएगा ये फतवा आपको आएगा, मेरे पे भी, हर एक पे आएगा। मैं ना राइट चीफ कराची के, जो आपको पता है इस्लाम 360 वाले, ये लाइक माय यंगर ब्रदर, वेरी क्लोज। आपको पता है नाम सुना राइट चीफ? राइट चीफ का कोई 400 फतवे बुक आ चुका है, इससे भी ज्यादा। मेरी जब भी मुलाकात होती है ना तो हम इररेलेवेंट हो चुके हैं अब, इररेलेवेंट कि कितने फतवे आ गए। पहले कादियानी का फतवा लग गया उस पर, फिर उसको पर अहले तशई का फतवा लग गया, तो फिर बरेलवियत का फतवा, हर जगह पे गुमराह गुमराह गुमराह। कितने माइक लगाओगे? जितने। फिर ये वाला माइक भी तो दे देना मुझे, कोर्डलेस चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं, ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है के और ये जो लोग भी वीडियोस काटते हैं ना उनको बता रहा हूँ, वो ख्यानत करना बंद कर दें। और जो भी लोग एक मिनट दो मिनट की वीडियो देख के फतवा दे रहे हैं, उनके तो दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। उनको फतवा देने के लिए किसने बिठा दिया? इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। चार घंटे की वीडियो में से एक मिनट निकाल के फतवा हल दो, साहिल अदीम ने गधा हलाल कर दिया है। सीरियसली पता मेरे को 400 कॉल आ चुकी है, साल में गधा हलाल हो गया। जी जी अब बताता हूँ गदाई का, आप फिक्र नहीं करें, वो भी बता दूंगा, वो तो पूरी वीडियो देख ले। बहरहाल और भी खड़े होके खड़ा होना नाजायज कर दिया साहिल, और मैं को मुफ्ती हूँ, मुफ्तियों से पूछे हलाल हराम का। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ साहबा क्या करते थे, साहबा की नफसियात क्या थी। जिसने सीरा पढ़ी है वो कभी भी गधे का सवाल नहीं करेगा। मुझे सीरा सिखाई गई थी, ये वाकया कोई 35 मिनट का पूरा सेशन है सीरा के अंदर, कि गज़वा खैबर में हो क्या रहा था। अगर गधा ही हराम करना था तो गधे के अंदर नबी सलाम ने कहा था हंडिया में जो कुछ हराम है थोम भी डाला है, ये लहसन जिसे कहते हैं आप, लहसन भी हराम है, बस बंद कर दो ये। तो आप तो खा रहे हैं लहसन, उसी हदीस में लहसन भी हराम है, वो क्यों खाते हैं? वही हदीस निकालो, तीनों चीजें हराम की हैं नबी सलाम ने। वीडियो पूरी सुना करें मुफ्तियान अकाबरीन, सुना नहीं अपने दाऊद की हदीस है गालिब बिन अबजद की, नबी सलाम से कहा कि मेरे पास फाके चल रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं मफहूम सुना रहा हूं हदीस का, सुना इब्न दाऊद सही हदीस है सनद के साथ। गालिब रजी अल्लाह ने कहा या रसूलल्लाह घर में बिल्कुल मुफलिसी है, खाके है बस, गधा ही है, आपने मना किया हुआ। कहते नबी सलाम ने कहा यह उस वक्त किसी वजह से मना किया था, ये नहीं बता रहे। मैंने इसलिए कहा ना कि किसी भी आयमा कलाम में से चारों में से किसी को भी आप फॉलो करते हो, आप उसको और फॉलो करें आप, मगर ये ना कहे कि जो किसी और को फॉलो करता है गुमराह है। वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, मगर मैंने तो मुता का बहस नहीं खोली ना अभी, जिसने खोली है वो करेगा ये बहस, जरूर करेगा, वो करनी भी चाहिए, मैं तो नहीं खोली। मगर अगर आपने उसे हदीस से निकालना है तो फिर ये लेसन हराम करें। उस हदीस में गधा तो नहीं है खाली, और बाय द वे वो वाकया क्या था, मैं डेनमार्क में बैठा हुआ था, वो पाकिस्तानी घरानों ने मुझे, और तुम खोता खाते हो वहां पे, खोता खाते हो, मैं इसी तरह टूर पे गया था, एंड ऐसे कोई और सवाल है आपके पास? जिधर जाता हूं खोता खा रहे हैं आप लोग, पहला सवाल ये है, खाने में बुला देते ना सर खोता नहीं पका हुआ। यार एक अंकल ने तो ये कह दिया आपके लिए गधा मंगवाए, पाकिस्तान से आए आप, आदत हो गई होगी, वैसे टॉन्ट कर रहे। तो आपको पता है कि आप डेनमार्क में वाहिद मुल्क है जहां पे हलाल मीट हराम है, बैन है। ये सारा का सारा जो लहन लगाया हुआ है ना ये सब हराम है, गधा फिर हलाल है काफी सारी जगहों पे, किताबी सारी किताबों में। बहरहाल अभी भी कटेगा इसमें से क्लिप देखना, साहिल ने फिर गधा हलाल कर दिया। मैं क्यों, मैं कौन हूं, मैं मुफ्ती हूं, हराम हलाल वाला। जी जी छोड़े ना इस बात को, मैं तो पता क्यों मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपके सामने अभी तीन सर्कल्स ड्रॉ करने, आइडेंटिटी का ना असल में एक मतलब है,
साइंस भी पहुंच चुकी है, अल्लाह ताला के नबी सलाम ने बड़ा क्लियरली ट्रेन किया है साहबा को। वो तीन सर्कल्स दिखाता हूं मैं आपको, मेरे पास अगर कोई पावर पॉइंट स्लाइड होती तो मैं आपको बता देता। 8-10 साल मेरे लीडरशिप की ट्रेनिंग के अंदर वो पहले आइडेंटिटी क्लियर करवाते थे। आइडेंटिटी किसी चीज से बनती है, पूरा कुरान पाक, पूरी हदीस, सीरा, साहबा की लाइफ, उन तीन सर्कल्स को बाआवाज लाउड स्पीकर में बता रही है कि कैसे पहले इनर सर्कल क्रिएट करते हैं, फिर आउटर सर्कल बनता है, फिर उसके बाद सबसे बाहर का सर्कल बनता है। वो आइडेंटिटी उससे मिली, ऐसे नहीं हो रहा था कि मैंने दाढ़ी रख ली मुसलमान हो गया, या हिजाब कर लिया मैंने तो मैं मुसलमान हूं। ये कोई पहचान नहीं हमारी, बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं। इस्लाम में दिखावा कुछ नहीं है, कुरान पाक की रूह के खिलाफ है। क्या आयत पढ़ी अभी भाई ने? अभी मैं जब जाता हूं अल्लाह की तरफ से आयतें भी वो वाली पढ़ी जाती है, जैसे कि पता हो कि भी क्या बात होने लगी, या फिर आपने चुन के मुस्लिम आइडेंटिटी के टूर की वजह से वो आयतें किसने पढ़ी आयतें, क्या बात है। जी जी मुझे तो पता ही नहीं सवाल किया, तो इजाजत कैसे दूंगा मैं? वही ना, पर्सनल का मतलब नहीं मुझे मुझे पता ना, क्या आप क्या पूछेंगे कि मेरा नाम बताएं? जी निदा पूछे, नहीं 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 सिर्फ सवाल निदा, मैं आऊंगा चीजें तफसील लूंगा। पता है एक मसला है ना, या 1500-2000 की मजमे में मैं ये नहीं कह सकता कि खवातीन जुमले बड़े लंबे बोलती है, और उन्हें क्या भी दिया, जुमले छोटे करना सीखे। अगर आपने इस्लाम की दावत देनी है, जुमला छोटा ताकि सोच के बोला जाए। जो बंदा सोचता नहीं है वो फिर तूल देता है। ठीक है जी निदा, पॉइंट गोली की तरह चलना चाहिए मेरे पे पॉइंट। समझ आ गई? फिर आप क्या करना है? हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल है। 35 साल मुझे आप रियलाइज हो रहा है कि कोई एक्शनेबल आइटम्स हैं। याद रखिएगा ये वाहिद किताब है कुरान, वाहिद किताब है जो अपने पढ़ने वाले को मुनाफिक कहती है। कभी सोचा आपने मैं किताब लिखूंगा सबसे पहले ही लिखूंगा? ताकत देखिए इस किताब की, कि तूने खाली पढ़ाई करनी है तो भाग जा। कुरान का पहला सबक सूरह बकरा स्टार्ट हो रही है, ये इनमें जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे जैसे, और उधर जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे जैसे। वर्सेटिलिटी, अम्मा अब तो सिखाते ही वर्सेटिलिटी है मुझे बचपन से, कुरान शुरू ही इससे हो रहा है। अपने पढ़ने वाले को कह रहा है कि तुझे गुमराह भी मैं ही करूंगा अगर तूने ये डिमांड्स पूरी ना की। साहबा कुरान पाक पढ़ के इसलिए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में फैल गए। अपने आप को हर वक्त फेलियर 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 कहते रहे। हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत हुजैफा बिन जमान के पास आखिरी दिनों तक जाते रहे कि बता दे मेरा नाम तो नहीं मुनाफिकों में, बता दे। अशरा मुबशरा उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु, आपको पता है इस बात का? इसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करे, मैं क्या कह रहा हूं तो सबको ही पता है। और हम सोचे जरा, मेरी बिलीफ है सर जन्नत तो मिलेगी मिलेगी। सर एक सवाल है मेरा, बोलिए पूछिए पूछिए। अच्छा सवाल जल्दी जल्दी करते रहे साथ साथ। ओके सर, सवाल ये है कि मैंने कुछ टाइम पहले भी एक पढ़ा था कि मुसलमानों को हर चीज का एक दावत जाती है हमारी तरफ से, अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को दुनिया में भेजा और फिर उनका हिसाब किताब लेना है। लेकिन कुछ जज़ायर के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी यहाँ की दुनिया से नहीं है और उन तक तबलीग का पैगाम भी नहीं पहुंचता हमारी तरफ से, तो उनके बारे में क्या मामला होगा? ये थोड़ा सा गलत कहते हैं। कोई मैं बता दूंगा इसका, सेशन के बीच में आ जाएगी बात, फिक्र नहीं करें। बहरहाल जिस तक हमने पैगाम नहीं पहुंचाया ना, जिस इंसान तक भी, उसका सवाल हमसे होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है ना, अल्लाह के लिए तो सब एक जैसे हैं ना, अल्लाह ने तो मखलूक बनाई थी। उसका सुनो सुनो, आप ही को जवाब दे रहा हूं, उसका सवाल हमसे होना चाहिए। 2.5 करोड़ का शहर है आप लोग,
तीन हो गए, 3 करोड़ का शहर है आप लोग, आपसे तो साइबेरिया के भी सवाल होने चाहिए। 3 करोड़ का मतलब पता है, पूरी दुनिया में जितने यहूदी आपकी आबादी से कम, उन्होंने पूरी दुनिया को पकड़ लिया। और आप देखें सर, साइबेरिया में एक आंटी वैसी मर गई, क्यों मर गई, आप क्या कर रहे थे? और इसका फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट तरीका क्या है कि पूरी दुनिया में एक निजाम कायम कर दिया जाए, उसूल वाजे हैं, उसको एक्शन में डाल दिया जाए। और जो भी मौलवी साहब आपसे कहना ये निजाम निजाम छोड़ो, ये डॉक्टर इसरार और ये मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब, तो कह रहे हैं ठीक है फिर आप निजाम के खिलाफ, तो फिर गोरों के निजाम के भी खिलाफ हो ना, उनकी इंतबाह कैसे कर रहे हैं आप सारे? उनके निजाम में हम सब ठीक है, ये गोरों का निजाम चल रहा है हमारे ऊपर। अभी तक पीनल पाकिस्तान पीनल कोड मलका विक्टोरिया के हाथ से लिखा हुआ, हम उसके ऊपर अभी तक कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, उनका निजाम क्यों ठीक है फिर? वो भी हटाए, खाली खानकाओं में चलते हैं, बहुत ही आसान काम है, दो वक्त की रोटी खानी है। उसके अलावा आइडेंटिटी बन ही नहीं सकती आपकी। ओके, सो मैं मौलवियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन दाढ़ी वालों के खिलाफ हूं कि जो कहते हैं कि मौलवी हूं, कहां उन्होंने इस्लाम के निजाम के खिलाफ सबसे बड़ा कैंसर बने हुए, निजाम के खिलाफ कैंसर बन गए हैं वो। जो बंदा ये कहे कि मैं तुम्हारे घर का फर्द हूं, भाई हूं तुम्हारा, सगा भाई हूं, आपके बाप को बाप मानता हूं, आपकी मां को मां मानता हूं, मगर आपके घर के सिस्टम के अंदर वो पूरी तरीके से करता हूं, इस सिस्टम का मैं हिस्सा नहीं बन रहा, तो वो है ना असली फसाद। वो छोटे बहन भाइयों को कंफ्यूज करेगा ना वो। मुझे किसी इसराइल से मसला नहीं है, अमेरिका से, इंडिया से, मुझे पाकिस्तानियों से मसला है, मुसलमानों से मसला है ना हमें, जो हमारे बच्चों को कन्विंस कर देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं उनसे खाली ये पूछे कि आप निजाम के खिलाफ है, तज़किया करें ना, किसने रोका है? ये इमरान खान नवाज शरीफ के निजाम के खिलाफ भी जाए ना, फिर उसको कैसे वोट डालने पहुंच जाते हैं आप लोग? ओहो, आपको भी पता है ना कौन कौन डाल रहा है ना। आपके शहर से फतवा आया था ना, वोट एक अमानत है, अल्लाह से अकल सवाल करेगा। उनके अपने वालिद साहब ने कहा था कि डेमोक्रेसी हराम है, सोचे ना सही, बताता हूं ना बेटा, मैं एकदम जरा आप लोगों को मैं फ्रोल लूं। जी आ रहा हूं, आ रहा हूं। एक खातून एक मर्द से ले रहा हूं सवाल। जी बेटा, ऊंचा बेटा, ऊंचा जी, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, जो पीछे येलो हिजाब में। जी बेटा, आपने क्या कहा? जिस सिस्टम में हम हैं अभी, जत्थे अकेले अकेले तो कुछ भी नहीं है, ला रहबानिया फिल इस्लाम, ये ना कराची में रहबानियत निकालने, आप ये खानकाहें नहीं खोलनी हमने, आपने जत्थे बनाने हैं। एक बंदे स्पेशली आप, आपने 1 लाख एटलीस्ट, आप 1 लाख बंदों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तब भी मैं कहूंगा शर्मिंदा ही मरे हम। जुबैदा आपा ने करोड़ों को इन्फ्लुएंस कर लिया है, और छोटी सी लड़की डांस करना शुरू करते हैं यूट्यूब पे, 50 लाख फॉलोअर बन जाते हैं, एंड में आकर सियासी गुफ्तगू शुरू कर देती है बड़े होके वो। सोचो तो सही, आप और मुझे क्या हो गया? जिस दिन कलमा पढ़ा था ना, उस दिन सियासत में दाखिल हो गए थे आप, ये याद रखिएगा। वैसे अलामा इकबाल को चाट रहे होते हैं हम, मगर जब निजाम की बारी आती है, वो नहीं नहीं बस अपना तज़किया मास्टर जी, अपना तज़किया कर लो बस। हर हुकूमत देखें, ये जो खिलाफ का लफ्ज है ना, पहले तो से यूज्ड टू हो जाए, यूज्ड टू हो जाए सारे मुसलमान। रुके आ रो बेटा, एक सवाल के जवाब के बीच में ना, मैं वो उससे टेम्पो टूट जाएगा, गौर से समझ लें। जो लफ्ज बगावत से डरता है, खिलाफ हो जाने से डरता है, मुखालफत से डरता है, उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? जिस बंदे को ये डर है ना कि सर लोग खिलाफ हो जाएंगे, वो कौन से नबी का फॉलोअर है? आप ये बताएं, शैतान के खिलाफ नहीं होना हमने, शर के खिलाफ नहीं होना, शैतानी निजाम के खिलाफ बगावत नहीं है? सबसे बड़ी सुन्ना है ना हमारी कि शैतान को सबसे पहले पछपा कर। ये लोगों को खुश करना इस्लाम नहीं है। क्या आपको पता नहीं है कि जमहूर इंसानियत इस वक्त गुमराही पे है? किसी को शक शुबा तो नहीं है इस बात का? तो रोड क्रॉस करके देख ले, अभी पता चल जाएगा। एक अपना बस्ता बाहर रख के देखे, देखता हूं कितनी देर बचता है। एक लड़की रोड क्रॉस करती है, पता नहीं चलता आपको कराची के हालात, आपसे बेहतर कौन सा रडार है हमारे पास? किस कराची के लड़के ने छोड़ा आपको घूरने से? हम सबको पता है इस बात का,
जान की आंखें, बस वो छुतर मुड़ की तरह अंदर डाल दी, मैं कहता अंदर मैं रेत में तजकिया कर रहा हूं अपना। एक्सेप्ट ही तो नहीं होता ना, अल्लाह ने मशीन ही नहीं बनाई एक्सेप्टेंस की। अंदर से चीखें निकलती है, अस्पतालों में पड़े होते डिप्रेशन के मारे हम। अल्लाह ने के यहां किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है। अल्लाह ने मशीन दी थी, एक थर्मामीटर की तरह दिया था कि जितना बुखार है ना मॉइस्चर का नजर आ जाएगा अंदर से। या तो ना इनके पास कोई जवाब हो तो मैं कहूं हां ठीक है यार तेरा रास्ता ले लेता हूं, एटलीस्ट 50 साल तो यशी करूंगा। उधर बिल गेट्स की $80 बिलियन में भी तलाक हो जाती है, और तो कुछ तो बचा के दिखा दो हमें। यू गाइज आर फेलिंग मिजरेबली ऑन ऑल ऑफ योर सिस्टम्स। कौन है पीटीआई का, कौन है मुस्लिम लीग का, आपको पता नहीं चल रहा इन सब की औकात है? हर एक के पास एक एक वीडियो है दूसरे के करतूतों की। बेटा वोट ही तो, वैसे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वोट देता हूं। ये वोट शोट वाला सिस्टम जो है ना, ये इसलिए तो बताइए, ये इस गेम से मैं अभी निकलवाता हूं आपको, फिक्र नहीं करें। 20 मिनट क्रैश कोर्स है जिसका मैं आइडियल टाइम ढूंढ रहा हूं इस वक्त आपके सवालों के बीच में। अभी बता दूंगा आपको, सबको घर जाने से पहले पहले क्लैरिटी होगी कि शनाख्त होती क्या है असल में। अल्लाह ने जो मशीन बनाई है इसमें शनाख्त की पूरी साइंस छुपाई हुई है कि ढूंढने वाले खुद ढूंढेंगे आके। जी रुक जाए, पहले इनका सवाल था। जी मुफ्ती साहब कौन है? जी पूरी हदीस क्यों नहीं सुनाई उन्होंने? पूरी हदीस सुना है उससे कहे मुफ्ती साहब मेरे घर किताब पढ़ी हुई है, आगे लिखा हुआ, अगर वो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे लेके जा रहा हो, ये वाला हिस्सा क्यों मिस किया? ये पहली दफा गेम नहीं हुई हमारे साथ, ये अयूब खान से गेम चल रही है हमारी। अपने ना वर्जन निकाल रहे थे, वाले हिस्से निकालते हैं। बाज आयते छुपाने वाली कौम है, बाज आयते दिखाने वाली कौम है। ये बुखारी की हदीस है वो। हाँ हाँ मैं देखे तमाम मुफ्तियान से पूछता हूं कि या तो आप ठीक है या हुसैन ठीक है। आप जितने मर्जी इमामों के नाम लें फिर भी इमाम हुसैन काफी है। सोचे ना सही, यजीद की खिलाफत डिक्लेयर हो चुकी है, आप बताइए हदीस क्यों नहीं पूरी हो रही? क्यों नहीं पूरी हो रही? आलिम नबी तालिम ने कहा ना कि जब उस्मान का बदला लेने के लिए जमात बन गई थी तो अलीम नबी तालिम ने कहा कि मुझे खलीफा मानते हो पहले जो तुम आ गए मेरे पास डिमांड करने? हू सेज कि मैं अभी खलीफा हूं? जिस दिन मुझे खिलाफत मिलेगी फिर देखना मैं करता क्या हूं। 24 आवर्स बिफोर दिस इवेंट, इस्लाम हम सबको पता है, लिखा हुआ पड़ा है। जब यहां पे पाकिस्तान में बारी आएगी तो पाकिस्तानी वर्जन में ट्रांसलेशन शुरू कर देंगे हम। हाँ वैसे ही प्रोटेस्ट करना अलाउ है ना, वैसे ही सारी अपना खानदान, सारा का सारा खानदान शहीद हो गया। देखिए असली जो कहानी है ना सैयदना हुसैन के वाक्य में, वो मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर दोनों तरह से रोशनी डालती है। एक तरफ सैयदना हुसैन है, दूसरी तरफ वो बंदा है, सोचें जरा शिमर। आपने कभी नोट नहीं किया, किसी को पता नहीं था, कोई कंफ्यूजन थी कि क्या कौन कौन सी हस्ती सामने खड़ी हुई है? एक बंदा मुसलमान कहता हो अपने आप को, एक बंदा मुसलमान कहता हो और सामने सैयदना हुसैन खड़े हुए हूं, आप सोचें वो कौन सी ताकत है कि जो तीर खींचती है, वो कौन सी ताकत है जो तीर चला देती है? नहीं 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 नहीं, लालच नहीं है ना, नहीं, वो डर की ताकत है। वो ये डर था कि मैंने ऑर्डर ना फॉलो किया तो मुझे मार देंगे, बस ये है। ये कहानी में इतना बड़ा वाक्य आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? कभी बचपन में नहीं सोचा कि वो कौन सा, ये हिम्मत कहां से ला रहा था? वो डर की ताकत थी। उसने इस्लाम अपने अपना इस्लाम अपनी आखिरत फना कर दी बैठे बैठे, अपने उसको तो मारना भी नहीं था यजीद ने, ज्यादा कोड़े लग जाने थे उसको। डर इतनी गंदी चीज है कि अल्लाह के अलावा किसी और का डर रखेगा तो तुझसे हुसैन तक शहीद करवा देगा। ये है हम सब के साथ हो रहा है, हम आपको क्यों नहीं समझ आ रही इतने बड़ा वाक्य? और ये लोग कहते हैं तारीख का वाक्य, तुम्हें नजर नहीं आ रही कितनी निशानी है? तुम तारीख के वाक्य रख लो, उसमें से भी मैं निकाल लूंगा कि कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होते हैं। यजीद को ताकत
बात का डर नहीं था। यजीद को किसी बात का डर नहीं था, ऐसी फौज भेज रहा था। गौर है समझे इस बात को, बहुत मैं प्रोफाइल निकाल के दे दूंगा यजीद की, वो पॉइंट नहीं है ना मेरा आज का, मैं आपको तफसील बताऊंगा यजीद की, फिक्र नहीं करें। सीरा पढ़े आपको समझ आ जाएगी साइकोलॉजी समझनी कैसे, स्पेशली अरेबियन साइकोलॉजी, स्पेशली सहाबा की साइकोलॉजी। ऐसे ऐसे मामलात हैं जो पाकिस्तान में रोज डिस्कस होते हैं मस्जिदों में, सहाबा ने कभी सेकंड नहीं लगाया था उसके ऊपर, सेकंड नहीं लगाया, ये कोई मसला ही नहीं। और ऐसे ऐसे मामला पाकिस्तान में डिस्कस ही नहीं होते, सहाबा ने कई कई साल डिस्कस किए, लाइफ गुजर गई सहाबा की उन बहस मुबाइसों में, हमें पता ही नहीं है। पता है पढ़ते हैं, हमें हमारी नफ्सियात किसी और तरीके से तरतीब दी गई। हजरत जैनब की शादी हुई, बहस हुई पूरे मक्के में, हमने कभी सोचा भी नहीं। हजरत आयशा की शादी हुई, किसी ने कभी रत्ती बराबर सरदर्द नहीं किया, आज तक हम लगे हुए हैं। एक से एक बंदा आ जाता है, हजरत आयशा 19 साल की थी, 31 साल की थी, एक कहता 48 साल की थी। ये अजीब नफ्सियात हमें मिली है, उससे बाहर निकलना अपने आप को। ओके लेट मी जस्ट ड्रॉ यू, मैं माइक का वेट कर रहा था असल में, तो वहां तक मैं सवाल ले लेता हूँ। जी बेटा वालेकुम सलाम, माइक में, माइक माइक में बोले। जी 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 जी, मेरा नाम मिसेस रिहान है, मेरा सवाल ये आप खड़ी क्यों हैं? नहीं क्योंकि वो माइक यहाँ पे था। अच्छा, तो मेरा सवाल आपके लिए है कि आज हम जितनी भी औरतें हैं, स्पेशली जब हम घर जाएं, तो हम घर से ऐसा क्या काम शुरू कर सकते हैं जिससे हम भी अल्लाह की तरफ जो है कुछ, जिससे अल्लाह हमसे काम ले। ये जो कुछ का लफ्ज है ना, पहले तो ये डिलीट करें ना, कुछ कर लूं मैं, कुछ कर लूं, सब काम हमारा है। दुनिया के लिए कुछ करें, इस्लाम के लिए सब कुछ करें। ओके, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी आपने दीन पे। 99% ऑफ योर लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग द आखरा। अगर आप 99% मुस्लिम एक्टिविटी में हैं, तो 1% अलाउ है आपको दुनिया में। आपकी सोच हर वक्त, मैं आपको यही मिसाल दे देता हूं, क्या नाम है बेटा आपका? मिसिस तूबा रेहान। बच्चे हैं आपके? जी। क्या नाम है? मुलेर। स्पेलिंग बताएं, इतने मुश्किल नाम है। लिया, ओह सच के जाऊं, सही है चेक करो जी। ओह आजादी हो गई जी। लिया, लिया कितनी उम्र की है? गौर से सुने ये बात। अब लिया कितनी उम्र की है? 3 साल की है। बल्कि पता है, करता हूं मैं ये लड़के से पूछता हूं, आपके घर में भी तो लिया है ना, कितनी छोटी बेटी, कितने साल की है? लड़का कोई बताया जो 25 का हो। 1 साल की बेटी है? नहीं, छोटी बहन की बात बताएं जरा, मैं नफ्सियात पे हिट करना चाह रहा हूं। आई वांट टू हिट द यूथ, यूथ के भी बच्चे नहीं हुए ना जी। बेटा नहीं, बहन जिसका, कवारे लड़के से बात कर रहा हूं जी। क्या नाम है? तहरीम। आप ये बताएं, आपके कितने दोस्त हैं? आधा कराची आपका दोस्त है? या ऐसे ही होता है ना, आधे कराची के जितने भी दोस्त हैं आपके, उनमें से किसी के साथ भी आप तहरीम की बात नहीं करते? यस, वर्ड सुने, जरूरत ही नहीं पड़ती, दोस्तों से क्यों बात करें बहन की? समझ रहे ना मेरी बात? रोज तहरीम का टॉपिक तो नहीं छोड़ेंगे, क्यों करेंगे? साल में एक दफा, दो दफा कोई तहरीम की बर्थडे है, स्कूल ने स्कूल से पिक करने जाना है बस। वरना तो दोस्तों को हमारी बहनों के नाम नहीं पता होते, कराची में भी ऐसी है ना। हमारे दोस्तों को हमारी बहनों के नाम क्यों पता होंगे? टॉपिक ही नहीं है। भाइयों के नाम पता होते हैं क्योंकि करतूत है भाइयों के ऐसे। आपकी नफ्सियात के सेंटर में जा रहा हूं मैं, और समझे, ये उम्मत का कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजी, इस्लाम की जो अटेंशन जो मिसिंग है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या नाम है आपका? आपका अपना सुभान। तो सुभान तहरीन की बात नहीं करता, सिवाय अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि तहरीन का एक्सीडेंट हो जाए, अस्पताल में आईसीयू में हो, तो फिर पूरे कराची से आप तहरीन की बात करेंगे। खून चाहिए होगा, अस्पताल जाना होगा, पिक करना होगा अम्मी को, अब्बू को, हर दोस्त को पता होगा कि सुभान की जो तहरीम है वो सेंटर ऑफ अटेंशन और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। यस,
بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے امت کا کانسیپٹ نبی اسلام نے کہا تھا کہ فلسطین میں روز تحریمیں ہماری شہید ہو رہی ہیں، کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی، آپ کی روز کی لائف تحریم ڈیٹرمن کرے گی اگر وہ بیمار ہو جائے تو، آپ کے دوستوں کی لائف بھی افیکٹ کرنا شروع کر دے گی، آپ کا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہوگا، ٹاپک آف انفلوئنس ہوگا، آپ ان سے پیسے بھی لے رہے ہوں گے، ٹائم بھی لے رہے ہوں گے، ایفرٹ بھی لے رہے ہوں گے. یہ ہے فرق. صحابہ کو ہر بچی تحریم لگتی تھی، ہمیں صرف اپنی تحریم تحریم لگتی ہے. اتنا آسان ہے اسلام پہ آ جانا کہ جدھر جائیں گے آپ کو تحریمیں نظر آئیں. 100% فوکس اسلام ہو جائے گا نا آپ کا، کیونکہ 100% فوکس بیمار ہو جاتی ہے تحریم تب مانگتی ہے. تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ مولوی صاحبوں کو پتہ نہیں ہے کہ امت کے وقت اس وقت امن کے حالات نہیں ہیں؟ ہر قصبے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں بچیاں ریپ اور قتل ہو رہی ہیں. اور کیا ہو کہ کون سا تھریش ہولڈ بریچ کریں کہ مسلمان باغیرت ہو جائیں؟ اور کیا ایسا واقعہ ہو ہمارے صاحب بتائیں، اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک نیوکلیئر بم آ کے گورا روز آ کے بم کرے، ایک نہ ایک بچہ ہمارے گھر کا ہی مار دے غزہ کی طرح، تب کہیں جا کے ہم اس اور نظام لے کے اور نظام لے کے بات کریں. اور جتنا میں مولویوں کا نام لیتا ہوں، اعلی حضرت سے لے کے مولوی ساگ صاحب تک کا، ہر فرقے کے میں نے اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیا، کسی ایک مولوی نے صرف اپنی پگڑی کا نام لینا ہوتا ہے، باقی دوسری پگڑی والے کو وہ علماء سو گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے. آپ کی عمروں میں آپ کو سارے مولویوں کا پتا ہونا چاہیے، تب نچوڑیں گے آپ اسلام اس میں سے. تھوڑا تھوڑا سب کے پاس آئے گا، کسی کے پاس زیادہ آ گیا کسی ایک پرسپیکٹو سے، کسی کے پاس زیادہ آ گیا کسی اور پرسپیکٹو سے. ان یور 30s یو شوڈ نو اہل تشیع لٹریچر، اہل سنت لٹریچر، یو شوڈ نو بریلوی لٹریچر، یو شوڈ نو دیوبندی لٹریچر. اگر آپ کو لٹریچر ہی نہیں پتا، آپ کو غامدی صاحب کا لٹریچر نہیں پتا، آپ کی اور میری جرت کیسے ہو رہی ہے کسی پہ اعتراض کرنے کی؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ، اعلی مسلمین و مسلمات سب پہ فرض ہے. کیا علم ہے اور کیا علم چاہیے تھے؟ کہ بھائی پرسپیکٹو آف اسلام تو ملے. سب سے سینٹر میں جو سرکل رہا میں وہ ڈرا کرنے لگا ہوں، آئیڈینٹی کی شناخت، آئیڈینٹی کی شناخت، آئیڈینٹی ہے کیا؟ مسلم آئیڈینٹی میں آئیڈینٹی ہے کیا؟ وہ پہچان لیں آج. پہلے اسلام کے تو ایکسپرٹ ہو جائیں، باقی کی ایکسپرٹیز تو آپ لے ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ. آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں، کورس بتا رہا ہوں، 2 یا 3 گھنٹے روز کے، 3 یا 4 سالوں کے اندر آپ کا آئی کیو اتنا بڑھا دیں گے کہ میں جب آپ کتاب کھولتا ہوں نا، میرے کوئی بھی ہم اثر کتاب کھولتے ہیں جو میری طرح کے اس مومنٹم سے گزارے گئے، تو 2-2.5 گھنٹے میں کوئی بھی کتاب دے دے، اس کا نچوڑ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کتاب چاہ کیا رہی ہے. یاد رکھیے گا، یہ فرق ہے کتاب میں اور قرآن میں. قرآن جب کھولیں گے نیا سمندر بہا دے گا وہ آپ کے سامنے، اتنی طاقت ہے قرآن میں. باقی کتابوں کی عادت ڈلے گی تو قرآن کی اہمیت سمجھ آئے گی نا. اور ہم سب کو پتا ہے کہ ہم قرآن پاک کھولتے ہیں صرف احتیاط کے لیے، زیادہ سے زیادہ برکات کے لیے. یہ واحد امت آئی ہے اس دور کی جو قرآن کھولتی ہے اور نیند آ جاتی ہے. سوچیں یہ فرشتہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں، سوچیں تو صحیح، یہ کیا کیا ہماری اوقاتیں کیا ان کے سامنے. اور پاکستان میں پھر ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہی بولتے ہیں، یہ لوور مخلوق ہے، ہم ہائر مخلوق ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہوں گے یہ ہائر مخلوق ہے، تجھے قرآن کھولا اور تجھے اونگ رہے تو ساتھ. ایک آیت ملتی تھی جب قرآن آ رہا تھا، ایک آیت آئی نازل ہو رہی ہے اور ایسے دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، پھر اگلی آیت دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، ایک ایک آیت کر کے دنیا کا نقشہ بدلا ہے. آپ سوچیں تو صحیح، ابھی میں آپ سے کہوں اس نظام کو بدلنا ہے، بدل سکتے ہیں 3 کروڑ کراچی کے بدل سکتے. 10-10-20-30-30-50-50 سال کا وقت لگے گا، اگلی نسلوں تک محنت جائے گی، تب کہیں جا کے کام شروع ہوگا. اب آپ کو پتہ چلے گا اس جملے میں خالی کہ نبی علیہ السلام نے کر کے کیا دکھا دیا ہے. کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی، سب کفار، مشرکین، پیگنز، یہودی، نصرانی پھیلے ہوئے دنیا میں. اسلام 0 سے آیا ہے اور 23 سال کے اندر اندر پوری دنیا مسلمان کر دی نبی اسلام.
देखते हैं एक दूसरे को 23 साल, कराची क्या खाली क्लिफ्टन बदल के दिखा दे, हमसे तो अपने 45-45 बंदों का खानदान नहीं बदला जाएगा 23 सालों में। तजान जन्म सबसे जो अंदर का दायरा ना हमारा, वो हमारी बिलीफ है। पूरी हदीस पढ़े ना, हदीस ख़त्म ऐसे नहीं होती, हदीस ऐसे होते खुशखबरी सुना दो उन गुरबा को कि अल्लाह ताला इस्लाम की फतह उन गुरबा के हाथ से देगा। और से समझे इस बात को, खुशखबरी किस बात की है? शरा जो है ना हदीस की, वो इसे ज़रूर पढ़ा गया, कुरान की तस्वीर होती है ना, हदीस की शरा पढ़े। और अजनबी कौन है? जो सिस्टम, जो भी करंट प्रिवेलिंग थॉट प्रोसेस होता है, जो थॉट प्रिवेलिंग थॉट होती है, ज़्यादा तो गालिब सोच, उस सोच के खिलाफ या उसके अलावा कोई और सोच निकाल रहा होता अजनबी होता। आप दाढ़ी हिजाबन अजनबी नहीं रहे, हिजाबी औरत अजनबी नहीं है, आप दाढ़ी वाला बंदा अजनबी नहीं है। आप तो दाढ़ी तो खैर फैशन में आ गई, आप तो कहीं से भी अजनबी नहीं। तो ये तो देखना दिखावा गया अजनबी है ना, ये तो इस्लाम में वैसे भी नहीं है। और अरब में तो किसी भी मामले के ऊपर साहबा अपेरेंटली अजनबी नहीं थे, अपेरेंटली तो कोई उन्होंने ऐसे काम नहीं किया कि जो हुलिया बदल लिया हो, सिवाय वो उमरा ने जो कपड़े ड्रैग कर रहे होते थे साहबा ने, वो छोड़ दिया काम। उनके जो आमाल थे वो अजनबी होने थे, उनकी जो सोच थी ये कानून अल्लाह का, निज़ाम अल्लाह का होगा। और वो कह रहे थे ये क्या तुमने बात शुरू कर दी, तुम हमसे औरतें ले लो, पैसे ले लो, ताकत ले लो, सरदारी तू ले ले, यही कहा था ना उत्पन्न, हम सरदार तुझे बना देते हैं मगर सिस्टम हमारा ही होगा, यही कहा। और पढ़े ना हदीस सूरह हामीम सजदा जब नाजिल हो रही है, ये बदबख्त बैठा नबी सलाम को आके क्या लेक्चर दे रहा था बैठी काबे में, नबी सलाम को अल्लाह ने कहा कुछ ना जवाब देना, मैं देता हूं जवाब। सूरह हामीम सजदा उस तक नाजिल हुई, पैदर भाई एक सवाल का जवाब दिया अल्लाह ताला ने कि ये बताएंगे अभी सरदारी दे रहा के पैसे ले लो, अपने शौक बता रहा था ना, और क्या बता रहा था भाई, हमारे शौक बता रहा था वैसे, हमारे भी यही शौक है ना, फितरती गुनाह जो इनके है ना अय्याशी है इनकी, वो दे रहे कुछ करके इसको मेरे नबी को। नबी इस्लाम ने कहा यार तू सूरज रख इस तरफ, क्या तू चांद रख, क्या दोनों दे दे, असूल अल्लाह के होंगे, कानून तुम्हारे सामने करके दिखा देंगे, दिस इज नॉट गोना गो ऑन एनी मोर, पानी खत्म। बीच में पहले आ जाए, पहले ये 20 मिनट सुन लें, उसके बाद आपके सवालों के, ज्यादातर सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। आइडेंटिटी क्या है? सबसे पहले जब बच्चा था, ये बच्चा, बेटा क्या नाम है आपका? फाइज फवाद, गौर से देखिए फवाद को, और ऊपर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे पास, ऊपर आओ ना, ऊपर आओ, हाथ पकड़ो ऊपर आओ, ये देखें आप इसको, हम सब इस उम्र से गुजरे हैं, यस, इस उम्र में गौर से समझें इस बात को, दिमाग हर चीज प्रोसेस कर रहा है, फवाद ना, अम्मी को देख रहा है, उसूल ले रहा है, नफसियात सही गलत की तमीज ये बता, दिमाग खुद ही ऐसे आंखें फाड़ के देखता है बाप को अपने, क्यों कि मैंने इसकी मिमिक्री करनी, मशीन ही है, हम सब ने की है इस उम्र में, देखता है कि चीज क्या देख रहा होता है, सही गलत की तमीज, ये वाला दिमाग अंदर सही गलत की तमीज कर रहा होता है। बड़े भाई को देखता है मारनी पड़ी, चलो भाई यही काम करूंगा, बड़े भाई को तो नहीं मार पड़ी इस बात पर, या बड़े भाई को मार पड़ गई, ये काम नहीं करूंगा, अम्मी ने घूर के देखा, अबू ने घूर के देखा,
तो पता चल गया बाउंड्री लाइन है, ये क्रॉस नहीं करनी। हम सब गुजरे इधर से, इस वक्त जिसका इनर सर्कल बन रहा है, सबसे डीप इनर सर्कल बन रहा है, मुझ भी दो में अकेले खा रहे हो, ये है फितरा अल्लाह की जो आपको नजर आ, अल्लाह ने कहा ना कि हर बच्चा मैंने अपनी फितरा में पैदा किया है। आप सबको नूर नजर आ रहा है इस बच्चे की आंखों में, हम सबको आता है ये नूर, फिर नवाज शरीफ और इमरान खान की आंखों में ढूंढ रहे होते हम, वहां कहां नजर आएगा, उधर कैसे नजर आएगा भाई, मकारी चालबाजी शातिरपन वो तो बाद में सीखते हम, इस उम्र में इनर सर्कल होता है, बिलीफ बन रही है हर चीज की, बिलीफ सही गलत अपनी डेफिनेशन, अपने आप को तो देखना आता ही नहीं बच्चे को, साइकोलॉजिस्ट इतनी डीप स्टडी कर चुके हैं कि अपने आप को कैसे देखते हैं हम, सेल्फ अवेयरनेस उस उम्र में तो बने नहीं। ये है वो दिमाग का हिस्सा जो 13वें साल में 12वें साल में अपनी जो है ना जौबन पकड़ता है, खैर शुरू होता है 28 साल तक चलता है ये प्रोसेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, गौर से समझे इस बात को। ओके मिमिक्री होनी होनी है, एक बच्चे को आगे दूसरे बच्चे ने आना है, होनी अल्लाह ताला ने निजाम ही ये बनाया हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? ना बड़ा नाम माशाल्लाह। हम सब के साथ ये हुआ है, हमने जो चालीस सीखी है ना, ये शातिरपन सीखा है, ये धोखा सीखा है, इनको तो पता भी नहीं है वो क्या चीज होती है। किसी भी बच्चे को आप धोखा दे के देखें, देखना कैसे फरिश्ते की तरह आपको देखेगा कि कितना बड़ा शैतान है तू, ये तूने किया क्या मेरे साथ, साथ ही वो पता क्या करेगा, अच्छा ये भी एक टेक्निक है दुनिया में रहने की, इस तरह सीख रहे थे हम सब। गौर से समझे कि प्रोसेस क्या है बिलीफ का। अब इस उम्र में ना वो बिलीफ बनती नहीं है, इस उम्र में खाली मिमिक्री बनती है, क्या कि ऐसी फोटो कॉपी बनानी है मैंने 12वें 13वें साल के अंदर, अल्लाह की तरफ से देखे नूर नजर आ रहे हैं आप सबको, ये मशीनें तबाह कर रहे हैं बैठ के पाकिस्तान में, इन्हें हम अपने जैसा बना रहे हैं, फिर लानत ना बरसे हम पे। सोचें तो सही क्या कर क्या रहे हैं हम। ये है मुस्लिम आइडेंटिटी जो अल्लाह ने कहा था कि मैं हर बच्चे को मुसलमान पैदा करता हूं, मां या बाप मिलकर या यहूदी बनाएंगे या नसरानी बनाएंगे। या पाकिस्तानी बनाएंगे, बिल्कुल। पता ये वाहिद मुल्क है जो 9 करोड़ लोग लाइन में लग गए थे इसका वीजा लेने के लिए, क्योंकि किसी ने बोल दिया था मुस्लिम आइडेंटिटी इधर है। ये वही मुल्क है, लोग अपनी इतनी इतनी बच्चियां कुर्बान कर करके ट्रेनों में कटवा रहे थे कि हमने इधर जाना, किस नाम पे इस्लाम का नारा लग गया। अंदर सबको पता है कि असली गोल्ड माइन यही है कि इस्लाम का निजाम होता है, इधर आके पता चला उन सबको, हम सबको के तुम तो वैसे ही हो जैसे वो थे, उसके उससे बदतर, वो एटलीस्ट अपने आप को अल्लाह रसूल के नाम पर तो नहीं धोखा देते थे हमें, हमें तो तुमने अल्लाह रसूल के नाम पर धोखा दिया। अहमद दीदात नाम सुना हुआ है, उनके जरा सवाल ने पढ़े खुद, मैंने तो इंटरव्यू देखा हुआ, वो जो कहता ना इसाइल मियां को पता नहीं कहां से अहमद दीदात ने बता दिया, यूट्यूब देख लो यार, मेरे से कोई मामे का बेटा है, उन्होंने खुद कहा अपनी बीवी के साथ, फर्स्ट माइग्रेंट थे वो, इमिग्रेंट थे, 4 साल कराची रहे वो, कराची, और 4 साल बाद मियां बीवी ने कहा भाई झूठ बोल रहे थे सारे, ये कोई पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। इतनी उम्र हम सब की है कि हमें भी पता है, इंडिया को सुनाना हो अमेरिका को सुनाना हो तो अच्छा नारा है, हमें आपस में पता है पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। ये आप ही की जनरेशन है जो रीसेट कर सकती है, हमें पता है मुल्क बाकी इसी ले लिया था, इसराइल ने लिया ना, बदला अभी तक मतलब अपना नहीं बदला उन्होंने,
जो दो तीन स्टेप्स की टेक्निक, पांच स्टेप्स प्रोसेस है उनका, पढ़े तो सही, खुद बताते हैं, छुपाते थोड़ी है। फाइव स्टेप, फिफ्थ स्टेप अराइवल ऑफ मसीह है उनका। फोर्थ स्टेप पूरे करेंगे, फिफ्थ स्टेप पे वो आ जाएगा। थर्ड स्टेप के ऊपर वो आ चुके हैं। फोर्थ स्टेप क्या है? हर यहूदी को इसराइल में इकट्ठा करना है। ये उनकी किताब में लिखी हुई, तालमूद में लिखी हुई क्लॉज है कि सब यहूदी इसराइल पहुंचेंगे तब मसीहा ने आना है। ऐसी ऐसी मूवमेंट्स हो रही है। बहरहाल वापस आए, 12वें 13वें 14वें साल के अंदर अंदर बिलीव का जो सिस्टम है ना, जो इस वक्त लोगों से ले रहे होते हैं ना, अब आप फिर आप खुद क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अपनी शनाख्त आपके अंदर आना शुरू हो जाती है कि मैं कौन हूं, मेरी प्लेसमेंट इस वक्त कराची में, दुनिया में, कुर्रे के ऊपर, मुसलमानों में, बिजनेस में क्या है, मेरी घर खानदान में औकात क्या है, हु एम आई। ये खुद ही सवाल आता है आपके अंदर। वर्ल्ड व्यू कहते हैं इसको हम। फिर आप वर्ल्ड व्यू क्रिएट करते हैं। बिलीफ के अंदर तीन पोर्शन है, इनर सर्कल के तीन पोर्शन है। मैं कौन हूं, किस हिस्से, किस नक्शे का हिस्सा हूं, वर्ल्ड व्यू क्या है, करना क्या है मैंने। तीसरी चीज जिसको हम कहते हैं ना हैशटैग सक्सेस, कौन कामयाब है। तो आप बता दें, हम सबको पता है, बचपन में बताया गया था, लड़कों को तो स्पेशली बताते हैं, क्लास वालों भी बताते हैं, अबू भी बताते, उर्दू में नहीं बताते, अम्मी के अरमानों में नजर आ जाता है कि हम तुझसे चाहते क्या है। जी डॉक्टर इंजीनियर क्या मतलब है, बस या CSS करना है, CSS कराने हैं ना, कराची में भी ट्रेंड है ना, बाकी के पाकिस्तान में तो है ना, पावर थी ना, वो जो है ना, वो कुम्हार किसान के बच्चे वो पावर को फैसिनेट करते हैं ना, तो जब उनके बच्चे पैदा होते हैं उसको CSS कराते हैं। या चोरों के बच्चे, चोर पुलिस से डरता है ना, तो फिर वो CSS करवाते हैं कि हम तो चोरी हैं, तो बेटा अगर हमारा DMG में चला जाएगा तो बचत हो जाएगी हमारी। अपनी फैसिनेशन देखिए, डॉक्टर क्यों, पता नहीं क्या गुर्बत आई है हम पे, जो हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनाना हमने, ऐसे क्या गुर्बत आई है हम पे। सो वहां पे देखिए आपका इनर सर्कल जो है ना बिलीफ का, वो करप्ट किया जा रहा है। अब होता क्या है, गौर से समझें, करोड़ सवालों का आंसर इस सर्कल के अंदर है। 8-9 एट्रीब्यूट हैं हर सर्कल के, मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास। जब हमें बचपन में बता दिया गया था कि इस्लाम क्या है, बचपन में बताया गया था मुसलमान है, इस्लाम क्या है, इस्लाम की डिमांड्स क्या है, हमें बचपन में पता है, गुनाह सवाब बचपन से पता है। मसला ये हुआ हमारे साथ कि जैसे ही वर्ल्ड व्यू दिया गया साथ ही, ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ा वाक्य हुआ हम सबके साथ, हमने आंखें कान खोल खोल के एक्सरे करना शुरू कर दिया, अम्मा अब्बा का, चाचा मामा का, ताया का, सबका, कि इनमें से ज्यादा जरूरी चीज क्या है। हर इंसान करता है और हर तरफ से रिजल्ट आया कि ज्यादा जरूरी चीज इस्लाम नहीं है, डॉक्टर बन जा, बस नमाजें पढ़ ले डॉक्टर बन जा, रमजान में रोजे रख ले बस, वो भी नहीं रखा तो बहाने अम्मी खुद करती थी, अब कोई बात नहीं, अम्मियां तो रोजे तोड़वाती है पाकिस्तान में कि बच्चा नहीं, नहीं बच्चा अभी बच्चा है, 22 साल का बच्चा है। आपको ही पता है, हम सबको पता है इस बात का, मैं तो खुद जानता हूं उस खातून को, काफी सारी ऐसी जिसके, और मर्द को भी, जिसके शोहर ने या बीवी ने छोटे 8 साल के बच्चे को फज्र पे उठाया तो चीखे मार के बावेला शुरू कर दिया कि क्या कर रहे हो, इतना बड़ा जुल्म, सो रहा था इतना बड़ा मेरा बच्चा, डर के अपने बच्चों को फज्र से नहीं उठा, डर के नहीं सॉरी प्यार में अपने बच्चों को नहीं उठा रहे फज्र पे कि बच्चे की नींद खराब हो रही है, क्या टॉर्चरस किस्म का हरकत कर रहे हो तुम मियां या बेगम। ऐसी माओ के तो नहीं अली बिन अबी तालिब हुसैन निकलने ना, ऐसे बापों के तो नहीं निकलने। आप उमर बिन खताब की सवाने पढ़ रहे हैं बैठ के, उमर बिन खताब जिन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर को नॉमिनेट करते हुए क्या कहा था कि 6 बंदे नॉमिनेट कर रहा हूं, उन लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन उमर जैसा हलीम बंदा नहीं है कोई, तो उमर बिन खताब ने क्या कहा था अपने बेटे के बारे में कि ही डज नॉट क्वालिफाई। पढ़े हदीस, ही सेड इन्होंने अपने बेटे के बारे में बता रहे हो कि मुझे इस वाकये का पता है कि इसने हैज के दौरान एक तलाक दी भी अपनी बीवी को, इस किस्म की टैक्टिकल मिस्टेक कर सकता है तो इस्लाम में पता नहीं क्या कर देगा। क्वालिफिकेशन चेक करें इस्लाम की, बाप अपने बेटे को कैसे क्वालिफाई कर रहा है कि उम्मत का मसला है, उम्मत का
میرے سے سوال ہو جائے گا کہ کوئی تمہیں ویزیبل اپیرنٹلی فگر نظر آیا تھا مسئلہ؟ ہاں مسئلہ نظر آیا تھا. آئی کی ناٹ ٹیل ہم, ہی از اونلی گوئنگ ٹو بی دی آربیٹریٹر ایٹ بیسٹ. اگر ووٹ اکٹھے ہو گئے تو ٹائی بریکر کے لیے پوچھ لینا, ورنہ نہیں. ایسی ضرورت, کسی کی ضرورت ہے اپنے اس خواہش کو دبا دینے کی؟ کون نہیں چاہتا بیٹا ترقی کرے یا پاور لے لے یا بڑے کام کرے اسلام کے؟ اور تمہیں خطاب کو پاور تو نہیں چاہیے تھی نا, ان کو تو پتا تھا کہ اسلام کا سب سے بڑا کام جنت کا سب سے بڑا درجہ. امیر المومنین کا مطلب پتا نا آپ کو کہ نبی اسلام کی رفاقت ہوگی, کس لیول کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ہی سے نو سوری. یہ صحابہ اکرام کے سٹینڈرڈز, ایسی ماں اور ایسے باپوں نے تو نہیں کرنے نا. رک جائے بیٹا, رک جائے ابھی میں لیتا ہوں آپ سے سوال. ہوتا کیا ہے, غور سے سمجھے, اسلام کلیش کرتا ہے اس ورلڈ ویو کے ساتھ. اس کو کوگنیٹو ڈسوننس بولتے ہیں نفسیات میں. دو اپوزنگ فلاسفیز اکٹھی ہو جائیں دماغ میں تو دماغ کے اندر دھماکہ ہو جاتا ہے کہ یہ کروں یا یہ کروں. تو پھر ہم جسٹیفائرز ڈھونڈتے ہیں, جسٹیفیکیشن نہیں, جسٹیفائرز. وہ ہمیں امی ابو کی شکل میں مل جاتے کہ کسی ایک کو مجھے ایکوٹی ویٹ کم کرنا پڑے گا. دونوں ایکول ویٹ کی چیزیں اور اپوزنگ ایک دماغ میں آ نہیں سکتی. اسلام اور کرنٹ ورلڈ ویو اصول ہی الٹا رکھتا ہے ایک دوسرے سے. ہر چیز کے اصول فرق ہیں اسلام میں. اس لیے تو کہہ رہا ہوں, یا تو پاکستانی ہو جائے یا مسلمان ہو جائے. مسلمان ہو جائیں گے تو پاکستان کا ہی فائدہ ہے, پاکستان ہو جائیں گے پاکستانی جو اس وقت کی ڈیفینیشن ہے, تو پھر اسلام کا ہی نقصان ہے. پاکستان کو بدلنا مقصد ہے نا. ایک تو ملک کے بشندے آ جائیں گے, ہاں اصلی اسلام لے کے آنا ہم نے. ایسا ایسا گیتا کا کلچر ہم نے پریکٹس اور پرفیکٹ کر لیا ہوا ہے, اسپیشلی خواتین نے, کہ ہندو بھی شرما جائیں. بس مورتیوں کی کمی رہ گئی ہے, وہ بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے اندر اپنے دلوں میں. ہم نے مردوں نے بھی ایک سے ایک وہی کلچر ایز از, جیسے کہ آزادی ملی نہیں ہمیں کبھی. سو ہوتا کیا ہے, آپ غور سے سمجھیں, جب یہ دو بلیف اکٹھی ہوتی ہے تو ایسے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کی طرح ایسے وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے اندر سے ذہن. یہ وہ سٹرگل کا پیریڈ ہے جو آپ نے 14 سال سے لے کے 21 تک گزارا ہے. تو اگر تو وہ دھماکہ ہو گیا, جو کہ ہو جاتا ہے اوورسیز پاکستان, اوورسیز دیسی جتنے بھی ہیں ان سب کو پتا ہے دھماکہ ہو جاتا ہے, اور وہ اسلام کی آئیڈینٹی چھوڑ کے کلچرل آئیڈینٹی میں گھس جاتے ہیں. اتنی بڑی فورس ہے. کس چیز کی فورس ہے؟ آرگیومنٹیشن ہے, ریشنل کی, بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے. وہ آرگیومنٹس ملتے ہیں کہ اسلام پسپا کر دیتے ہیں اپنے ذہن کے اندر. وہ ہمارے اندر بھی ایسی ہوتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ, لوکل پاکستان کے اندر بھی ایسی ہوتا ہے. ایسی وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے ابھی دھماکہ ہونے والا ہے, بلیف سسٹم ابھی بلاسٹ ہو جائے گا, تو ہم پھر سپرسٹیشس ہو جاتے ہیں. ہم پھر برکات ڈھونڈتے ہیں, تعویذ گنڈا کر لیتے ہیں, باقی سارا کا سارا کام دنیا والا, بس تعویذ لٹکا لیا اللہ کا, یا پھر امام زامن باندھ لیا تھا, کسی نے 18 تعویذ باندھ لیے. کیونکہ اسلام کا اوریجنل ڈیفینیشن اور کرنٹ ورلڈ ویو اکٹھا چل ہی نہیں سکتا ایک انسان کے اندر. یا تو آپ ادھر ہیں جس کو اجنبی بولتے ہیں اب, یا آپ ادھر ہیں جس کو عمومی بولتے ہیں نارمل. تو جو اس طرف کی طرف ٹلٹ کرتا ہے, جسٹیفیکیشن تو اسے لینی ہے نا, کیونکہ بچپن میں اسلام دیا گیا. جس کو بچپن میں نہ اسلام ملا ہو وہ اس لیول کے اوپر ڈیسیژن لیتا. ہم سب کو بچپن میں اسلام ملا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں جو پارلیمنٹیرینز کر رہے ہیں, یا کوئی بھی کلاسک لبرل فلاسفی والا بندہ کرتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کا لاکٹ بھی لگایا ہوتا ہے اور ساری باتیں غیر اللہ کی کر رہا ہوتا ہے, کہ پردہ آنکھوں میں ہوتا ہے. سنا نہیں آپ نے؟ پردہ مرد کی آنکھوں میں ہوتا ہے, لڑکی بے شک جو مرضی پہنے نہ پہنے. اوکے, تو پردہ لڑکی کی آنکھوں میں نہیں ہوتا, صرف لڑکوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے. اپنے آپ کو نہیں دیکھتی وہ کہ کیا کر رہی ہے. پردہ اگر آنکھوں میں ہوتا ہے تو پھر لڑکی کی بھی تو آنکھیں ہیں. فطرہ اندر سے چیختی ہے کہ میں نے کیا پہنا ہوا, نہیں کیا نہیں پہنا ہوا. میں مرد ہوں مگر میرے اندر ایک عورت ہے. سوچیں تو صحیح, یہ کہاں سے آ رہی فلسفی؟ وہ وائبریشن بلاسٹ ہو چکی ہے.
جسٹیفیکیشن اللہ کے نام کی رکھنی ہے اس نے, کیوں سپرسٹیشس بلیف ہے اس کی, بس نام کا اسلام رکھنا, کیونکہ ابھی تک وہ یہ اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکا, بچپن کی گاڑی قسم کی سیاہی تھی ابھی تک مٹ نہیں سکی کہ اللہ ہے, مرنے کے بعد آخرت ہے, ورنہ باقی سب کچھ دھو جا چکا ہے وہ. اور وہ جسٹیفائی کرتا ہے پھر کہ نہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے, کسی کو نقصان تو نہیں دے رہی نا میں یا دے رہا میں, میوچل کنسنٹ ہی ہے نا. ہر چیز کے اوپر اس نے پھر ورلڈ ڈیفینیشن لینی ہوتی ہے, کہاں سے, جو گلوبل ورلڈ ویو گلوبل کنسنسس سے زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بس یہ ہے اندر بلیف کا پورا نظام. جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ حاوی ہوگا ہی ہوگا اگر آپ کی جو اوریجنل اسلامک بلیف ہے وہ پریکٹس میں نہ لائی جائے. اگر پریکٹس میں لائیں گے تو وہ اپنے جوبن پہ آئے گی اور وہ پھر ورلڈ ویو کے خلاف ہو جائے گی اور اس کے خلاف تحریک میں آ جائے گی. وہ ہے اجنبی لوگ, وہ تحریک کرتے ہیں پھر اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں, اپنے گھر والوں پہ اپلائی کرتے ہیں. کیا ہوا تھا نبی علیہ السلام کی سیرہ میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ سب سے پہلے گھر والے, پھر قریبی دوست, کوئی اب نارمل سرکل تو نہیں, نارمل سرکل ہے, ایسے ہم بھی ایسے کرتے. آپ کو آج پتا چلے کہ اس کا کون ہے امریکہ کا صدر, جو بائیڈن, جو بائیڈن نے آپ کو فون کر دیا ہو کہ سٹیزن شپ مل رہی ہے آپ کو, تو آپ پہلے اپنے گھر والوں کو دیں گے نا, پھر قریبی دوستوں کو ہی دیں گے نا. سرکل تو نارمل ہے, چکر تو صحیح گھوما ہے, ایسے ہی گھومنا چاہیے, فطرت تو پوری ہو رہی. نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ہے اصلی کہانی, شروع ہو جاؤ کام. تو پہلے خدیجہ, علی, زید, انس باہر نکلے, ابو بکر, سوچیں تو صحیح. آتا ہوں میں کہ رجسٹرس کہاں سے آ رہی ہے نا, کیونکہ وہ انٹرنل جو بلیف میکرز ہیں نا وہ اسلام کے اوریجنل بلیف نہیں دے رہے ہیں. لائسنس اللہ نے دینا آپ کو, ہاں تو ہم مسلمان, اللہ نے لائسنس دے دیا ہوا ہے. میں نا ابھی ایک بہت ہی ہائی آفیشیل میٹنگ میں تھا, وارننگ کے لیے بلایا ہوا تھا مجھے, ہائی آفیشلس. ہاں ہاں ابھی کا واقعہ سنا رہا ہوں, ہاں ابھی کا واقعہ سنا رہا ہوں, اور سنے تو صحیح نا. مجھے کہتے ہیں اسی طریقے سے بولا جاتا ہے جس طرح آپ کو بولا گیا ہے کہ ساحل میاں یہ تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے؟ کہنا ہے سر آپ نے. کہتے اچھا میں نے دیا ہے ٹھیکہ, ہم نے دیا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا آپ نے خود لکھ کے دیا ہے. یو گیو می دس, آئی ہیو دا بک ان یور ہاؤس, آپ کے گھر پڑی ہے وہ کتاب جس میں لکھا ہوا ہے ٹھیکہ میرے پاس ہے اور دیا آپ نے. اصلی واقعہ سنا رہا ہوں کو, چھ بندے بیٹھے ہوئے تھے, سب 65 پلس تھے, دو جوان بھی تھے, جوان تھے, ان میں سے ایک کو میں نے کہا کتاب لے آؤ ابھی دکھا دیتا ہوں, اور وہ انکل مجھے خود کہنا شروع ہو گئے, جب اللہ نے پردہ ڈالتا ایسے ہی ہوتا ہے, کدھر ہے کتاب, کون سی کتاب, لے کے آؤ. یہ تو یہ کوئی 18-20 سال کا یوٹیوبر ہوتا نا تو سمجھ جاتا کہ ساحل میاں کیا کہنا چاہ رہے, مگر وہ انکل کو سمجھ نہیں آیا. کہتے کیا, کون سی کتاب, لے کے آؤ کون سی کتاب. پھر میں نے اس جوان سے کہا بیٹا ایک قرآن کا نسخہ لیا, پڑھا ہوا ہے, لگتا نہیں ہے پڑھاؤ گھر پہ, ورنہ یہ حالات نہ ہوتے. لے آیا, میں نے کہا یہ جی کتاب, یہ لکھا ہوا ہے ٹھیکہ, تمہارا نام لکھا ہوا ہے, جی لکھا ہوا ہے, یہ دیکھے سورہ حج, یہ مسلم, میرا نام لکھا ہوا ہے ٹھیکہ مجھے بھی ہے. انکل یہ حالات میں تھے کہ اللہ جب بلوا رہا ہوتا ہے تو میں نے کب دیا تمہیں ٹھیکہ, میں نے کہا آپ نے ہی دیا نا, اللہ نے کہا جو نہیں لے گا تو اس سے اگلا لے لے گا, آپ سائڈ میں ہو تو ٹھیکہ مجھے آ گیا. یہ وہ 60 سالہ ناہل ہیں جنہوں نے نہیں لیا, اللہ نے ان کو بھی دیا تھا, انہوں نے نہیں لینا تو ہم نے لینا ہے, میں نہیں لوں گا تو اللہ کیا تھوڑ تو نہیں, اللہ نے اسی صورت میں بتا دیا ہے, سورہ محمد نے بتا دیا کہ تو نے نہیں لینا, نہ لے سائڈ پہ ہو جا. اللہ تعالیٰ کسی کو احسان نہیں رکھتے ہوتے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ الصمد, اللہ کو نہیں کسی کی ضرورت, تو نہیں لینا, تجھے چاہیے تھی, تو ہی وعدے کر کے آیا تھا, چپ سائڈ پہ ہٹ, کدھر تیرا بیٹا, اگلی نسل کو دیکھتے ہیں, وہ بھی گئی تو اس سے اگلی کے لیے گے. تم نے کہ مسلمانوں نے نہ لیا تو کوئی بات نہیں, پٹک کے رکھیں گے ہم, کسی اور قوم کو اٹھا دیں گے.
तो यही है ना मामला, मैंने ही दिया ना फिर अपने बच्चों को अगर मैंने ना किया तो। ये है आपका इनर सर्कल, कन्विंस्ड लिबरल्स, कन्विंस्ड मुस्लिम्स, कन्विंस्ड वेल व्हेन दे वर एट, अभी तक 8 साल के बच्चे वाला इस्लाम है पाकिस्तानी बाबे के पास, जो 8 साल में उसको इस्लाम पहुंचा था, उसके बाद उसने अलिफ नहीं पढ़ी उसके बाद। अभी भी पूछ लो ना उससे इस्लाम क्या है, रोज कलमा नमाज रोजा ज़कात हज, कल कलमा सुनाए, पहला कलमा तैयब। ये अंकल अभी तक वो 8 साल है इस्लाम, क्योंकि उसके बाद ना अम्मी ने ना अब्बू ने उसकी प्रोग्रेशन होने दी इस्लाम में, वो बिलीफ बन ही नहीं सकी, बस सुपरस्टिशन तक ही रह गई। इसका सबूत बताऊं आपको, किसी भी सऊदी अरब के पाकिस्तानी से पूछ लेना उर्दू में, नहीं तो अरब से पूछ लेना, कि जब पाकिस्तानी हज करने आते हैं तो क्या होता है। वो अंकल आते और वो जो हरकतें करते हैं ना उधर, अब पूछे ना जो हज करके, पूछे जरा अरबों से, लोकल पाकिस्तानियों से पूछे जो वहीं पे पले बड़े हैं, और वो कह रहे हैं वो पाकिस्तानियों के टोले की पहचान क्या है, पता चल जाता है इन्होंने कोई नया हज निकाला हुआ है। वो बस चलता हुआ आ रहा है। अभी मैं इनर सर्कल पे हूं, आउटर सर्कल पे तो टाइम ही नहीं है। आउटर सर्कल क्या है, सेकंड सर्कल एटीट्यूड का, एटीट्यूड असली वाला एटीट्यूड, कि आपका रवैया सॉरी आपकी सोच का मैवर क्या है, आप कैसे अपने आप को कैरी करेंगे, गर्दन कैसे पीछे करेंगे, शामें कैसे चौड़े हो जाएंगे आपको। इस्लाम में तो किबर नहीं है ना, मुझे कोई किबर नहीं है कि मैं मुसलमान हूं, मगर नाज यही है कि मैं मुसलमान हूं। किबर और नाज में फर्क पता ना आपको, मैं शर्मिंदा नहीं हूं कि मैं मुसलमान हूं, मेरे से ज्यादा नाज किसी को नहीं होना चाहिए कि मैं मुसलमान, ये मेरी बिलीफ का तकाजा है, इनर सर्कल से आ रही है वो, कि मेरा एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड की काफी सारी चीजें मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, वो एटीट्यूड आपका आपकी बिलीफ बनाती है। आप देख लें किसी भी पाकिस्तानी का एटीट्यूड क्या है, वही करप्टेड बिलीफ के ऊपर एटीट्यूड तो दिखाएगा, क्योंकि ये तो फितरत है हमारी, नफ्सियात है। वो फतवा दे देगा अगर उसको समझ नहीं आएगी, या अंकल आपको डम बोल देगा, या एक्सट्रीमिस्ट बोल देगा जो कॉलेज का प्रोफेसर होगा। मुझे अभी एक अंकल मिले हैं, अभी ये परसों मस्जिद से मैं निकल रहा था, और मुझे कहते हैं आपकी बहुत वीडियोस देखता हूं, आप तो पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, इतने पढ़े लिखे हैं आप, और आपकी अंग्रेजी वाह, अपनी तरफ से एक्सेंट में अंग्रेजी बोल रहे थे, वो बड़े बड़े लफ्ज बोले उन्होंने अंग्रेजी के। और मुझे आगे उन्होंने क्या कहा, तो ये पेंडुओं वाले काम क्या शुरू कर दिए नमाज रोजे, लिटरली जुमला बताया हुआ उनको, ये क्या पेंडुओं वाले काम शुरू कर दिए तुमने, ये तुम्हें जेब नहीं देता, जेब नहीं देता, एटीट्यूड ही गलत है तुम्हारा, जेब का लफ्ज एटीट्यूड से आता है। कोई जवाब है इसका उस अंकल का, 81 ईयर ओल्ड अंकल, उसका सबसे छोटा बेटा मेरे से 2 साल बड़ा है, तो क्या कहो, व्हाट इज द आंसर टू दिस, बताऊं क्या आंसर। सर आपका इनर सर्कल जो बिलीफ है ना, वो आपकी अबू ने करप्ट कर दी थी 91 साल पहले, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। ये 100 साल पुराना वाकया जो आपके साथ आपके बच्चों के साथ हुआ, 81 साल से नाफिज हैं आप 6 बच्चों पे, 6 मुसलमानों पे, कहां से आ रही है फैसिनेशन उनकी, अंग्रेज एक्सेंट बाहर ग्लोबल, खुद ही वर्ल्ड व्यू बनाया अपना अपनी मर्जी का। इतने गोरों को गोरे नहीं पसंद, इतने पाकिस्तानियों को गोरे पसंद है, नोटिस नहीं किया कभी, इतना पसंद है इनको गोरा। ये एटीट्यूड है सेकंड सर्कल। थर्ड सर्कल क्या है, वो आपका बिहेवियर है, बिलीफ एटीट्यूड बिहेवियर। ये मैंने सिंप्लीफाई किया है, माहिर नफ्सियात सुन रहा होगा, सोशियोलॉजिस्ट सुन रहा होगा स्पेशली, उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये 5 सर्कल को 3 में कन्वर्ट कर दिया। आइडेंटिटी यही होती है। ओके, दो मिनट लें, आपकी जमात कितने बजे यहां पे, इस सेशन के बाद आप लोग जमात कराएंगे। एटीट्यूड के बारे का जो सर्कल है उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, औसाफ। मैं ये बात याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ट्रू मोमिन नहीं है, किसी भी मुल्क में किसी भी खित्ते में, ये फितरत है हमारी, 100% मोमिन होगा वो। मोमिन कौन होता है, द बिलीवर, द सबमिटर, ट्रू सबमिशन वाला
हर बंदा, मैं आप बाहर जो किसी भी बंदे को देख ले, चाइना चले जाएं, ब्राजील चले जाएं, किसी भी मौके पे किसी भी बंदे को उठाएं, 100% मोमिन के औसाफ। ये आउटर सर्कल एट्रीब्यूट का, वो औसाफ 100% मोमिनीन वाले, सहाबा के औसाफ मोमिनीन वाले थे, इसके भी औसाफ मोमिन वाले। मसला क्या है, फर्क क्या है, उसका जो बिलीफ है ना वो किसी और रब के ऊपर है, वो किसी और दीन का मोमिन है वो मोमिन ही। बिलीफ की ताकत एट्रीब्यूट खुद बना रही होती है। आप किसी भी गली कोने से बंदा को उठाएंगे, वो जिस चीज बिलीव करता है उसके एट्रीब्यूट बना चुका हुआ है, अगर उसकी इतनी उम्र हो चुकी है, नहीं तो बना रहा है वो पैसे बनाने हैं उसने, जो भी उसकी डेफिनेशन लगाई हुई है भाई, ये एट्रीब्यूट है। अगर आप कहें ना वो मुसलमानों वाले एट्रीब्यूट नहीं, तो उसका मतलब पता क्या, मुसलमानों वाली बिलीफ ही नहीं है। एट्रीब्यूट तो है, आप किसी ना किसी दीन के ऊपर तो पक्के हैं आप। आपसे कोई भी लेक्चर लिया जाए, बस देखना पड़ेगा आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, उसके ऊपर आपकी सामान्य उम्र निकालेंगे, आप उस दीन के परफेक्ट स्पेसिमेन होंगे। खवातीन भी मर्द भी, हम जरा ज्यादा विजिबल होते हैं क्योंकि हमारे एक्शन नजर आ रहे होते हैं, बाहर होते 100% मोमिन हैं हम सब। किस दीन की हैं आप ये देख लें बस, वो अपने अपने दोस्तों से पूछ लें, दोस्तों से क्या पूछ लें, गैरों से पूछें जो आपको बाहर से देख के बता देंगे कि अच्छा आपके करतूत क्या है। परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, जान तक दे देंगे किसी एक ऐसी चीज के ऊपर कि जिसके ऊपर भी आपके बिलीफ सिस्टम सेट है। धोखे करेंगे हम, सियासतें करेंगे कि बॉस को फायर करा के बॉस बन जाऊं, हर बंदे को पता है घर में सियासत, सास कैसे पिछाड़नी है, कितनी बंदों को कब को क्या दवाई देनी होती है, हमने किस दायरे में रखना है शोहर को, हम सबको पता है। हमारी एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर बॉडी खुद डिवेलप करती है, वो डिपेंड करता है बॉडी के अंदर बिलीफ किसने डाल दिया, कौन सी कहां सेटलमेंट हुई है, कब धमाका हुआ था ये एटॉमिक, बस इतनी सी बात है। उसके बाद जो एट्रीब्यूट होते हैं उसके बाद का सर्कल है बिहेवियर का, फिर आपका रवैया क्या होगा, क्या करतूत करेंगे आप, कितने अच्छे लेवल पे, किस स्टैंडर्ड के ऊपर गेम खेलेंगे आप, वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, और उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपका बिहेवियर किस लेवल पे चमकेगा, पॉलिश होगा। सो ये चार सर्कल्स आपको बता रहा हूं, बिलीफ के अंदर आपकी किस किस चीज की बिलीफ है ना, आपकी अपनी सेल्फ की, सेल्फ की बिलीफ क्या है, आपकी प्रेजेंस इन द प्लैनेट, वर्ल्ड व्यू क्या है आपका, प्लैनेट की अपनी बिलीफ क्या है, आपके ऊपर दुनिया में निजाम क्या है, क्या कैसे तरक्की करूं, हम सबको पता क्या है तरक्की करूं, खाली इमरान खान को नहीं पता था, नवाज शरीफ को नहीं पता था, आपके समझ रहे हमें वो मौका मिलेगा, जियाउल हक सदर होगा और चीफ मिनिस्टर के लिए हमारे वाले साहब के बाद फैक्ट्री होंगी तो हमारे वाले साहब ने हमें निकाल लेंगे लिंक लगा के जियाउल हक के, ऐसे ही बना था नवाज शरीफ, हम वही कर रहे हैं काम 100% जो नवाज शरीफ ने दो नंबर किया अपने बच्चों को इंग्लैंड में फ्लैट लेके, अब मेरे अबू ने भी करना था, आपके अबू ने भी, मैंने भी इंग्लैंड में फ्लैट बना के देना, पाकिस्तानी बाप के तौर पे तो 100 out of 100। नीचे सेंटर में जो बिलीफ का सर्कल है उसके अंदर जिस चीज की बिलीफ सेट थी उसमें तो परफेक्ट काम हुआ है, इसलिए तो आंखें फाड़ के कंफ्यूज रहते उसके बच्चे के, क्या मतलब है, क्या गलती की हमने, मसला क्या है इधर, ये साहबी आके बताएगा कि बेटा ये बहुत बड़ा मसला है, एक भी कतरा इस पैसे में किसी का नाहक आ गया था तेरे सारे करतूत अकारत। सोचो ना सही, हम सब एक्चुअली में ये सारा कुछ परफेक्टली प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद डिनाइल में जाते हैं क्योंकि बस दिखावा है कि हम इस्लाम में, हम दाढ़ी वाले, हम जमात इस्लामी में आते, तंजीम इस्लामी में आते, हम इस इस्लामी में 50,000 तो तहरीके हैं ना पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान में 50,000 तहरीके और एक पाकिस्तानी में 0 तहरीक। तो तहरीक का जो सेंटर है, जो आइडेंटिटी का फर्स्ट सर्कल है, उसमें तो क्रिएशन की नहीं किसी ने, वो मेहनत का काम है जिसके लिए औरत को अल्लाह ने आसमान तक का दर्जा दे दिया था कि 12वें साल तक बस ये जिम्मा ले लो, 12 साल तक नबी अलैहिस्सलाम ने कहा दो बेटियां या एक बेटा, 12 साल तक मेरी नैज तक बालिग कर दो, बस बिलीफ का सेंटर बन रहा था ना उस वक्त, खुद ही एट्रीब्यूट बनेंगे उसके, वो बस वो नहीं बनाई, कैसे बनाएं, खुद तो पढ़ाई की नहीं तो किसी तरह बच्चे को कैसे बताए, अम्मी से पूछ पूछ के, अम्मी क्या हो गया बच्चे को, कॉलिक हो गया कॉलिक, 35 कॉले अम्मी को रोज शादीशुदा औरतों की जाती, आप सबकी बीवियों की, द चीफ कंसल्टेंट इज सिटिंग स्टिल इन दैट हाउस, इस्लाम का कुछ नहीं पता, पाकिस्तान का सब कुछ पता है।
बिल्कुल ऐसे ही आपके बेटों ने, हम सब ने यही काम करना है। सो द कल्चर कम्स इन द सेंटर ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम रादर देन द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, और उससे आइडेंटिटी हमारी करप्ट हो चुकी है। आपके सामने जो भी मिलेगा आपको मोमिन ही मिलेगा। अब आपने खाली उसकी दीन की बहस करनी है कि तेरे सेंटर में दीन कौन सा है, आपने सेंटर में निशाना लगाना है अगर आपने दावत देनी है तो। ये बाहर के कल्चर एट्रीब्यूट्स क्या रहा, बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स एटीट्यूड, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एटीट्यूड से तो बड़े बड़ा बंदा मुसलमान मिलेगा आपको। आप जाएं इधर अमरीका टोरंटो में, मेरे घर के मेरे शहर में जहां मैं पला बड़ा हूं, मुस्लिम गे बार, मुस्लिम गे बार, बार शराब गे मुस्लिम, कौन सी चीज ठीक है इन तीनों में से? इस कॉम्बिनेशन में खाली बार ठीक है कि नशे में ये काम हो सकता है, बाकी होश में तो ये काम नहीं हो सकता। उसका ओनर नहीं, उसके सारे बंदे मुसलमान हैं, अंदर से अपने अल्लाह का लॉकेट पहन के बैठे होते हैं सारे। आदमी आदमी से जब गले मिल रहा था अल्लाह का लॉकेट पहन रहा था दोनों। मुस्लिम के बाहर नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड का टैग लगा हुआ बाहर। क्यों मुझे गुस्सा क्यों है उस बंदे पर जिसने कुरान पकड़ा मेंबर पे बैठा हुआ है, गुस्सा क्यों आता है मुझे उस पर? मैं फिर बता दूं, मेरे से ज्यादा मौलवियों का नाम कोई नहीं लेता। मैं मौलवियों के खिलाफ नहीं हूं, जबरदस्ती ना अपनी आइडेंटिटी को, जबरदस्ती ना अपने एटीट्यूड को ना रब ऑफ करे इधर। मैं जिन मौलवियों का नाम ले रहा हूं उनको आप गुमराह कहते हैं, मसला ये है। मदूदी को आप गुमराह कहते हैं, इसहाक को आप गुमराह कहते हैं, कुतुब को आप गुमराह कहते हैं, डॉक्टर इसरार को आप गुमराह कहते हैं। मैं क्या करूं फिर? वो मौलवी नहीं है, वो बिके ना उसके टीचर हैं, लम्स में पढ़ाते हैं मदूदी साहब। मदीना यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर की मुझे कॉल आई, मदूदी मदूदी करना बंद करो यार, मदूदी मरदूद गुमराह था, पाकिस्तानी एसोसिएट प्रोफेसर मदीना यूनिवर्सिटी का। बेशर्म को इतना नहीं पता मदीना यूनिवर्सिटी का फाउंडिंग मेंबर कौन है? सैयद अबू लाला मदूदी। करप्शन देखे ना, आइए नीचे कन्विंस हो गया, बिलीफ में डाल दिया कि मदूदी मरदूद है। पढ़ा ही नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, वो बनाई तेरे मरदूद ने। ये भी मैं मफरूजा तोड़ दूं, ये मौलवी साहब, मौलवी क्यों मैं बोल रहा हूं, ये दाढ़ी वाला बंदा बोले, फोलवी बोले, फोलवी कहते ना खुद कुरान पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। आए ना जरा बाहर, आए ना दुनिया से, कुएं से बाहर आए, आपको दिखाऊं कनाडा में 35-40 हजार जो कॉन्वर्ट्स की एग्रीगेशन कन्वेंशन होती है, जो क्रिश्चियन थे पहले मुसलमान हो गए, खुद घरों में कुरान पढ़ पढ़ के वो गुमराह नहीं हुए, पाकिस्तानी गुमराह हो जाता है। ये वाहिद मुल्क है जो कुरान पढ़ के गुमराह हो जाता है। क्या बरकत है मौलवी साहब आपकी, वो बगैर किसी मौलवी के मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन थे कुरान पढ़ के, और हम कुरान पढ़ के गुमराह हो रहे हैं। अल्लाह ने इसका खुद जवाब दिया है, अल्लाह ताला ने आयत इसी इतराज की आयत निकाली भी कि तुम पे मैं अगर कोई फरिश्ता आता ना तो तुम कहते हमें तो ये बात नहीं समझ आती, हम जैसा कोई हो तो हम समझें, और समझे इस बात को। और अपने आप को जब भी ये मौली बोले ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी तो कुरान समझाया, तो आप उससे पूछिए आप नबी है, नबूवत का दावा कर रहे हैं आप? नबी अलैहिस्सलाम के लिए जो चीज तख्सीस में आई है वो जबरदस्ती मौलवी साहब को क्यों इनहेरिटेंस में मिल रही है? आप सिंपल से सवाल किया करें कि आप ये बताएं, आप सब मुसलमान अपने बच्चे जब पैदा हुए थे आप लोग, आपके अबू ने क्यों कलमा पढ़ा था, आपके अजाने दी थी, मौलवी साहब को क्यों नहीं बुलाया था? मजहब बदल दिया बगैर मुफ्ती के, उस वक्त मुफ्ती की जरूरत थी ना, कलमा पढ़ाते वक्त भी बुलाते थे मुफ्ती साहब को, वो कहां से समझ आया आपको कि नहीं नहीं मैंने खुद मैंने अपने बच्चे को मुसलमान कर दिए? अच्छा वो पैदा ही मुसलमान हुआ था, खाली फितरा चीख के बता रही है इस्लाम क्या, इस वक्त ये हालात हो गए इस्लाम के कि इंसान की फितरा में हम ढूंढना शुरू हो गए हैं कि कोई तो इस्लाम की आवाज आ रही है इसके अंदर, नहीं तो हमने लपेट दी है गलाफ ओवर गलाफ ओवर गलाफ। अगर वो कलमा पढ़ सकता ना बच्चा तो हम पढ़वा देते उसको। और मैं मावरतन कह रहा हूं ना, जब एक साल का था, दो साल का कलमा पढ़ाया था तो मौलवी ने तो नहीं पढ़ाया था ना, हमने ही पढ़ाया था ना।
सोचें सही, कलमा आप क्यों पढ़ाते हैं फिर, आप क्यों पढ़ाते हैं, मौलवी आप, उधर बच्चे को गुमराह नहीं हो जाएगा? बगैर मुफ्ती के एक बंदे ने आगे कलमा पढ़ा दिया, किधर तक तक शीश रखूं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ़ा दी, डायरेक्ट मुकाबला कर रहे हैं ये नबी सल्लम के हदीस के खिलाफ। नबी सल्लम ने कहा कि अगर एक भी आयत आती है आगे पहुंचाओ, भलाई ना रुक जाए, इस्लाम ना रुक जाए, इन्होंने रोक दिया। कहने नहीं, वो हमारी ज्यूरिस्डिक्शन है, औकाफ का महकमा इस्लाम में नहीं है, कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं इस्लाम में, एक भी आयत आती है आगे पहुंचाएंगे आप, ये लाइसेंस है आपके पास, अल्लाह का दिया हुआ लाइसेंस है कि ये ना भलाई मौलवी साहब क्या कोई कोई भी सवाल हो कि पांच कितनी नमाजें हैं इस्लाम में, आप क्यों बता रहे हैं, मौलवी साहब से पूछते हैं ना, इस्लाम का इतना बड़ा रुकन आपने मुझे बता दिया, पांच किधर तक लाइन ड्रॉ करूं मौलवी साहब। कुरान के बेटा तीन हिस्से हैं, याद रखिएगा, सबको पता है जिसने कुरान खोला है, उसमें जो फिक है ना फिक, वो जाए ना फिक के डॉक्टरों के पास जाए, उन्होंने उम्र गुजारी है, मैं मानता हूं हिकमा का हिस्सा क्यों उन्होंने इनहेरिट कर लिया मुफ्त में, इतनी हिकमा आती होती तो इस्लाम का यह हाल होता, मोस्ट रिपल्सिव क्रीचर इस तक मुसलमान है दुनिया में, मानते क्यों नहीं हम, लेट्स एडमिट द ट्रूथ, दुनिया मुसलमान पता क्यों नहीं हो रही, हमारे करतूतों की वजह से, इसका जिम्मा नहीं लेगा मौली, जब बुराई की बात आई नहीं तो तुम्हारा अपना जिम्मा है, अच्छाई की बात है मेरी तरफ से हो रही है, क्यों जी बुराई भी आपकी वजह से रुकनी चाहिए थी ना, वन नहीं है अनिल मुनकर नहीं है। अभी मौली साहब के साथ ना मेरे साथ तो ही बहस करता, इतनी बड़ी आयत निकाली सूरह हज की कि इस्लाम के अंदर निजाम नहीं है तज़किया है, और आयत कौन सी निकाल रहा है, वो वाहिद आयत है जिस पे सारे के सारे बंदे कन्विंस्ड है कि ये निजाम के लिए अल्लाह ने आयत निकाली है, कि जब अल्लाह ताला निजाम कायम करवाते हैं, जब ताकत दे देते हैं आपको, तो हम क्या करते हैं, अकामुस्सला, अकामुस्सला करते, देखे जी देखे हमें तो नमाज के लिए भेजा हुआ है, आगे भी तो पढ़ो मौलवी साहब, दो नंबरी छोड़ दो, पूरी आयत सुनाते तो खुद ही पानी पानी हो जाते, अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर की आयत का हिस्सा ही काट दिया, सूरह हज की आयत 41 की बात कर रहा हूं, जो पढ़ पढ़ के सुना रहे लोगों को कि अगर अल्लाह ताला आपको ताकत दे दे दुनिया में तो आप नमाज कायम करते, तो अकामा का क्या मतलब है, अपने ऊपर नमाज पांच वक्त नमाज पढ़ना अकामत होती है, अकामत होती है पूरे दुनिया के मुसलमानों को नमाज के ऊपर लेके आना, वो कैसे लाएंगे, निजाम के थ्रू लाएंगे ना, क्या दावत देते रहेंगे जा जाके चेक करेंगे आज फजर पढ़ी है कि नहीं, इन्हों अकामत दीन के अंदर मतलब समझ नहीं आया कि दीन अकामत कायम करने का मतलब क्या है, मतलब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत थी, पता वो क्या रॉकेट साइंस है जो बचपन में हमें डाली गई कि अकामत दीन का मतलब क्या, आप खुद किसी भी मौलवी साहब से पूछ लें जो ये कहता हो कि दीन का निजाम नहीं, कि अकामत दीन का मतलब बता रहे हैं बस, तो इन्होंने क्या कहा, अकामत का तो मतलब बदल नहीं सकते थे क्योंकि बेसिक कर भी है वो, दीन का मतलब बदल दिया इन्होंने, आप इमरान खान से लेके रीमा खान तक कोई भी बात दीन का मतलब पता कर देते हैं, मजहब इतना अच्छा मजहब तो वो बुद्ध मत के दलाई लामा को नहीं आता जितना मुसलमानों को मजहब को पता चल गया है कि बस सजदे नमाजें जिक्र अजकार साथ जो कुछ हो रहा है खैर है, ना देख बुरा ना सुन बुरा, यही है ना गीता और क्या है, वेद सुनाया आपको मैंने, कर लो तज़किया अपना, और फिर क्या कहते हैं, वो इंडियन मुसलमानों को पूछो, मैं बता रहा हूं इंडियन मुसलमानों को, अभी सुन लें इंडियन मुसलमान, ये फलस्तीनी कर रहे हैं ना यही करना चाहिए था आपको, और ये जी मौलवी साहब कह रहे ना कि जहां जहां माइनॉरिटीज में होते हैं मुसलमान वो कैसे निजाम कायम करे, तो आपको पता नहीं है बेशर्म, वो पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे हो, यही किया था हमने भी, हमने अपना निजाम बनाने के लिए मुल्क बना लिया था, और क्या किया पाकिस्तान का क्या मतलब है, आप हम माइनॉरिटी में ही थे, इस्लाम के नाम पर हमने सिस्टम अलग कर लिया था हमने, बाद में नहीं चलाया तो खैर है, अलग बहस है, करते रहेंगे बहस पूरी, मगर इंडियन मुसलमानों के लिए भी यही पैगाम है, पहली दफा किया था दूसरी दफा भी हो सकता है, और शर्म आनी चाहिए हम सबको कि फलस्तीनी आज तक अपने बच्चे कुर्बान करवा रहे हैं और हमें होश नहीं आ रही, वो बार बार उनका बच्चा तक टैंक पे पत्थर जाके मार देता है कि हम नहीं ताबे आने वाले, ये उन उन दोनों मनों को बता रहा हूं जो इस्लाम में कह रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए कैसे निजाम पूरा करे, तुम पाकिस्तान में रह के माइनॉरिटी की एग्जाम्पल देना बंद कर दो, पाकिस्तान मेजोरिटी मुस्लिम है, यहां पर तो कर देते, यहां पे आप लोगों ने खानकाहें खोलनी अपनी,
सो सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, रिविजन एक बार देख ली, सेंटर में आपकी जो बिलीफ है ना उसके अंदर अगर प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी कैसे आएगी? प्योरिटी वर्ल्ड व्यू कैसे ना आए? दुनिया में यूट्यूब, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, वर्ल्ड वाइड वेब, और क्या क्या खुला हुआ आजकल, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सारा अगर आप एक्सपोजर दे रहे हैं बच्चे को तो आपकी डेफिनेशन पे तो वो दम नहीं है। जिस तरीके की स्टोरी टेलिंग हॉलीवुड को आती है ना, वो आपको और मेरे बस की बात नहीं है। या तो ट्रेनिंग लें सीरा सिखाने की, तो हर बंदा तो या लड़की ले नहीं सकती। तो वो क्या होता है, वो स्टोरी सुनता है नबी सलाम की इक्का दुक्का आदि, और इधर से टॉम क्रूज की पूरी फिल्म चलती है 1.5 घंटे की, और वो करोड़ों डॉलर लगा के बनाते हैं वो स्टोरी। आप लोग पकौड़े बना के बनाते हैं स्टोरी, करोड़ों में और पकौड़ों में फर्क होता है ना, क्वालिटी का फर्क होगा ना स्टोरी में। सो इस तरह तो नहीं वो बिलीफ वो पूरा व्हाइट वॉश कर देता, लिटरली व्हाइट वॉश, वो गोरंग का पूरा बिलीफ सिस्टम गुजार देता उसमें से। हमारे बच्चे ने कैसे इस्लाम के, वो सेंटर सर्कल की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड व्यू ही है सीरा। अल्लाह ताला बार 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 बता रहे हैं आपको, नबी इस्लाम के साथ वो सारे वाकयात हुए हैं जो हम में से किसी एक बंदे के बाद भी भाना ना बचे कि मेरे साथ वो वाली मुसीबतें आई हैं जो नबी इस्लाम पे भी नहीं आ सकती। कोई एक बंदा भाना कर ही नहीं सकता। नबी इस्लाम की और उनके घर वालों के ऊपर जो जो मामलात हुए हैं वो एग्जैक्ट वही होने हैं जो आपने अगर आज मिशन पकड़ लिया तो, वो है असली वर्ल्ड व्यू। आज तक गोरा सारी की सारी बातें रिफ्यूट करने के लिए तैयार है, मगर एक चीज वो कहता है ये तो मेरे कल है भाई, ये तो ही नहीं मान सकते कि एक बंदा सहरा में से उठा और पूरी दुनिया में एज ऑफ इस्लाम आ गई। एक बंदा, ये भी नहीं कि ग्रुप, नो ग्रुप नहीं, एक बंदा, असहाबे काफ, नो वन मैन, अ कम्युनिटी बिल्कुल भी रही, एक फैमिली, नो पूरी फैमिली भी अगेंस्ट थी, एक बंदा, वन मैन, एंड एवरीवन इन द वर्ल्ड बिकेम मुस्लिम। इतना बड़ा मोजा, साइंस मान ही नहीं सकती इस बात को, मगर डिनाई भी नहीं कर सकते, और बड़े फेर बात करते हैं कि नहीं यार हुआ है, मानते हुआ है, तो और क्या करें पूरी वर्ल्ड को व्यू बदल देने के लिए, और कौन सा टोटका लेके आऊं? तुम्हारा कोई जर्नैल आ जाता या कोई साइंसदान आ जाता या फिर कोई पॉलिटिशियन आ जाता, नहीं कर सकता ना। हत आदम से कहानी शुरू हुई है, मेरे नबी ने कैसे कर दिया? इसीलिए नबी इस्लाम को अल्लाह ने मौजा नहीं दिया कि ये ना हमारी उम्र में बहाना लग जाए कि समंदर फाड़ा था मूसा ने, मुर्दे जिंदा किए थे ईसा ने। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ नहीं करके कहा कि मुझे और आपको आम बंदे को बहाना ना मिले कि मेरे हाथ में तो कोई मौजजा नहीं है, दम ईसा नहीं है, यद मूसा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। तवक्कल डायरेक्ट कि जान लड़ लेनी है, कोई नहीं मार सकता, चलो सही बात होगी, सही काम होगा। कोई भी आपसे कहना यार इस तरह तरीके से दिन चलता तो फिर कैसे चला था? सारे दोस्त थे नबी अलैहिस्सलाम के, आप बताएं, किसी बादशाह के घर पैदा हुए थे हज़रत मूसा की तरह, या बिन बाप के मोर्चे की तरह पैदा हुए थे कि कोई डिनाई ना कर सके? नहीं, एवरीथिंग वाज एज नॉर्मल एज यू एंड मी। बेस लेवल के ऊपर से किसी भी इंसान, औरत, मर्द के लिए भाना नहीं छोड़ा अल्लाह ने। इसीलिए तो आखिर नबी की इतनी बड़ी वैल्यू है कि अब कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा पैसे नहीं है या खानदान मेरे साथ नहीं है। कोई एक बहाना निकाले आपको सीधा से आंसर मिल जाएगा कि हाँ जी ये तो ऐसे ही हुआ। इसलिए कह रहा हूं मल्टीपल डेफिनेशंस देना बंद करें। प्योर हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरब का कोई बच्चा नहीं है जो इस साल इतनी उम्र का ना उसको मगाजी ना सिखाए हुए, बच्चा ट्रेनिंग मगाजी पे करते हैं, मगाजी के अलावा बच्चे की नफसियात बन नहीं सकती। सही कहते हो 100% ऐसी। अब माहिर नफसियात अभी भी ये कहते हैं कि देर इज नो वे यू गोना क्रिएट एन आइडेंटिटी ऑफ अ मैन अनलेस यू क्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट हीरो। उठा के देखे नीचे को, डेकार्टे को, ह्यूम को, रो रहे हैं हीरो क्रिएट करना मस्त है, सेवियर चाहिए, सेवियर, कोई ओवरमार्स बोल रहा है, कोई सुपरमैन बोल रहा है, सेवियर बोल रहे हैं, इमैनुअल कांट, सेवियर चाहिए उसको, नीचे को ऊबरमैन चाहिए जी। हाँ हमारे पास है ना, सही कहते हैं वो, सही पहुंचे, ऊबर मैच चाहिए हमें। हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी ये कहा कि बच्चे को चाहिए होता है कि भाई किस चीज की मैंने किस चीज की मिमिक्री करनी है, वेयर इज द आउटर कर्व ऑफ फैसिनेशन, कि मैं पीक क्या है, पीक बताओ, पीक हमें मिल जाती है बस। खानदान में तुम्हारा कजन टॉप कर गया है, वो डॉक्टर बन गया है, वो सब कुछ बताएं, जरूर बताएं, किसने कहा दुनिया में नहीं रहना,
उससे पहले पहले सीरिया की क्यों नहीं ट्रेनिंग हुई भी? वो सीरिया की ट्रेनिंग होती तो उसने कह रहे हाँ डॉक्टर ही बन जाऊंगा, इसमें भी फायदे हैं, अल्लाह ने इसमें भी वो रखी हुई है, बरकत रखी हुई है कि मैं अल्लाह को बेहतर तरीके से पहचानूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। इस वजह से कोई डॉक्टर नहीं बन रहा, कोई इस वजह से फिजिक्स नहीं पढ़ रहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फिजिक्स ओवर फिजिक्स ओवर फिजिक्स बताई हुई है, कोई भी नहीं कह रहा, फैसिनेशन ही कोई नहीं। इसीलिए तो सहाबा के नाम नहीं पता, साइंसदानों के नाम पता है। एक सहाबियात का नाम नहीं पता आपको, एक का भी नहीं नाम पता। और ना अगर नाम कहीं से पता चल भी गया हो तो अभी पूछूंगा एक सवाल, आप फेल हो जाएगी उसमें, किसी एक सहाबी का नाम बता। और मैं तो हैरान हूं पाकिस्तानी लड़की को हज़रत फातिमा की उम्र का भी नहीं पता, सब बैठी हुई है फेल। मैं बताता हूं हज़रत फातिमा की उम्र, अभी पता चलेगा सवाल का जवाब किसको आता है। नाम लेना फैन बनना नहीं इस्लाम में। रोनाल्डो की उम्र पता है, मेसी की उम्र पता है, उसकी बीवी के नाम भी पता है बेशर्मा को, वीडियो देखी है ना। क्यों? आइडेंटिटी कहीं और से ली जा रही है, कैसे वर्ल्ड व्यू कहीं और से आ रहा है। बार बार गटर का ढक्कन खुला हुआ है, ऐसे बाहर है अपने बच्चों के अंदर। हम सबके साथ ही हुआ है, सीरा ओवरटेक हो गई, जिसने सीरा ओवरटेक करवा दी कहानी खत्म। फिर वो जस्टिफाई करेगा ही करेगा, वो लिबरल हो या मौलवी हो, काला हो या गोरा हो, हबशी हो या कॉकेजन हो, उसने डेफिनेशन अपनी उस बचपन से क्रिएट हुए 20-20 साल का मोमेंटम लगा, आपकी एक मिनट की दावत या लॉजिक दे दिया। काउंटर आर्ग्यूमेंट करूंगा, साहिल वर्सेस दिस, अली वर्सेस दैट, ये इस्लाम है। ऐसे बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, किरदार सिखाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। सीरा भी सिखाई जाती है, पढ़ाई नहीं जाती। So, it's a problem that only you and I are going to solve. कैसे? पिछला सारा गंद रोक दे बस, और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम रोता हूं मैं भी, क्या करूं, मेरी भी अम्मी है ना, मेरे अबू फौत हो चुके, अम्मी तो हैं, देख रहा होता हूं कि क्या करूं। आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं? आप पहले वाला मामला रोके ना दीजिए, मेरे बच्चों तक तो ना जाए ना, क्या और क्या कर सकता हूं। वो अरमानों का इस्लाम, वो तवाहमात भरा इस्लाम नीचे आ रहा, कैसे क्यों आने तू? What do you think was going on? नबी सलाम की उम्र लाइफ में क्या हो रहा था? उससे भी टफ माँ बाप मिले? नो, बिल्कुल भी नहीं। अबू लहब जैसे बाप में मिला? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो बहुत आसान गेम मिली हुई है, नाम के हैं, दिल के हैं, तो मुसलमान ही माँ बाप प्यार करते हैं हमसे। नबी सलाम के तो दुश्मन थे, क्या क्या चालें चली अबू लहब ने, आपने नहीं पढ़ा हुआ, आई गारंटी यू आपने नहीं पढ़ा हुआ। बता ही नहीं देता पाकिस्तान में सीरा। अबू लहब का पता है ना कौन है? तब जदा अबी लहब वतब, याद है ना? क्या करता था अबू लहब ने, ऐसा क्या किया जो पूरी सूरत आ गई उसके ऊपर? नहीं ना पता, जब खानदान खिलाफ होता है आपको नहीं पता कितना बड़ा टॉर्चर होता है। आपको पता है पाकिस्तानी हमें लड़की के पीछे खिलाफ हुआ था ना खानदान हमारा, अल्लाह के पीछे भी करें ना खानदान खिलाफ अपने, उस वक्त तो ताकत आ गई थी हम सब में। तब खानदानी रस्म और रवाज, अंकल आंटी सब बहुत साइड पे, लड़की बहुत प्यारी है, ताकत आती है ना हमें। उस वक्त कहां से उमर खत्ताब जाग जाता है आपके अंदर? तब लॉजिक आते हैं, फरासत आती है। अबू आर्ग्यूमेंट झेलें काउंटर आर्ग्यूमेंट, अम्मी आर्ग्यूमेंट झेलें काउंटर आर्ग्यूमेंट, और आपके साथ भी ऐसे ही है। आपके साथ तब होते ना, आपके शोर दूसरी शादी कर रहे होते, तब अचानक ऐसे पर निकलते आपके, तलवारें बाहर होती, तीन तीन वकील लाइन पे होते, तो आप किधर, मतलब मुझे समझ नहीं आती ये, मतलब अल्लाह ने मशीन सही बनाई हुई है, सब कुछ है। द इस्लाम पे आते हैं क्योंकि बचपन में वो वैल्यू ऑफ इस्लाम नहीं बने थे, इस्लाम के पीछे सब कुछ कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, वो वैल्यू ही नहीं क्रिएट हुई। और मैंने कहा ना, उस दीन के मोमिन हैं आप, मोमिन आए हैं जिस दिन में दूसरी बीवी नहीं लाओ, क्योंकि उसकी मोमिना बाहर आती है फिर वो, तो फिर नहीं हम उसको तो नहीं हम बर्दाश्त कर सकते ना। यू गाइस आर टू पावरफुल। बड़ा बड़ा पाकिस्तानी मर्द जितना मर्जी मोटा हो, जितना मर्जी पलावा हो, पिछाड़ देती हैं आप, पैरों में गिरा रो रहा होता है, तब किधर जा, मतलब कहां से आती है एनर्जी? वंडरफुल एक्सपीरियंस नहीं? और हम सब डरे हुए हैं किस दिन से? जिस दिन बीवी को पता चल जाएगा।
हम सब डरे हुए, हम सब डरे हुए, कसम उठा रहा हूं जिस दिन बीवी को पता चल जाएगा ये इतनी ताकतवर मखलूक है। हाँ जी, आप लोगों ने, लोग देखो आ गए ना, लोग आ जाते हैं कहीं से, बेटा सवाल किया होगा, सिर्फ सवाल पूछना, ताना ना देना। बिलीफ, इनर सर्कल, आइडेंटिटी देखें। आपको पता है पाकिस्तान की बीवी शोर को देख रही होती है ना, एक्सरे कर रही होती किसी बात का, अच्छा ये चीजें भी इसको नहीं पता, अभी बताऊंगी बेटा। शादी के पहले दिन ही सास को देख के भी, अच्छा किधर किधर क्या क्या चीजें इनको अभी मैंने समझानी है। बेटा करे ना, किसने कहा है, मैं कह रहा हूं खाली एक शोर काबू ना करे, पूरी उम्मत काबू कर ले। आपने बस वहां तक क्यों रखा है, ताकत है ना आपके पास, ताकत है तो पकड़े ना फिर सबको, आपको क्यों, आप मैं कह रहा हूं 1,00,000 औरतें ही पकड़ लें, एक आदमी ना पकड़े आप, अल्लाह की कसम। ज्यादा फैसिनेशन, ज्यादा एक्साइटिंग गेम बता रहा हूं आपको, अल्लाह की इज्जत हो जाएगी आपकी, एक पाकिस्तानी मर्द की इज्जत से क्या कर लेना आपने, क्या बताए क्या कर लेंगे, सख्त शिर्क है कि अल्लाह के ऊपर शोर को ट्रंप किया हुआ आपने। और हमने भी सच बताया ना, लास्ट बीवी हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, क्या आपके समझ रहे, मुझे नहीं पता। एक पाकिस्तानी मर्द अंदर रास की बात बता रहा हूं, दफ्तर में भी यही सोच रहा था ये वाली चीज कर लूं, ये चीज खरीद लूं, बीवी के लिए बीवी अप्रूव कर देगी, बीवी खुश हो जाएगी, वी कम होम सो एक्साइटेड। रस भाई तबूक पर साहब नहीं ऐसे एक्साइटेड होते थे इस तरह, क्योंकि हमने वो बिलीफ के अंदर हमारे देखे वैल्यू एक दिल में, या तो अल्लाह होगा या गैर अल्लाह होगा, बस ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने दिल मुनाफिक नहीं बनाया, दिमाग ऐसे ऐसे नफाक खोलता है ना, दिल साफ सुथरा या एक वक्त बस आहद, उस आहद में कोई या आंटी होगी या अंकल होगा या अल्लाह होगा, ये दो एक ही वक्त एक वैल्यू जो है ना ट्रंप करेगी दूसरे को, एक ही वैल्यू की दो चीजें नहीं हो सकती। इतनी सी बात है आपको समझा रहा हूं, और मैं फिर बता दूं, जितना मर्जी आप शोहर की पूजा कर लें या सासी कर लें नांदी कर लें या पाकिस्तानी कर लें, जिस एंड में आपने मर जाना है, अल्लाह की कसम मर जाना है, आपके ना शोहर ने उतना हैंडसम रहना है ना आपने खूबसूरत रहना है। मैं बता औकात देख लें, पिछली नस्ल को देख लें, उससे पिछली को देख लें, नानी को देख लें, कोई वैल्यू नहीं इन चीजों की जिसको हमने दे दी है, दुनिया खुद हमें बता दी है, हमें बचपन से लेसन मिलता है कि बुढ़ापा आया ही आया, फना आई ही आई, मगर नहीं उसको हमने इंटरनलाइज करने के बाद 20 साल पीक के चाहिए, उसमें मैं बगावत करूंगी अल्लाह से, जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो अल्लाह अल्लाह किया करूंगी, ऐसे ऐसी पूजा पाठ पे तो शर्म आनी चाहिए कि तू आया भी तब जब तो किसी और काम का नहीं रहा, हमें तो तब चाहिए था। नबी सलाम ने क्या कहा, जवानी की इबादत, इबादत कब, जब जवान थे तब चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त तेरे पास ऑप्शन थी कुछ और करने की, तू सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह की तरफ आया। और दूसरा क्या मतलब बताया, ये तो अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में आ गया, दीन का मतलब नहीं बदला खाली हमने, हमने इबादत का मतलब ही बदल दिया, लिटरली 100% वो वेद से लिया, हमने वेद से लिया, गीता से लिया, संस्कृत से लिया। संस्कृत में पूजा पाठ क्या होता है, पाठ किसे कहते हैं आप, पाठ क्या होते, आपने पाठ नहीं देखे, इंडियन किताबें पकड़े नजर आ हिंदुओं की, पाठ किसे कहते हैं, हमें पता है पाठ किसे कहते हैं, क्यों छुपा रहे हैं, अजगार को पाठ कहते हैं, अजगार को, अजगार की संस्कृत पाठ है ना, पाठ, कितने पाठ पूरे कर लिए आपने, बता देंगे हिंदू आपको बताएगा, उसकी किताब से ही पाठ पूरे करता है वो, अजगार को पाठ कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं, अपनी मूर्ति को श्रद्धा करने को पूजा कहते हैं ना, तो
तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो मूर्ति की पूजा नहीं करते अपने तौर पे, हम तो अल्लाह की करते हैं ना, और पाठ भी हम भी करते हैं। सिकर में बोल देने से हम हिंदू कैसे हो जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि मैंने जबान बदली? नहीं नहीं, हिंदुओं वाली बात कर ली। क्यों हिंदू वाली बात? आपके वाले करतूत सारे हिंदू वाले हैं, मैंने तो खाली बात की है, जबान बदली है। इबादत का तो मतलब था 100% तमाम अहकाम मानना। गुलाम हूं मैं। आपके घर में काम वाली कहे ना, बाजी एक कमरा नहीं करूंगी कभी भी, बाकी सारे कमरे करा लो। क्यों नहीं करोगी भाई? क्यों नहीं करेंगी आप बताए ना? सर जुमे वाले दिन दफ्तर नहीं आया करूंगा, या मंडे ऑफ है मेरे, रखेगी कंपनी कोई? या तो पूरी पॉलिसी कर या जा घर। यही है ना, हम सबको पता है फितरत की आवाज है। सो या तो पूरे का काम होंगे या फिर आप अपना आइडेंटिटी बदल लें, कार्ड कंपनी का वापस कर दें, यू आर नो लॉन्गर वर्किंग फॉर दिस ब्रांड। या तो ऑल या नथिंग, वरना आप असली गुलाम नहीं है, असली अब्द नहीं है, असल इबादत नहीं करते आप। अल्लाह ताला फुल टाइम गुलाम अल्लाह ने पैदा किया आपको। हम अपने रब के फुल टाइम गुलाम हैं। पार्ट टाइमर है तो बता दें, पार्ट टाइम इस्लाम नहीं है। दो तीन मजहब मैं बताऊंगा आपको, पूछे मैं बता दूंगा आपको पार्ट टाइम मजहब कौन से हैं अभी भी चल रहे हैं दुनिया में। इस्लाम फुल टाइम अब्द जो है ना गुलामी मांगता है। ये मसला, इसीलिए आधे से ज्यादा मुसलमान हिल जाते हैं कि यार ये तो बहुत मेहनत का काम है भाई, ये तो सोने से पहले से जागने से शुरू होने तक पूरा टाइम हर वक्त इस्लाम चल रहा। जी इस्लाम चल रहा था। चींटी भी सामने से आएगी तो मेरा इम्तहान के लिए आएगी, ये तो इंसान बैठे हुए मेरे सामने, मामलात हो रहे हैं, एक भी मामला गलत आखिरत में अजाब, जी अजाब। ना किसी नेकी को हम छोटा समझेंगे, ना किसी बुराई को छोटा समझेंगे, किसी एक वजह से ही पकड़ हो सकती है। जी हाँ, ये इस्लाम। तो इसका मतलब है सारी की सारी कायनात के सारे मामला मेरा टेस्ट है। जी हाँ, सारे, कोई एक एक्सेप्शन बिल्कुल भी नहीं। फुल टाइम इस्लाम, इतनी बड़ी गुलामी जी ये करनी है तो बताए, और वो भी तुम्हारे अपने तक नहीं, ये पूरे के पूरे निजाम का जिम्मा तुम्हारे सर पर डाल दिया है। सबको ठीक करो, और जिसको तजकिया चाहिए उसका तजकिया का भी आंसर बता दूं, तो तजकिया कराना कराए ना, सबका कराना तजकिया, फिर अपना अपना क्यों करते हैं? और सबका तजकिया सिर्फ तब हो सकता है जब निजाम तजकिए वाला हो। नबी सलाम ने कहा अल्लाह भी हैरान हो जाएंगे, मुहावरे में कहा कि अल्लाह भी हैरान हो जाएंगे जब देखेंगे फरिश्ते, ये खास तौर पर वो हजरात सुन लें, ये गांधी वाले और ये जो तजकिए वाले, अल्लाह भी हैरान हो जाएंगे कि जब अल्लाह ताला देखेंगे फरिश्ते जंजीरों में जकड़ जकड़ के लोगों को जन्नत में फेंक रहे, और जब कोई कमेंट करेगा ना या कोई फतवा देगा कि अल्लाह को कोई हैरान नहीं कर सकता, तो हदीस पढ़े वो मुहावरा कैसे इस्तेमाल हुआ है, क्या है वो जंजीर, क्या है वो निजाम की जंजीर है कि लोग उनके बस में होता तो वो दोजख में चले जाते, मगर निजाम ने अलाउ ही नहीं किया उनको, वो अलाउ ही नहीं थी उस गुनाह की, या पकड़ इतनी सख्त थी, वो जंजीर फरिश्तों ने वैसे लपेटी होगी कि आज तुम अपनी फितरत की वजह से नहीं बचे हो, उस निजाम की वजह से बच गए, तुम्हारे जबिली शौक बहुत थे पूरे नहीं होने दिए निजाम ने, चलो जन्नत में टिकट है तुम्हारे पास, जब उन्होंने को गुनाह कमिट नहीं किया तो क्यों दोजख में जाएंगे? अब खाली एक जगह रह गई जहां गुनाह नहीं होता, और वो है कोट लखपत जेल, कराची जेल, अडियाला जेल। निजाम जो है बेशर्मों के हालात ये हो गए कि हमारे मुजरिम जो है वो एक निजाम के अंडर बेगुनाह हो गए, खुले छोड़ दो तो सब गुनाह करेंगे, जेल में डाल दो निजाम। इससे अच्छी क्या एग्जाम्पल दूं आपको निजाम की, कि दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम भी जब निजाम के अंडर आता है तो गुनाह से आरी हो जाता है। नमाजें पढ़ रहे होते हैं डाला जेल में पांच वक्त, क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या करो? जो बता रहे हैं वो करो, जो असूल है वो करो। लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जाए कैलिफोर्निया चले जाए, वही निजाम है, कोशिश बहुत करते हैं, खर्च कर ही नहीं सकते, मुजरिमीन है ना, कोशिश तो करेंगे। हमें बलबता बहाने मिल गए हैं, क्यों? हमारे सेंटर में आइडेंटिटी करप्ट कर दी गई। ओके, आई होप ये तीनों चारों सर्कल्स जो है ना, उससे आप सबको अपने अपने तमाम तर अहबाब की, तमाम तर निजाम की, तमाम तर खानदान की शक्लें सजा आ गई होगी। हाँ, यहां से शुरू हुआ था, वो छोटा बच्चा अल्लाह ने कैसे हमारे सामने प्रेजेंट किया कि वाकई इसी ओल्ड एज में शुरू हुआ है, वाकई अम्मी ने दो नंबरी की है,
दो नंबरी ना रोकना असल में सबसे बड़ी दो नंबरी है, सबसे बड़ी दो नंबरी क्या है, वन नहीं अनिल मुनकर ना करना। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। बहुत प्यारा सवाल है आपका। जब आप लफ्ज़ इज्तिहाद बोलेंगे ना तो टेक्निकलिटी खुल जाएगी। टेक्निकलिटी के लिए बहस करवाए। अगर वो कहते ना, और ये कहेंगे लोग, अच्छा ठीक है साहिल मियाँ इस्लाम का दीन इस्लाम का सिस्टम ले आते, तो बरेलवी लाए या देवबंदी, अहले हदीस वाले लाए या शिया, तो मैं पता कहता हूँ कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आपस में इनको लड़ा लो, जो जीत जाता है बरेली आ जाए देवबंदी आ जाए। एक दफा निजाम पे कंसेंसस लाओ, नीचे बहस मुबाहिसे इज्तिहाद के लिए पूरी उम्रें भी लगा दी तो खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इज्तिहादी मसाइल जितने भी हैं, फरोई मसाइल जितने भी हैं, इज्तिहाद करें उस पर। अकीदे पर तो कोई मसला नहीं है, कोई एक अल्लाह को दो अल्लाह तो नहीं कहता, या अल्लाह के कोई और किस्मत तो नहीं निकाली हमने, ना बरेलियों ने ना देवबंदियों ने ना शियों ने ना सुन्नियों ने, समझने को नबी सलाम को आखिर नबी मानते हैं, हाँ जी सब मानते हैं, मानते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो कहता हूं नहीं सर नबूवत का दरवाजा भी खुला है, नहीं ला नबी अबादी, कहानी खत्म हो गई, अब अकीदा तो दुरुस्त हो गया हमारा। अब हाँ नीचे ये कैसे किया जाए, हाथ ऊपर किए जाए नीचे किए जाए, हाथ खोले जाए, बेफिक्र नस्लें निकाल दूंगा मैं इसमें बहस में, बहुत अच्छी बहसें, मगर असली बहस तो पहले खत्म करें ना कि निजाम होना चाहिए या नहीं। अगर निजाम के ऊपर आना है तो आप ग्रीन पगड़ी पहने या काली, इट डज नॉट मैटर। ये दो नंबरी हमारे आगे नहीं चलेगी, आप हमारे यूथ के आगे के बरेलवी लाए या देवबंदी लाओ, सर आप ग्रीन पगड़ी वाले लेके आए। आपको बताता हूं ना, पहले इस सवाल का जवाब जो है ना वो समझे, जब भी आओ ना सर फिर एक फिरका फिरका खेले, वही खेल रहे फोल भी आ रहा हो, पर खैर है इमरान खान नवाज शरीफ से बेहतर है, बताता हूं क्यों। आपने ट्रेन करना है अपने बच्चों को, चाहे आप ग्रीन पगड़ी में ट्रेन करें काली पगड़ी में, उसको बताएं सेंट्रल फिगर जो है वो कानून अल्लाह का, अल्लाह का कानून, और ग्लोबल लेवल के ऊपर किसी भी मौके के ऊपर कहीं पे भी कुरान पाक की जरूरत पड़ रही है तो चाहे गैर मुस्लिम को पढ़ रही है तूने जाके पूरी करनी। कुरान पाक की क्या जरूरत होती है, अफ्रीका में पढ़ी थी ना अपार्टाइड मूवमेंट में नेल्सन मंडेला के हबशियों को, हम क्यों नहीं गए, कुरान ही मांग रहे थे ना वो, कहा था ना उन्होंने रब्बना आतिना फिद दुनिया, कहा था ना हमने, कहा था ना रब्बना आतिना फिद दुनिया, हमने कहा है ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, क्या है ये, वो भी तो यही मांग रहे ना, तो कुरान की जरूरत है, हमें तो पता है कि अल्लाह ताला ने कहा था कि भाई जब एक बस्ती वालों ने आवाज लगाई थी किस चीज की, आप कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना का मतलब क्या है, हमें बताया ना पैसे, ये बताया ना हमें, ये बताया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना का मतलब पैसे, अल्लाह ने बताया क्या मतलब है इसका, कि जब एक बस्ती में किसी बस्ती में इंसानों ने आवाज लगाई थी कि रब्बना अखरिजना, हमें इस बस्ती से निकाल दे, उधर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना लगे हुए हैं मुसलमान, इधर वो कह रहे हैं या अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल यहां पे जुल्म हो रहा है, कौन मुसलमान थे, नहीं अल्लाह ने कहा इंसान थे, आदमी और औरत, मिन रिजाल मिन निसा, तुम क्यों नहीं गए उधर जाके। ये है निजाम की डेफिनेशन, ये कौन पूरी कर रहा है सुन ले, जॉर्ज बुश इश्तहाद करता है, टोनी ब्लेयर इश्तहाद करता है, वो क्यों ये निजाम पूरे कर रहा है अपने, वो तकी उस्मानी साहब को कॉल करता है या मौलाना लियास से कॉल करता है, वो ओबामा ने किस मुसलमान ने कॉल करके कहा था कि हाँ यार निजाम हमारा होगा, बताऊं बताता हूं ना, इधर हाथ में हामद करजई का हाथ था, देख लें पढ़े यूट्यूब पर देखे डॉन अखबार पढ़ लें, मैंने तो डॉन अखबार में पूरा देखा था ना फीचर, मैं पाकिस्तान में था नहीं उस वक्त, ऐसे जॉर्ज बुश ने हाथ में परवेज मुशर्रफ का हाथ रखा हुआ है और एक में हामद करजई का, जॉर्ज बुश जूनियर, और क्या कह रहा है जॉर्ज बुश कह रहा है, वी बिलीव इन द एनलाइटन मॉडरेशन ऑफ इस्लाम, रियली यू बिलीव इन इस्लाम, तो मुसलमान हो गया मिस्टर बुश, व्हेन डिड यू स्टार्ट बिलीविंग इन इस्लाम, यू नो क्या कह रहा है वो, हमारे निजाम में
اسلام کا یہ والا ورژن ہم نے قبول کیا. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہو کیا؟ کامن سینس کی بات کر، سائنس میں تو نہیں جا رہا ہوں. جارج بش نے کہا ہم نے نظام نافذ کر دیا ہوا ہے، اس میں ہم اسلام الاؤ کر رہے ہیں جس میں یہ والا اسلام ہمیں پسند آیا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بچے تیار کریں جو آرگیومنٹیشن آن دس سسٹم، دس سسٹم کر سکے کہ بھائی یہ سسٹم ٹھیک ہے کہ نہیں. نہیں ہے تو ہمیں کوئی اور سسٹم دے دیتے، ہمارے پاس بھی ایک سسٹم ہم دے دیتے. اب مسئلہ کرتے نیچے سے مولوی صاحب ہی کھینچ رہے ہوتے ہیں اس بندے کو، کہ نہیں اسلام میں سسٹم ہے ہی نہیں، اسلام میں سسٹم ہے ہی نہیں. ریلی وہ خیر مجھے اس پاور کو کنوینس کر لینے دے جو غیر مسلم ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، تجھے مسلمانوں کے نیچے میں کھینچ رہا مولوی صاحب تو مجھے کہ اسلام میں سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ہٹ جاتا ہوں سائڈ پہ. تو پہلے ہی سجدہ کر رہا ہے اس کے سسٹم کو. ہر مسلمان کو اس تک مجبوراً سجدہ کرنا پڑ رہا ہے نا امپیریلزم آف امریکہ کے سسٹم کو، مانے نا. کدھر تھے یہ تزکیے والے مولوی صاحب جب امریکہ کا ساری کی ساری بیسز ہم نے امریکہ کو دے دی تھی مشرف نے، سارے ایئرپورٹ امریکہ کے پاس تھے، تب کہاں تھا یہ مولوی اس وقت؟ تزکیہ کر رہا تھا اپنا، ہاں اللہ کی قسم اپنا تزکیہ کر رہا تھا. یہ نتیجہ ہوتا ہے آپ کا کہ جب نظام کسی اور کو ہاتھ میں پکڑا دیں. آپ تو مولویوں کی کاؤنسل بلائی تھی اس نے مشرف نے، سرکل نے بٹھایا اور کہا ہاں جی امریکہ حملہ کرنے والا ہے، ود اس اور اگینسٹ اس بول دیا. تو ڈاکٹر سرار کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، سنے ویڈیو پہ انہیں کی زبان سننے، میرے سے کیا سنتے ہیں، کہ میں نے پوچھا سب کے اس بولتے ہاں یار حملہ کر دے گا تو ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے. اور سنیں ان کے نظام نے بہت طاقت پکڑ لی، ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. تو ڈاکٹر سرار کہتے جب میرے تک نوبت آئی تو میں نے پوچھا حملہ کر دے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ امریکن فوج آ جائے گی ادھر. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے سارے کے سارے ہوائی اڈوں پہ وہ بیٹھا ہوگا، وہاں سے افغانستان میں حملہ کرے گا. اچھا امریکن فوج ادھر آ جائے گی، ہوائی اڈے اس کے پاس چل جائیں گے. جی ہاں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تو آپ کہہ رہے ہیں بغیر لڑے ان کی فوج آ جائے، ہوائی اڈے ان کو دے دیں، تو اس سے بہتر ہے لڑ کے کر دے دو یار، تھوڑی سی تو غیرت بچا لو اپنے اندر. ہم سے تو بہتر وہ فلسطینی ہے جو اپنا کوئی اڈا نہیں دینا چاہتے، بچے مروا دیتے ہیں. ہماری بلیف سسٹم میں نہیں ہے یہ، ہماری بلیف میں بچپن میں پتا کر ڈالا تھا امی نے بیٹا جان بچا کے بھاگ. سوچیں یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کام. میں نفسیات کا لیکچر دے رہا ہوں آپ کو. ابو نے کہا تھا اوے شکر ہے کسی کی لڑائی میں نہیں پڑا، یہ بدماشی ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ایم ایس ایف پی ایس ایف نہیں کھیلے گا میرا بیٹا. میں آتا ہوں کروک کے اوپر، کروک کے اوپر بھی آتا ہوں. اور نہیں بیٹا انہوں نے بائی ہوک نہیں، بائی کروک نہیں کیا، انہوں نے بائی ہوک ہی کیا ہے. ہمیں ان کا کروک نظر آیا ہے، ہم ان کے سارے کروک صاف نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ہوک بہت پرانے گاڑے میں ہمارے اپنے اندر، اسی لیے تو میمے چاہیے آپ کو، وہ ہوکس ہیں. اسی لیے تو آسکر ایوارڈ کے سارے ونرز کا پتہ آپ کو، اسی لیے تو فزکس کے بندے کو اسمارٹسٹ مین مانتے ہیں آپ، اسی لیے میک ڈونلڈ جانا ایک فیسینیشن ہے، وہ ہوکس ہیں ان کے، انہوں نے انٹلیکچوئل سپیریئرٹی پہلے شو کرائی ہے. آپ کے سمجھے چاند پہ جانے پہ ایسے کیوں ریس لگی ہوئی تھی؟ دنیا کو تابع کرنا تھا، ذہن کو تابع کیا انہوں نے پہلے، بعد میں آرام سے فوج آئی، ایک گولی نہیں چلائی امریکہ نے، پورا پاکستان لے گیا. ڈسپشن نہیں بیٹا، پیور گیم کھیلی ہے، ماننا پڑے گا. ویس بی فیئر، انہوں نے انٹلیکچوئل سپیریئرٹی دکھائی ہے، جیسے بھی تابع کیا ہے غلط ڈیفینیشن پہ فزکس کو. کیا فزکس کے پاس سارے آنسرز ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کیا پتا سب کے آنسرز غلط ہو. آئنسٹائن نے آ کے نیوٹن کو پچھاڑ دیا کہ بھائی ویکیوم نہیں ہے اسپیس، اسپیس ٹائم از اے میٹر، از اے تھنگ کیا نا اس نے. آپ اور میں مل کے خالی یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی فزکس کی ڈیفینیشن تو بدل دیں، ہمیں تو قرآن نے بتایا کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے؟ اصل میں بتایا معاملہ وہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ، اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ میں نے اس چھٹے آسمان پہ معراج پہ دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نیل اور فرات نکل رہے. اب بتائیں فزکس کو کیوں نہ میں پروف کروں اس سے؟ یہ فزکس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ معاشرتی لوگوں کی ہے یہ حدیث، یہ بتائیں نا کیا ہے؟ یہ بیولوجی ہے، یہ فزکس ہے اور کیا ہے؟ چار چشمے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے، اور یقیناً سورس دے دی. اور بھی ہوں گے، اور بھی ہوں گے. میرے تو استاد ہیں مفتی ابراہیم صاحب،
जमनी है, कहते सारे चश्मे जितने भी चश्मे हैं दुनिया में सब आसमान से आ रहे हैं। इस्तदलाल उन्होंने सदी से किया हुआ है, जेन ऐसे खुलता है, जितने भी चश्मे कराची में भी देखोगे चश्मा। मैंने कहा ठीक है होंगे, मैं अपने उस्ताद वो आर्ग्यूमेंट वो डिबेट तो कर भी नहीं रहे थे। चार चश्मे नबी सलाम ने बताए, हाउ डू यू थिंक मैंने ये क्या सराई कैसे कर, मेरे अंदर इतनी जुरत कहां से आ रही है कि थर्ड टेम्पल इसराइल का टेबल माउंट पर नहीं बनेगा। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देख ले वीडियो कि तीसरा टेम्पल किधर बनाएंगे, मेरे नबी ने बताया किधर बनाएंगे, बेसिस है मेरे पास, 300 फुट नीचे है वहां नहीं कोई जा रहा, इधर टेबल माउंट के ऊपर लगे हुए सारे। ये होती है डिसेप्शन, खुद अपने ऊपर डिसेप्शन डाले भी उन्होंने। थर्ड टेम्पल का पता ना आपको, पता ना किधर बनाना चाह रहे हो, ये कहानी है। दजाल ने कहना ले लो यार अपनी मस्जिद अक्सा वापस ले लो, ये लो, खुश हो गए, हाँ खुश हो गए, अब बैच पे बैच चलेगी फिर, एवरीवन इज हीरो बनाएगा, मुझे पता है गीहान स्प्रिंग के ऊपर। वल्लाहु आलम, मुसलमान हूं मैं, फ्यूचर का तो नहीं पता, लगता है ऐसे ही है, हदीस भी बता रही है गीहान स्प्रिंग पे बनाएगा। क्यों? हज़रत सुलेमान का टेम्पल के अंदर नेचुरल चश्मा फूटता था, आसमान से निकला था, नबी सलाम ने बताया हमें, आसमान से फूटा था चश्मा, चार फूटे थे, दो नील फरात है और एक अरब में, और वो खुश्क हो गया है, और ये चौथा ही है, अभी तक खुश्क नहीं हुआ, गिओन स्प्रिंग अभी भी बह रही है। वहां पर क्यों नहीं बनाएगा जहां पर सुलेमान ने बनाया, वो पागल है कहीं और बना के बनाएगा, किसी वजह से उस चश्मे पे टेंपल बना था। वो बताता हूं क्या सोर्स है, वो ये बहुत लंबा काम है, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, मगर देख लो मैंने लिखी भी है पूरी वीडियो, तो क्या है गिओन स्प्रिंग में, क्या होता है नेचुरल चश्मों में। सो ये क्या है, ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स है, हमारे पास बेसिस है, ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे दरवाजे खोल ले लाने कुरान पाक में, जहन के दरवाजे, फिजिक्स के दरवाजे तो आप और मैं नहीं खोलने हैं, किताबें लिखनी है, पढ़नी नहीं है खाली। ये कह रहा हूं मुसलमान को कि जब तक किताबें पढ़ने वाला बनेगा तो स्टूडेंट ही रहेगा, किताबें लिखने वाला बनेगा तो उस्ताद बन जाएगा। इस्लाम किसी भी मुसलमान को स्टूडेंट नहीं बनाता, कुरान हर मुसलमान को टीचर बनाता है, क्योंकि बेसिस देता है, जहन खोल देता है। कौन होता है उस्ताद इसका जहन खुला हुआ होता है, जिरके का मुंशी कौन होता है, विजडम आता है उसको, वे विजडम और ये जेन खोलना, ये कुरान पाक की बेसिक्स हैं, बेसिक्स। कुरान पाक तो शुरू होते ही जेन खोल देता है आपका, लॉजिक की उल्टा कर देता है। साइंस का लॉजिक क्या है, मुझे समझा दो मैं मान लूंगा, यही करते हैं ना, मुझे समझा दे साहब मैं मान लूंगी, अल्लाह ताला ने कहा मान ले तो समझ आ जाएगी। सोचे तो सही, आपके लिए मौजाती आयत नहीं है, पढ़े सूरह बकरा की पहली दो आयतें क्या है, ज़ालिकल किताब ला रही बेफी, आगे क्या है, हुदल्लिल मुत्तकीन। हाँ अच्छा रियली, क्या मतलब है इस बात का, कि किताब तब तक शक ही डालेगी जब तक मानेगा नहीं, मानेगा सारे शक दूर। लॉजिक उल्टा नहीं हो गया, लॉजिक ही उल्टा हो गया भाई। हम तो बचपन से कहते अबू जी समझाएं, मान जाऊंगा, बड़ा अच्छा बच्चा हूं आपका, अल्लाह ताला ने कहा मान समझा दूंगा, एक एक आयत तेरे वो चीजें खोल के देगी, क्योंकि ईमान बार्गेन नहीं करते। अल्लाह ने ईमान के ऊपर कोई व्यापारी नहीं की कि यार तू इधर आ जा तो मैं इधर आ जा, नो नो नो, मेरा रब कहता है ईमान पूरा चाहिए, इल्म बहाऊंगा तेरे ऊपर, कि किसके लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए, कौन सी किताब में ये, इसमें क्या है, कोई शक नहीं है, खोलेंगे तेरे ऊपर राज, तकवे पे आ पहले। आप सोचें कौन कौन सी साइंस उल्टी करके अल्लाह बताए अब हमें, और क्या करें अल्लाह ताला। जी बच्चा बोलो बोलो, किसने हाथ खड़ा किया बोले, बेटा अगर आप फिरके से मुंसलिक हो गई तो इस्लाम से तो आप गई ना, आपका जी वला तफर रखू जी, और मानता थोड़ी है कोई, यही तो दो नंबरी कर रहे हैं, कभी कोई बरेली बोलेगा मैं बरेलवी फिरका है, नहीं वो पता कहेंगे इस्लाम यही है, देवबंदी कहेंगे इस्लाम यही है। हाँ तो जरा सा पीछे हो जाए ना, कहें हाँ आप दोनों या तो दोनों ठीक हैं या दोनों बुरी तरह गलत है, क्योंकि दोनों है तो फिरके, या शिया या सुन्नी, डजंट मैटर। ये कि जो है इसका मतलब होता है बैठ बेटा बैठ,
نہیں ایسے اسلام نافذ نہیں ہوگا. اسلام اسلام وَاعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ انٹلیکچوئل آئے تھے, انٹلیکچوئل وارڈ فیئر ہے. وَاعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ پڑھیے نا, کون مطلب بتائے گا اس کا؟ جتنی طاقت ہی تو نہیں ہے, طاقت لے کے آؤ. مسٹر اپ اگینسٹ دیم آل یو کین. سمجھ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے انٹلیکچوئل وارفیئر سے دنیا نہیں فتح ہو جانی, دنیا فتح ہوگی, ذہن فتح ہوں گے. دنیا میں ڈھیٹ پھر بھی رہیں گے. ڈھیٹوں کے لیے کتب علیکم القتال, اللہ نے پہلے بتایا ہوا ہے. ہمیں کوئی شرم نہیں ہے کسی آیت پہ, کھل کے بتاتے ہیں. یہ عالی آیت کسی کراچی کی مسجد نے بولے, پیچھے سے آئے گا ایک انکل, اوئے ککڑ. مانتے نہیں ہیں نا مولوی صاحب, ہم تو بتاتے آئے تھے. میں نے تو نہیں سنی پاکستان میں ہی آئے تھے. کیا نہیں اٹھایا؟ تو مدینہ میں کیوں کی؟ ریاست کے بعد ہوا ہے نا, جب مدینہ میں ریاست قائم ہو اس کے بعد. تو کیا چاہیے ہمیں؟ اب انڈیا میں بیٹھے ہم, پہلے ریاست چاہیے نا. تو کیا ہے ہمارے پاس؟ قوت نافذہ نہیں ہے نا, ساحل عظیم کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. اور بیٹا اسی لیے تو بنتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج سب ہم مسلمان ہو جائے نا, میں قسم اٹھانے کے لیے تیار اٹھا نہیں رہا ہوں, کیونکہ اتنا بھی اعتبار نہیں ان پہ. تو عمران خان سفید داڑھی لے لے کے ووٹیں مانگے گا آپ سے. اگر ہم سارے دین پہ آ جائیں, نواز شریف صاحب نے داڑھی رکھنی ہے, شہباز شریف نے بھی کلے پہنے ہونے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ناہنجار سیلفش صرف آپ لوگوں کے اس لیے نہیں, اپنے آپ کو کول کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے سینٹرل ڈیفینیشن میں کول کا لفظ ان کے حلیے میں لکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے ووٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. آپ سمجھ نہیں رہی کیوں؟ یہ ہمارا آئینہ ہے. یہ دو نمبر لوگ ہمارا آئینہ ہے, ہمارے اس سینٹرل سرکل کا. ان کی بھی وہی امی, میری امی وہی ہے نا, ان کے ابو میرے ابو وہی ہے. ان کو بھی پتا اس بات کا. اپنے اپنے ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے اسد عمر عمران خان ہو یا شہباز شریف نواز شریف ہو, کیا کر رہے تھے؟ مولویوں کا ووٹ کیسے لینا ہے, لبرلز کا ووٹ کیسے لینا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہمیں, یہ بچہ سمجھتے ہیں ہمیں؟ یہ پرانے انکل جتنے تھے نا 60+, یہ بچے تھے سارے. آپ وہ والا یوتھ نہیں ہیں, آپ لوگ وہ نہیں ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے اس بات کا. جس ٹائم آپ نے اسلام کی بات کی, سرکل بننا شروع ہو گئے آپ کے. میں نے کہا نا لاکھ سے کام کا ذمہ لینا. آپ کو ایم این اے کی سیٹیں آفر ہوں گی, مجھے ہو رہی ہیں نا, بتا رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. ایسے ایسے بندے سونے کی چینیں پہنی ہوئی ہیں, الٹے اس طرح مارے ہوئے انہوں نے, کالے کیے ہوئے بال اپنے, 80 سال کے بابے نے بالی کے نشان ابھی بھی کان میں ہے. اور آ کے مجھے کہہ رہا نماز کا وقت تو نہیں ہوا ابھی, مجھے لالچ دینے کے لیے, نماز کا وقت نہیں ہوا بیٹا. نہیں, رات کو 11 بجے کوئی نماز نہیں اسلام میں, نماز کا وقت نہیں ہوا. یہ چیک کریں ذرا, داڑھی دیکھیے میری اور ویڈیو دیکھی ہوئی, تو کنوینس مجھے کرنے آیا اپنے لیے, گیمیں کھیل رہا ہے میرے مجھے دیکھ کے کہ ہاں اس کو اسلام کے تھرو پکڑوں گا. یہ ہیں ان سب کی اوقاتیں. میں نے کہا ایک دفعہ اسلام ایک منٹ کے لیے سیرہ کے اندر سے گزریں, ان سب کے چھوٹے چھوٹے اتنے سے خدا ان کے ساتھ بیٹھے چل رہے ہوتے, نظر آئیں گے آپ کو سامنے کہ کس کا سجدہ کرتا ہے تو, تیری اوقات کیا اصل میں. ان سب کے چھوٹے چھوٹے خدا نظر آئیں گے آپ کو. اتنا آسان ہے ان کے خدا دیکھنا. آپ بس اس خدا کی پوجا چھوڑ دیں جس کی وہ کرتے ہیں, آپ کو اسے خدا نظر آ جائے گا. آپ کو ان مورتیوں کی جھریاں بھی نظر آ جائیں گی اتنی کلیئرٹی سے, 4K کی پکچر میں آپ کو ان کی مورتیاں نظر آئیں گی. چھوٹی چھوٹی تو فیسینیشن ہے ان کی. کسی نے مشہور ہونا ہے, کسی کو عورتوں کے ووٹ چاہیے, کسی نے پاور لینی ہے, کسی کو پیسہ چاہیے, سب نظر آئے گا سب کو. ایک ہی پولیٹیشین ہو, جتنا مرضی بابا ہو, صاحب میں بیٹھا ہوں نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اور ان کے منٹ کے اندر تعریف کر دیں, سر آپ کی وہ اسپیچ کیا بات, واقعی کون سی والی دوبارہ بتاؤ. اتنی سی اوقاتیں ان کی, نفس پرور. بیٹا اسکولنگ کا جو نظام ہے نا, اس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ویزیبل کر کے دکھانا شروع کریں. اچھا سوال ہے آپ کا, کیا آؤٹ پٹ ہے؟ آپ بی کے ناؤ سٹی اسکول, برکت علی ماڈل اسکول, کراچی پبلک, آنٹی پبلک,
देसी रिपब्लिक, जो भी स्कूल है, क्या किया उसने आपके साथ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया उसने। उसने दोस्तियां की हैं, ड्रग्स दी हैं उसने टीचर्स के साथ, क्लास टीचर्स के साथ ग्रुप्स बनाए और सिंपल फैसिनेशन को वैलिडेट करवाया, और कुछ भी नहीं किया। ना उसने फिजिक्स सिखाई आपको, ना केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी, ना साइंस, ना मैथ्स। क्या सीखा स्कूल में आपने? वो आउटपुट विजिबल कर दें। आपने अगर कहा ना इस्लाम में ये चीज गलत, ये गैर इस्लामी है, तो ये वो वाले अंकल और आंटी रहे, इन्होंने कहना यार तुम्हें हर जगह इस्लाम नजर आती है। सुना ना जुमला, हर जगह इस्लाम ना ले आया करो। ये पाकिस्तान में पहली बार मैंने सुना है, हर जगह इस्लाम नहीं ले आया करो। तो किधर लेके आया करूं बताएं? उधर चलते, इस्लाम तो हर जगह के लिए आया था जी। खवातीन से मैं कुछ क्वेश्चन ले लूं। जी जी जी, वो उन्होंने बद्दुआएं देनी शुरू कर दी जी। हाँ, और ये पाकिस्तानी और बद्दुआ बड़ी जल्दी दे देती हैं आप। ये कहां से सीखे आपने इतनी इमोशनल? जब पाकिस्तान में ये बात भी नहीं बताई जाती, बताता हूँ। मैंने इख्तिताम नहीं देखा उसका। सर, वो निजाम को जिस तरह एक हम लोग बड़े खुश थे इख्तिताम पे आए ना सर, वो सिंगर्स को बुला के और अच्छा अच्छा मिक्स मसाला वो एंड में ना, शुरू में उन्होंने दीन की बात की, वुजू कराया, उसके बाद उन्होंने फिल्म दिखा दी। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है। ये इमरान खान का जलसा हो रहा था, उसके बाद उन्होंने कहा नमाज की ब्रेक, और इमरान खान ने स्टेज पे ही नमाज पढ़ी। आपने नहीं देखा? रुक जाए, मेरे जुमला पूरा होने दे, बना रहा हूं। और जब नमाज शमाज पढ़ ली, उसके बाद सलमान अहमद ने आके जज्बा जनून शुरू किया। पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो रहा, तो आपको कतर में क्यों नजर आया? वहां पे क्यों नजर आ रहा था? सेम थिंग, बुटर सुने ना सुने, और हर जगह ऐसे ही होता है, वही सब कुछ हर जगह चल रहा है, जज्बा जुनून। मैंने खुद सलमान अहमद को देखा, वो पॉलिटिशियन के साथ टीवी बैठा हुआ था, कहता मैंने आपने क्या पाकिस्तान को दिया, करप्शन और ये और वो। तो पॉलिटिशियन कहता आपने क्या दिया, कहता मैंने जज्बा जुनून दिए। वो गाना बता रहा था कि मेरी कितनी बड़ी अचीवमेंट है। उसी हराम हलाल की पे ना ले जाइएगा, बात समझने की कोशिश, इनके इनर सर्कल में बिलीफ में वैल्यू किस चीज की है, वैल्यू देखे। आप क्या समझे इमरान खान के कॉन्सर्ट में गाने क्यों लगे होते हैं? कॉन्सर्ट क्यों कह रहा हूं, जलसे में गाने क्यों लगे होते? गौर से समझे तो सही, और कतर ने लगा दिए तो आपको इतराज हो रहा है? और ये लड़कियों से पूछ रहा हूं, एक दजाल पे आपने बैत करनी है, क्या मसला आपको? दजाल पे क्यों बैत करनी है आपने? हदीस है ना, इसलिए कह रहा हूं। सोचे तो सही, आपने दजाल पे क्यों बैत करनी है? अब मैंने हदीस को उसी तरीके से बोला जिसे नफसियाती तौर पर सुनानी चाहिए थी। नफसियाती तौर पर ट्रेनिंग में लड़कियों से ऐसे ही पूछना है कि बेटा दजाल पे बैत क्यों करनी है आपने, कभी सोचा आपने? हदीस पढ़ के रोंगटे नहीं खड़े हो गए थे कि आज दज्जाल आएगा तो आप बैत करेंगी? सोचा कभी? और अगर ये कहे ना मुसलमान लड़की पाकिस्तान में, उसी वक्त पकड़ लेना कि इस्लाम में पर्दा घर में रहना चाहिए, ये एक्टिविज्म और पॉलिटिक्स इस्लाम में औरत के लिए नहीं है। तो पीटीआई के कॉन्सर्ट में क्या कर रही होती है आप? या फिर मैं कॉन्सर्ट कह रहा हूं, मेरी अल्लाह की कसम, मैं बताऊं, नियत में ये तसहीक नहीं है। ये मुंह से कॉन्सर्ट क्यों निकल रहा है? वो उसने जज्बा जुनून बोल दिया ना, उनके क्या कहते हैं इसको आप, जलसे, उनके जलसे में औरतें क्या कर रही होती हैं? इसका मतलब है पाकिस्तान में लड़की को एक्टिविज्म का पता है, इस्लाम में एक्टिविज्म का नहीं पता। सोचो तो सही, ये क्या हो रहा है? हमें क्यों बेवकूफ बना रही हैं आप सारी? हमें सब पता है। डोंट ट्राई एंड फूल अस, यू आर फूलिंग योर सेल्व्स। इस्लाम जब डिमांड करता है एक्टिविज्म की, आप छुप जाती हैं। पीछे से सवाल ले लो, सवाल छोटा क्यों होता है बेटा, जवाब लंबे होते हैं, बोलो। गारे हिरा खून से सुन लें, गारे हिरा बात आप बताएं, सिंपल सा टेस्ट, सीधा किसने पढ़ी हाथ खड़ा करें,
ये देखिए ना, अब सिंपल सा टेस्ट देने लगा मैं लड़कियों के ऊपर, मेरे पहले ही एक तवक्कोआत नीचे है, इसलिए मैं आपसे पूछता बेटा ना क्या नाम है आपका? किरण। पहली वही कब आई? सिंपल सीधा, कब आई? डेट ना बताएं, रमजान ना बताएं। नबी सलाम की उम्र क्या थी? ओके जी, और आप में से किसने सीधा पढ़ी है? जी आप बताएं। 40 साल से। देखे ना, सीधा नहीं ना सिखाई गई आपको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सवाल इतना करोड़ रुपए का सवाल किया बच्ची ने। आपका कोई दोस्त रात को किसी कराची के गार में पहुंच जाए, आप क्या करेंगे? हमें पता क्या करेंगे आप? सोचो तो सही, ये पहली वही की कहानी सीधा पढ़े तो सही। नबी अस्सलाम को पहली वही ख्वाब में बहुत पहले से आ चुकी थी, ये क्यों नहीं पता हम सबको? ये अरबी उस्ताद लेना क्यों जरूरी है मेरे लिए? पाकिस्तानी उस्ताद क्यों नहीं बता रहा? ये नबी अस्सलाम की प्रेपरेशन शुरू हो चुकी हुई है। जब गारे हिरा का जिब्राइल अमीन का वाकया हुआ, उससे बहुत पहले नबी अस्सलाम को प्रिपेयर कर चुके अल्लाह ताला। पुत्र रुको ना, आपको पता है इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजी बदल जाती है मुसलमान की इससे, वरना आप और मैं क्यों ना पूछें कि अम्मी मैंने भी आइसोलेशन में जाके सोचना है, अबू मैंने भी आइसोलेशन, अबू जाने नहीं देंगे आपको। मैं इसलिए कह रहा हूं ये जो निकाब है ना, यही गारे हीरा बना लें, एटलीस्ट आइसोलेशन में तो है ना आप, अकेले में जाएं तो सही, अपने ऊपर सोच सेल्फ अवेयरनेस के अंदर जाएं तो सही। क्यों किया? अच्छा बता, मुझे तो अच्छा लग रहा था बेटा। समझ आ गई आपको क्वेश्चन का? आपको मैं क्यों ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये पहली दफा क्यों सुना आपने ये मेरे से वाक्य? आज बेसिक वाक्य पहली दफा क्यों सुना है? ये है वो कसूर उस मेंबर में बैठे बंदे का। सर, एक सवाल। और किताबें आपके घर पड़ी हुई है, कसूरवार खाली वो नहीं है ना। बेटा बात पता क्या है, ये पहले और बाद वाली बात नहीं होगी। 9 बजे आओ क्या? नहीं नहीं, अच्छा रुक जाए, जमहूरियत कुफर नहीं है, डेमोक्रेसी जो है ना इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मोमिनीन आ जाए सारे तो डेमोक्रेसी के थ्रू आ जाए हुकूमत। बताता हूँ, देखिए सर, कुरान मजीद में जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा ये जो उतारी है, इस सूरत का एक मौजू वो अल्लाह ताला ने ये दिया है कि इस्लामी निज़ाम वो कैसे कायम किया जाए। जरा सुनिएगा, 2 मिनट की बात है। असल सुने मैं सबसे सवाल है, सुने तो सही ना, सर लंबी बात बताता हूँ और रुके तो सही ना, आपकी बात सुनूंगा मैं, फिक्र नहीं करें। अगर आपने सवाल करना है तो पहले जरूर करें, उसके बाद मैं तबसरा मांगूंगा आपसे, पहले आप सवाल करें, क्योंकि तबसरे से पता क्या होगा, लोगों के जहन जो है ना वो उसके अंदर घुस जाएंगे और अपने सवालों के बजाय वो आपके सवाल से रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये ग्रुप साइकोलॉजी होती है ना। अब इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक जगह ये बताया है कि कुछ, फिर आपने देखें पहले नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल लूंगा आपसे, मैं आपसे तबसरा लूंगा, मैं वादा करता हूँ। बेटा माइक, इनका माइक ऑन करें ना, माइक क्यों आप कर रहे? अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा में फरमाता, रुक जाए माइक ऑन होने दें, रुक जाए। पता है वजह क्या हुआ है? आप सबको और मुझे मानना पड़ेगा और मदरसों को भी मानना पड़ेगा कि यूथ लड़की और लड़का सिर्फ वो नहीं है जो आपके मदरसे में आता है। 99% यूथ मौलवी बेजार क्यों हो गया है? इस इतना अच्छा सवाल है ताकि शुरू की जाए, तस्हीस की जाए। हम पुलिस बेजार है ना, पुलिस वालों को हम तो नहीं, पुलिस स्टेशन तो नहीं जाना चाहते ना, पुलिस वाले को देखते हैं तो खुशी तो नहीं होती ना, हमें मानते हैं ना, तो हमें कुछ ठीक करना पड़ेगा ना, पुलिस के बारे में इंतजाम करने पड़ेंगे हमें। हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वही लोग आया करेंगे, उन्हीं के बच्चे आएगा, उन्हीं के दोस्त यार आया करेंगे, उसी तरह आ रहे हैं। हमदा शहबाज के दोस्त यार आ रहे हैं ना पुलिस में, पंजाब में, कराची में भी ऐसे ही होगा, बिलावल के सिदार आ रहे होंगे।
पैसे उसी को देते हैं ना, और किसको देते हैं? तो क्वेश्चन इज, अगर पुलिस बेजारी हमें पता है और अगर हमें मौलवी बेजारी नहीं पता, तो फिर ये किबर है हमारा कि हम जान के नहीं मान रहे, हम खुद नहीं मान रहे। मैंने अगर अभी लंबा सा कुर्ता पहना होता, कुल्ला पहना होता, आपने किसी और नफ्सियात में मेरी बातें सुननी थी। आपके समय मुझे पता नहीं है कि मैं सूट पहन के आ गया हूं और असर क्या हो रहा है। ये कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ी है। मुझे उर्दू उस नहीं आती नहीं किसी पाकिस्तानी को आती है, किसी वजह से अंग्रेजी बोल रहा होता हूं बीच में। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? जिस फैसिनेशन के अंदर आपका सेंट्रल सर्कल चला गया है, उधर जाना जरूरी है, वरना चेंज नहीं आ सकेगी। अभी बता रहा हूं आपको, वरना आपको वो चेंज नहीं महसूस हो सकती। अपने अंदर नहीं आएगी तो किसी और के अंदर कैसे लेके आएंगे? इसको ग्रामर बोलते हैं। जी सर, सवाल अच्छा, सवाल अच्छा सर, वो मैं ये कह रहा था कि सूरत निसा में अल्लाह ताला ने, आपका नाम क्या है सर? करामत। तो इसका मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है करामत साहब? ताल्लुक एक दीनी इदारे के साथ, और आज आपकी गुफ्तगू पहले दफा सुनी तो काफी सारी चीजें अच्छी लगी, और कुछ चीजों पर डाउट से भी हो ना, डाउट और सवाल पूछे ना आप। सूरत निसा क्यों सुना रहे हैं मुझे? सूरत निसा में अल्लाह ताला ने, जरा सब सुनिए ये बात ना, अल्लाह ताला ने एक निजाम की बात की है। निजाम कैसे कायम होगा? सूरह माईदा में किस निजाम के क्या वो बताए? सूरह माईदा उसमें अल्लाह ताला ने एक जगह अल्लाह ताला फरमाता, जरा सारे इबाद को कर लीजिएगा, कि कुछ लोग जो के हकीकतन मुनाफिक थे, अल्लाह ताला फरमाता अलम तरा इलल लदीना आप सवाल पूछे, लोग लाइन में खड़े में। मकसूद ये है कि जब हम दो चीजें है ना, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम फिलहाल ना लड़ो, अपने हाथ रोक के रखो, कुरान मजीद की सियाक बयान है। ईल लहुम कुफू, आप शाने में बताएं बिल्कुल। एक मिनट, वाकिमुस सलात। ओ सर, समझ आ गया सवाल आपका ना करामत साहब। जब हम लोगों को मस्जिद तक लेकर आएंगे, ये अल्लाह ताला ने दो चीजें क्यों जिक्र की? तुम नमाज पढ़ो और ज़कात दो, ये दो चीजें असल में एक हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल हुकूकुल्लाह है। पहले हुकूकुल्लाह और फिर हुकूकुल इबाद। जब हमारी नमाज ठीक होगी, हमारी ज़कातें ठीक होगी, तो हमारा तज़किया होगा। उसके बाद जब जिहाद का हुक्म आएगा, तुम बेहतरीन जिहाद करो। जरा मेरी बात सुनिए ना सर, सुन ली ना, पॉइंट पर चल गया है। आप सबको पॉइंट पर चल गया है, हम सबको समझ आ गया आपका पॉइंट। मेरा आपका मकसूद पहुंच चुका है सर। और नहीं नहीं ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें। ग्रामर साहब सुन लें, आप मुझे बताना मैं गलत समझाऊं कि नहीं। आप सुन, आप ये कह रहे हैं, और मैं ग्रामर साहब आप मुंह के साथ कान भी तो खोल देना। मैं आपकी तकरीब में एक हरकत करने लगा। सुने, मैं आपका सवाल अपने तौर पे समझाता हूँ, आप कहना गलत समझ आइए, तस्दीक कीजिएगा मेरी। आप कह रहे हैं कि भैया अगर एक बंदा नमाज में नहीं आता, जहाज पे कैसे जाएगा, निजाम पे कैसे जाएगा? यस यस सर, नो, यही थोड़ी तफसील नहीं चाहिए ना, लोग लाइन पे खड़े ना, और मैं इसका जवाब देता हूँ ना। अगर हम देख लें ना सर, हमेशा इस्लाम के लिए किन लोगों ने अपना ज्यादा खून दिया है, किन लोगों ने बताएं ना, किन लोगों ने दिया? देख लें सर, जो जिनका ताल्लुक मदारिस के साथ है, जिनका ताल्लुक दीन के साथ है। अच्छा, कुरान मजीद को सही है, बिल्कुल। मसलन आप बताएं, लाल मस्जिद में किधर थे मदारिस? किधर है लाल मस्जिद पे किधर थे आप लोग? आप देख ले, अमेरिका तालिबान से डरता है कि नहीं डरता? बिल्कुल। तो आप लोग ये बताएं कि हम तालिबान से क्यों डरता है, वो पाकिस्तान से क्यों नहीं डरता? तालिबान के हमें तालिबान जाना पड़ेगा? गौर है, समझे इस बात को। ये मामला हर मदरसे से आएगा आपको, जब भी कोई बात आएगी तज़किया की, तालिबान भी तो मौलवी है, और तालिबान जैसे मौलवी बनाए ना हम, कौन मना कर रहा है? तालिबान ने ये बताएं, जब अमेरिका, करामत साहब गौर सुनिएगा ये बात, गनी खान के नीचे मुल्ला उमर ने तज़किया क्यों नहीं किया? आपको बताता हूं तालिबान की कहानी 30 सेकंड्स के अंदर। मैं उठता बैठता हूं ना, इसलिए बता रहा हूं आपको, 3 साल हो गए हैं सिर्फ उनकी साइकोलॉजी समझने में मुझे। अब जाके वो जंग जीते, उनसे पहले से मैं उनके साथ बैठ रहा हूं। हुआ क्या था, किसी को पता है मुल्ला उमर का वाकया क्या है? वही कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान में मदरसों में हो रहा है। एक लड़के के साथ ज्यादती हुई थी, लड़के बच्चे के साथ, उसके माँ बाप कमजोर थे, चीखे मारे थे कि हमारे लड़के के साथ ज्यादती हुई है तुम्हारे मदरसे ने, और वो उसने बच्चे का हाथ पकड़ा है और जाके मदरसे को कहा बाहर आ, उस मौलवी को पूछे ना तालिबान से, बताएंगे वो। यहां पर होता तो क्या होता है? उसने पूरा इलाका इकट्ठा किया शराबों के अंदर, और लोगों ने कहा कि हमारे अंदर तो ताकत नहीं है यार, ये कनेक्टेड आदमी है, मदरसे का तो इंतजाम, कनेक्टेड आदमी है। उसने
3 days का नोटिस दिया कि 3 दिन में वो मौलवी मुझे चाहिए, नहीं तो फिर तुम देखना मैं करता क्या हूं। कौन था? अकेला था, मुल्ला उमर भी एक मौलवी था, अकेला था, मदरसे में दर्स पढ़ाता था। पढ़े सुने लोगों से, असली लोगों से बात करें। आप पाकिस्तान में क्या हुआ फिर? उसने 3 दिन के नोटिस के बाद उखेड़ के फेंका सबको, 13 बंदे मारे उसने, 13 people विदाउट अ वेपन किया पाकिस्तान में किसी मदरसे ने। रोज होता है वाकया पाकिस्तान में, करा लो तस्किया अपना, डरते हैं सारे के सारे। मैंने कहा आपको नमाज नहीं पढ़नी, जो नमाज नहीं पढ़ता तो शैतान है, मगर ये बात ना करें कि नमाज पढ़ेंगे तो रोजा रखेंगे, रोजा रखेंगे तो जकात देंगे, जकात देंगे तो हज होगा। ये कौन सा इंतजाम है इस्लाम में? बताऊं साहबा के नाम, हजरत अस्वद रज़ी अल्लाह का नाम बताऊं आपको? आपको पता होगा मेरे से बेहतर। खैबर का ही मौका है, अस्वद जो कि दूध का काम करते हैं यहूदियों के लिए, मुसलमान नहीं हो अभी, और उन्होंने कहा ये क्या हुआ है, तुम लोगों ने कैसे ये खैबर को बंद कर दिए, तुम तो हैंडफुल हो, इतने से बंदे हो टोटल, ये खैबर बंद कर दिए तुमने, क्या करते हो? ये है, ये इस्लाम। ये कौन, कितनी नमाजें पढ़ी अस्वद रज़ी अल्लाह उन्होंने? 0। जब आपको पता हो कि आपने अगर कंडीशनल कर दिया ना इस्लाम का निजाम, तो हमारे पास 50,000 बंदे हैं। आपको पता है ना, अगर खाली नमाज या रोजा या ज़कात होती, मैं वो गिनाऊं कितने पार्लियामेंट हाउस में सारे नमाजी हैं। जब निजाम पे कंफ्यूज हैं तो दो नंबर पूरी कर रहे हैं अपनी। आपकी कंफ्यूजन दूर करनी है मैंने, कि बिलीफ के अंदर उस एस्टेब्लिशमेंट को करे और आर्ग्यूमेंटेशन दे इंटेलेक्चुअली कि भाई निजाम क्यों जरूरी है, और टोली ब्लेयर नमाजी है उसका निजाम कैसे पूरा आ गया दुनिया में, वो रोजे रखता है, उसके निजाम को सजदा कर रहे हैं बैठ के, उसने तज़किया किया हुआ है। टेक्निक वही है, इंटेलेक्चुअल फतह, उसके बाद पॉलिटिकल फतह। अली बिन अबी तालिब और उमर बिन खत्ताब, उन्होंने यही किया है, सीख गए हैं वो, हम नहीं सीख रहे। आसान करके बता रहा हूं आपको, आप मोमिन हैं, तज़किया हुआ है आपका, किसी और दीन पे हुआ है बस बस। वरना जिसने भी आपको एक कोटेशन देनी है ना कि इस्लाम का काम जिसने भी किया है, जिसने भी किया उसने पहले तज़किया किया हुआ था, तो मैं आपको करोड़ मिसाल दे देता हूं, करोड़ मिसाल देता। अच्छा मैं आपको मोटी मिसाल देता हूं, जब अपार्टाइड मूवमेंट चल रही थी ना साउथ अफ्रीका में, तो इसराइल से फतवा इशू हुआ, यहूदियों के उलमा ने दिया कि तौरात में लिखा भाई जहां जुल्म होगा उधर हम मिटाएंगे, और यहूदी गए उधर, यहूदियों ने जाने दी हैं कि हम ये जुल्म नहीं होने देंगे कालों के खिलाफ, हबशियों के खिलाफ। हम क्या कर रहे थे उस वक्त? तज़किया करवा रहे थे, जी हाँ तज़किया करवा रहे थे। उनको इतनी सेंस है निजाम की, इसलिए इसराइल कहां चमक रहा है पूरी दुनिया में। पढ़े तो सही, मैंने अपनी तरफ से कहानियां सुनाई हैं, जिसको समझ नहीं आ रही पढ़ ले कि ज्यूइश मूवमेंट हुई क्या थी जब अपार्टाइड मूवमेंट चल रही थी, इसराइल से निकल रहे थे जमातें, तबलीग के 1,000 जमातें निकाल देते हैं, फलस्तीन के लिए जहाद की भी जमात निकाल देना, नहीं और कोई तैयार नहीं उसके लिए, तो जाहिर है क्यों तैयार होगा, नीचे सेंटर के अंदर वर्ल्ड व्यू कोई और बनाया हुआ आपने। 60 साल से तबलीगी जमात है, अभी तक एक नमाजी तैयार नहीं कर सके, नमाजी तैयार कर रहे हो? सोचें तो सही, हज के बाद सबसे बड़ा इज्तम तबलीग का, और मानता हूं तबलीग पार्ट ऑफ इस्लाम है, नॉट ऑल ऑफ इस्लाम। किसने रोका? हम तो जहाद के बीच में भी तबलीग करेंगे जाके, तबलीग किसने रोका है? कोई ये ना कहे तबलीगी जमात के खिलाफ हूं, बहुत आला काम है, मगर मकसद नहीं है ये, गौर से समझे इस बात को। अगर हज के बाद सबसे बड़ा इज्तम आपके पास हो रहा है, थोड़े से बंदे दे दो, इतने भी नहीं तैयार हो सके अभी तक, तेल अवीव जाना है, और कहां से जाना है? इस्लामाबाद के थ्रू जाना है, साथ पाकिस्तान आर्मी जाएगी हमारे, हमें खाली पार्लियामेंट हाउस को कन्विंस करना है, हमने कौन सा नेता तेल अवीव पहुंच जाना है, जानी तुम्हारी आर्मी है, हमसे वो पार्लियामेंट हाउस के सेल्फिश वोट मांगने वाले व्यापारी नहीं डील हो रहे, उनको पता चलेगा पाकिस्तान मौलवी हो गया, उन्होंने गाड़ियां रख रख के फलस्तीन फौज भेजनी है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कितनी अफेक्टिव गेम है? बहरहाल जी सर, ओ यस जी बेटा, सर आपका इस डिमांड की कर रहे हैं, मोटिव क्या है और आप ये काम क्यों कर रहे हैं?
कहता मुस्लिम आइडेंटिटी से बेसिक कोई साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट था नहीं, ये नाम इसलिए चूज किया है कि जो नफ्सिया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का फौजी हूं मैं। हर बंदे ने अपना मिशन पकड़ना होता है। ओके, मुझे अपनी स्टडीज के दौरान ही पता चल गया था कि ह्यूमन बिहेवियर को गोरा कैसे कंट्रोल कर रहा है, कंज्यूमरिज्म के थ्रू, लिबरलिज्म के थ्रू, कम्युनिज्म के थ्रू, इवन नेशनलिज्म के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाता है कम्युनिटी को। जब आपको पता चले कम्युनिटी ऐसे कंट्रोल हो सकती है, कर रहे लोग, किया लोगों ने, तो फिर जब चाबी मिल गई हो तो आपने क्या ढूंढना होता है? ताला। और सबसे बड़ा ताला किस पे लगा हुआ है? मुसलमानों पे। तो इतनी बड़ी जमात की चाबी अगर घुमाई जा सकती है तो घुमाएंगे ना। याद रखिएगा, मुझे रोज एहसास हो रहा है, अल्लाह की कसम रोज, मैं आज जहाज पे आ रहा था, आज अजीब वाक्य हो जहाज के साथ ही, मैं तहसील में नहीं जाऊंगा, टॉपिक नहीं है, मगर लग गया था आज सबको कि आज हो गया काम। ठीक है, आज साहिल के ऊपर से आया जहाज, उल्टी तरफ से आया, पूरा समंदर दिखाया उसने हमें। बहरहाल पॉइंट बेटा, बात के बीच में तो बोल, बैठो, आ रहा, हाथ खड़ा कर पहुंच गया। तो मुझे रोज एहसास हो रहा है, खाली जहाज का वाक्य से नहीं, कि बस अभी गया मैं, वक्त हो गया, वक्त आ गया। उससे पहले पहले कोई सीवी चाहिए मुझे वहां पे कैरियर के लिए। मरते ही जो सीवी मांगे, अल्लाह की कसम फरिश्ता सीवी मांगते आपसे, ये क्यों नहीं बताई अम्मी ने, अबू ने मुझे बात कि फरिश्ते सीवी मांगने आएंगे तुझसे कब्र में, दिखा करनामे, दिखा अपने अचीवमेंट्स, ताकि तुझे 50,000 साल में रुसवा करें या इज्जत दें। यही है ना, और क्या इस्लाम? आप क्या कोई नई बात तो नहीं बताई ना मैंने आपको? सबको पता है ना, 50,000 साल वेट करना हमने खड़े होके, या तो बाइज्जत या बेइज्जत। टोटल 30 साल की मेहनत, बस जी 30 भी नहीं मिलते यार लोगों को, हम तो बड़े लकी हैं, इतनी उम्रें देख ली हमने, 8-8, 9-9 साल में मरे लोग, मिशन शुरू किया अगले दिन मर गए, अल्लाह ने जिसको उठाना होता है वो उठा लेते। आपने दुनिया का तज़किया कराना, जिसको तज़किया चाहिए उसे कहे भजन मुझे अपने रेडी वाले अनायत का भी तज़किया कराना है, उसको कलमा भी नहीं पढ़ना आता, उसके लिए कानून ऐसा हो कि गुनाह ना कर सके, तज़किया हो जाएगा। तज़किया ही कराए ना, किसने कहा तज़किया ना कराए? मगर आपके कहा ना बेनमाजी जहाद नहीं करते, अजीब सी बात है, फलस्तीन पहुंचने के लिए वो नंगी औरतें 12 कश्ती में बैठ के फलस्तीन पहुंच गई, तज़किया हुआ था उनका? स्वीडन की गोरियां क्या हम नहीं तेरी बदमाशी बर्दाश्त कर रहे, उनको पकड़ा, स्वीडन की थी, कुछ कर नहीं सके, थोड़ा सा रिमांड लिया, क्वेश्चन करके भेज दिया, 36 औरतें फिर निकली वहां से, औरतें, यहां पर सजा लू मैं हिजाब अपनी सारी बच्चियों के, वो टैंक टॉप में पहन के टैटू हुए हुए उनके, फलस्तीन पहुंची हुई है कि ये जुल्म नहीं बर्दाश्त होता हमसे, वो तज़किया करके आई हुई थी, वो नमाजी थी, आप बताएं वो कौन से हज करके आई हुई थी? अल्लाह ने अंदर से मशीन की फितरा बनाई दी और आवाज लगवा रहे हैं अल्लाह ताला। हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था जब कूफे की तरफ निकले हैं, ऐसे वापस मदीने की तरफ मुंह किया, क्या पढ़े तो सही सीरा, कि तुम्हें इस्लाम नहीं अगर तुम्हें ललकार रहा तो आज हिल्फुल फदूल ललकारता हूं मैं, आई इन्वोक द ट्रीटी ऑफ हिल्फुल फदूल, वो तो इस्लाम से पहले की थी, तब तक तो तुम पे दीन ही नहीं आया था मेरे नाने का, तुम्हें दीन छोड़ चुके हो तो हिल्फुल फदूल तो याद करो, इतनी तो गैरत अल्लाह ने तुम्हारे अंदर जिस्म में डाली हुई है कि मेरे साथ कर क्या रहे हो तुम सारे, पढ़े तो सही, आपको खुद नजर आ जाएगा कि सूजन की 12-36 औरतों को कौन से मौलवी साहब ने फतवा इशू किया था, कितनी नमाजों के बाद, 4 माह लगाए थे उन्होंने, वो फलस्तीन पहुंच गई और हम यहां पे बैठे हुए कि नहीं वो हमारे पास जस्टिफिकेशन है, पाकिस्तान कर ही क्या सकता है, स्वीडन क्या कर सकता है, वो 36 औरतें क्या कर सकती हैं, स्वीडन ने तो साथ नहीं दिया उनका। ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं मैं आपको दे रहा हूं, अंदर का जमीर झंझोड़ रहा हूं आपको कि हम कितने इस्लाम से दूर जा चुके हैं, क्यों फितरा हमारी करप्ट की है बचपन। वो एक क्विक क्वेश्चन, अल्लाह हमारे हमारा रब है क्या मतलब, तो जागता है अल्लाह ताला, हर वक्त जागता है, या जागता क्यों नहीं, अल्लाह हमारा बनाने वाला रब है, वो हस्ती है, वो हस्ती है जिसने हमें बनाया है, तो 4 साल की बच्ची को मैं ये सिखाने वाला। ओके ओके बताता हूँ, अगला क्वेश्चन लें।
Let me spin it for you. चार साल की बच्ची को अल्लाह ताला की जो है ना आर्की बतानी है, अल्लाह ताला की खसूसियात तो चार साल से 400 साल तक की हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन है, बताता हूँ। नहीं नहीं अच्छा सॉरी, जैन फतेह करें यूथ के, यूथ जो है वो पावर पकड़े और तख्ते और लड़ते। अब क्या करें, आप क्या करें फलस्तीन के बच्चों को मरने, और क्या कर रहे हैं हम कब से? अभी पहला बेटा आप उत्तर, पहले उसका सवाल तो जवाब दे लेते। आपका नाम क्या है, पूछो सवाल पूछो। नहीं बेटा मैं एक मिनट नहीं सुनूंगा ना, सवाल करो बस। आप बोल रहे हैं खिलाफत का निदाम लाए, ठीक है, सीरा पढ़ते हैं और साहबियात को फॉलो करते हैं, साथियों को फॉलो करते हैं, लेकिन वो लाने में 25-30 आपको भी पता है मिनिमम टाइम लगता है खिलाफत लाने में, तो तब तक कश्मीर और ये गजा में बच्चों को मरने दें या क्या करें? आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट जाकर अटैक भी नहीं कर सकते, तो खिलाफत आने का वेट करते रहे तब तक? खिलाफत आने का वेट नहीं, लाने की कोशिश करते रहे। और पुत्र गल सुन, खिलाफत लाने की कोशिश में आप मुजाहिद हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप जाएं कश्मीर, चलें, आए ऐसे करें कश्मीर चलते हैं, या चलें फलस्तीन। आप इस वक्त जो कर सकते हैं उसकी कोर स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि अपने घर को तो पहले मुसलमान कर लो, बाद में दुनिया का जिम्मा लेना। बाप फतह नहीं हो रहा, हम पार्लियामेंट हाउस फतह करेंगे, सब साथ साथ करेंगे ना। जब पीछे से क्लस्टर बनता है आपको क्या पता, वामा यालमु जुनूद रब्बकुम। और पुत्र गल सुनना, पुत्र बीच में ना हो, एक रुको आता हूं आपके पास। आपने जिस दिन पहला कदम उठाया, आप क्या समझ, अल्लाह ताला को 23 साल लगते हैं कोई काम करने में? आप लोग उठाएं तो सही कदम। आप अच्छा क्या करूं, दूसरी ऑप्शन क्या है कि चलो कुछ ही नहीं कर, जो चलता है चलते रहने देते हैं, या कोई शॉर्टकट स्ट्रेटजी निकालते हैं। मैं आपको आपके कराची में बता रहा हूं, आपकी उम्र में लॉन्ग टर्म आपके लिए इतना लॉन्ग टर्म नहीं, आप 100-100 साल लगाएंगे, आप उम्र ही नहीं आपकी, आराम से हो जाएगा काम, आपकी उम्रों में देख लेंगे आप लेकिन शुरू नहीं कर रहे ना, क्यों? क्योंकि वो सर घर तक पहुंचते पहुंचते आपके लेक्चर का असर जायल और अम्मी के लेक्चर का असर वापस। नहीं बेटा, सारी यूथ सलाउद्दीन अयूबी का वेट नहीं कर रही, सारी यूथ को स्पिन कर दे कि हर यूथ खुद सलाउद्दीन अयूबी नहीं बनेगी, लोग आपका वेट कर रहे हैं। आप क्यों लोगों का वेट कर रहे हैं? आपको 50 सलाउद्दीन अयूबी इकट्ठे मिलेंगे और आप कहेंगे हाँ जी किसका वेट कर रहे हो, कहेंगे हम सलाउद्दीन अयूबी का वेट कर रहे हैं। क्या हो रहा है, 3 करोड़ सलाउद्दीन अयूबी किसका वेट करें, 1 सलाउद्दीन अयूबी का? तो सलाउद्दीन अयूबी के पर लगे हुए थे कोई, उसका इनर सर्कल कंप्लीट हो गया था, आउटर सर्कल प्रैक्टिस उम्र के साथ साथ खुद ही बनता है, जो एट्रीब्यूट्स का होता है और साफ। बेटा ये आपको बताऊं, सीधा बच्चों में, छोटे भाइयों में, बहनों में इंप्लीमेंट तो करो ना, खुद आपके बच्चों ने आपको पता है कहना है कि अंकल अब्बू भाई खुद तो कर नहीं रहे, मुझे बता रहे, तो करनी पड़ेगी, फिर मजबूरन करनी पड़ेगी। देखें ये तो जी रुक जाएं जी, पूछे आपने हाथ किया, अच्छा सॉरी माइक किसके पास है, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं जी, माइक नहीं चल रहा आपका। बच्चों पर इम्प्लीमेंट करना कहीं आसान नहीं है, मगर वालदैन पे लॉजिकल आर्गुमेंटेशन देंगे और बच्चों को वैल्यू सिस्टम के ऊपर ट्रेन करेंगे। बच्चे अगर वालदैन लॉजिकली नहीं मान रहे तो बस आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, कितनी तकलीफ और इस्तराब में आप, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। लेक्चर नहीं देते अम्मी अब्बू को, अम्मी अब्बू को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरे अंदर क्या आग लगी हुई, मैं किस तकलीफ में हूं। मैं आपको याद रखिएगा, माँ बाप से पहले किसी का हक नहीं है, आपके बच्चों से ही पहले हक किसका है, आपके माँ बाप का। एक तो उनके पास टाइम कम होता है, फितर निज़ाम है इस दुनिया का, जितनी जल्दी हो सकता है माँ बाप को पकड़ेंगे आप, और बाप ने अगर आगे से आपको मारना शुरू कर दिया या माँ ने, तो खा ले मार, इस्लाम के माँ की और बाप की मार नहीं खा सकते। मैं तो कुफार की मार मारने खाने के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, आपसे अपनी अम्मी की मार या अबू की मार नहीं खाई जा रही, उधर तो गैरत भी ट्रिगर नहीं होती है। बाप और माँ को नहीं छोड़ देना, सबसे पहले माँ बाप, प्रैक्टिस है आपकी। आपसे अगर अपने माँ बाप नहीं फतह हो रहे, दुनिया कैसे कराची का कैसे जिम्मा ले रहे आप? वो तो वो बंदा है जो आपसे प्यार करता है, आपको तकलीफ में ही देख सकता, पहला हक अपने माँ बाप का है।
कहीं से भी आपने इंटेलेक्चुअलिज्म में जाना है, पहले अपने माँ बाप के ऊपर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी टेस्ट हो जाएगी, आपकी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअलिटी भी टेस्ट हो जाएगी कि कितना सबर है। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? माँ और बाप ने आपका लेक्चर तो सुनने नहीं है, तो फिर किस तरीके से आपने उनको एंटाइस और इन्फ्लुएंस करना है? याद रखिएगा, अपना एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से बताना मेरे अंदर चेंज क्या आ रही है। और लड़कियों से बेहतर किसी को नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं मैं। ओके, छोटी सी बात के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं आप आंसुओं की शक्ल में, इधर भी करें। माँ बाप पहले, अपने माँ बाप को छोड़ ना देना खुदा का वास्ता। पहले अच्छा गौर से समझे इस बात को। मैं एस्केटोलॉजी का ना सेशन अभी नहीं करना चाह रहा हूँ। सीक्वेंस बदलने, स्लीप तोड़, सबसे पहले स्लीप तोड़नी उन्होंने। ओके, सबसे पहले स्लीप तोड़नी हूँ। ओके, जो बाइबल ने लिखा हुआ है ना स्वाइन को कत्ल, पढ़ा है ना आपने इंजील में? पढ़ा नहीं, पता है ना आपको इस बात का? पढ़ा छोड़े इसको। कोई ऐसा मौलवी नहीं है, ऐसे क्यों कह रहे हो? कोई भी किताब है, मतलब फिजिक्स भी गुनाह है? नहीं, उन्होंने ये कहा होगा पहले कुरान पूरा पढ़ लो बाद में तुरैत पढ़ना। गुनाह है वो, एक्सेप्शनल है। उमूमी तौर पे मौलवी ऐसी बात नहीं करते। जिस मर्जी मस्जिद का मौलवी हो इस किस्म की हवाई तुक्के नहीं मारता। ओके, तुरैत पढ़ना गुनाह है? नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला एक तरफ कह रहे हैं चारों किताबों में ईमान रखो मगर पढ़ना गुनाह है। उमर खत्ताब को अल्लाह के नबी सलाम ने तुरैत के कुछ नुस्खे देखे तो मना फरमाया। सुनने तो सही ना बेटा, बहुत बेसब्र है तू बेटा। और फिर जब कुरान पाक पूरा नाजिल हो चुका, कंप्लीट हो चुका था, नबी सलाम ने फिर खुद कहा पढ़ो, पढ़ो तौरात। कुरान ने खुद चैलेंज कर दिया, पढ़ लो बाकी की किताबें, देख लो फिर कुरान पढ़ के कौन सी हक की है। तो ये तो आयत ही पूरी नहीं उतरती अगर आप तौरात नहीं पढ़ेंगे तो। अल्लाह ने कुरान पाक में खुद चैलेंज किया है सबको, इंसानों को, कि पढ़े तीनों, हक खुद ही सामने आ जाएगा आपके। ठीक है, तो अगर कोई मौलवी साहब ये कह रहे तो उनको समझाएं ना, कोई बात नहीं। पूरी हदीस नहीं सुनाते ना, उससे कहीं पर जब इजाजत दी थी आपको आसान करके बताता हूँ। अली बिन अबी तालिब अमीर मोमिनीन है, यहूदी ने आके मुकदमा किया है और यहूदी ने कहा मैं कुरान से फैसला चाहता हूँ क्योंकि आप मुसलमान हैं। तो अली बिन अबी तालिब ने क्या कहा? मुस्तरद हदीस है कि मैं तो तौरात से फैसला करता हूँ, तुझसे ज्यादा तौरात आती है मुझे, तू कौन सा कुरान कुरान कर, तू तो मानता ही नहीं कुरान को, बाद में क्या कर, नाइंसाफी हुई है, तुझसे मैं तौरात का फैसला करता हूँ। सर सात बिन माज ने बनू कुरैदा को क्या कहा था? बनु कुरैदा को क्या कहा था सात बिन माज ने? नाम सुना है सात बिन माज का? उन्होंने कहा सात फैसला करेगा। गौर से सुने इस वक्त, ये आप लोगों को बता रहा हूं, ये मस्जिद साहब के मौलवी साहब को बता रहा हूं इस वक्त, जो कह रहे ना पूजा पाठ करो, बताता हूं आपको। हजरत सात बिन माज को यहूदियों ने कहा, किसके फॉलोअर? तौरात के फॉलोअर ने कहा कि सात हमारा जिगर है, पॉलिटिकल टाइज है हमारी चाइना पाकिस्तान वाला, खान साहब चाइना पाकिस्तान, बनु कुरैज़ा सात बिन माज औस के सरदार। और क्या कहा बनु कुरैज़ा ने? ये तो सारे के सारे बंदे मार देंगे हमारे, मतलब हम तो अब पकड़े गए हैं, चोरी करते पकड़े गए हम, हमने तो ट्रीटी तोड़ दी है मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो ये नहीं छोड़ेंगे मुसलमान बाहर खड़े हुए। तो एक पार्टी ने कहा, एक जिरगे के बंदे ने कहा, काब ने कहा कि साद से बात कर, खजरज को अब्दुल्ला बिन उबे ने बचा लिया था, बनु नुज़ैर को अब्दुल्ला बिन उबे ने बचा लिया था, तो सात बिन माज हमें बचा लेगा। यहूदी पहली दफा नहीं दो नंबर ही कर रहे थे ना, पहले भी करते रहते। अब अब्दुल्ला बिन उबे मुनाफिक था, वो नबी सलाम का जुबा पकड़ के लटक गया कि मेरे दोस्त हैं, मेरे जबानें धीमी हैं, इनके ऊपर, इनके मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं, लोग कहेंगे कि मुसलमान एहसान फरामोश होते हैं, छोड़ दे। चिपक गया इसरार और इसरार, नबी सलाम ने कहा ठीक है चलो छोड़ दे। दूध का दूध पानी का पानी होना था। जब बनु कुरैज़ा की बात आई उन्हीं के कजन्स की, तो उन्होंने कहा वो अब्दुल्ला बिन उबे ने तो बनु नुज़ैर को बचा लिया था, तो हम सात बिन माज के पास जाते क्योंकि हमारे तो इसके साथ टाइज हैं औस के। तो सात बिन माज को आर्बिट्रेशन के लिए डिसीजन मेकर बता दिया कि साज फैसला करेगा, तो हमें कबूल है, जो कहेंगे कबूल है। तो साहबा ने कहा ज्यादा एटीट्यूड ना दिखाओ, तुम बताओगे कौन फैसला करेगा, हम नबी अलैहिस्सलाम से पूछेंगे। तो
حضرت سعد کی طرف نبی اسلام نے دیکھا, حضرت سعد نے کہا اگر میرے دائیں ہاتھ والوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تب میں فیصلہ کروں گا. نبی اسلام نے پھر اپنا سر مبارک ہلایا کہ کریں آپ فیصلہ, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. حالانکہ عبداللہ بن ابی کا واقعہ ہو چکا ہے مگر نبی اسلام کو پتا ہے یہ عبداللہ بن ابی نہیں کھڑا, یہ سعد بن معاذ کھڑا ہو, ٹھیک ہے. اور بنو قریظہ کیا ہے؟ یہ وہ واقعہ جو آپ کو سارے کے سارے غیر مسلم یا لبرلز اٹھا اٹھا کے, یہ پاکستان نہیں امریکہ, سارے امریکہ کے امریکن کلیرکس کیا کیا نام لوں سب کے, جس کا بھی نام اٹھائیں گے وہ اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے کہ بنو قریظہ والا واقعہ نہ سنایا کرو, یہ پتہ نہیں اصل میں ہوا تھا کہ نہیں. یہ اسلام سے شرمندہ ہے لوگ. سعد بن معاذ نے پھر کیا کیا, آپ کو بتا رہا ہوں بوائز, ہاؤ اولڈ واز سعد بن معاذ؟ 37. کون ہے 37 سال کے ادھر؟ 37 سال کا ایک مسلمان, 9 سال پہلے مسلمان ہوا تھا, 9 سال ہوئے تھے ابھی مسلمان ہوئے ہوئے, ٹوٹل 9 ایئرز آف اسلام. اور فراست چیک کریں, غور سے سمجھیں اس بات کو, کیوں قرائت پڑھنی چاہیے نہیں چڑھنی چاہیے. حضرت سعد بن معاذ نے کیا کہا؟ لقد آن لسعد, سپیچ دے رہے, ان لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ لقد آن لسعد ان لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم. نبی اسلام نے کہا سعد تو نیچے بول رہا ہے, اللہ عز و جل اوپر سے اشارہ فرما رہے ہیں, ولا یخافون لومۃ لائم, یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ڈرتے کہ اسلام پہ کیا کرٹیسزم آئے گا, یہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے. کیا کہا تھا سعد بن معاذ نے؟ میری طرف دیکھنا پڑتا, سوال مجھ سے کیا ہوا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا تمہاری کتاب سے. کوئی مولوی صاحب کہنا تو رہت نہ پڑھنا, کہنا یہ سعد بن معاذ کو زیادہ پتا ہے, تجھے زیادہ پتا ہے. سعد بن معاذ نے کہا میں تورات سے فیصلہ کروں گا جس کو تم مانتے ہو, اور وہی سزا نافذ کروں گا تم پہ جو تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہے. مار دو ان سب کے سارے آدمی جو بالغ ہو چکا ہے, سب کو قتل کر دو, پورے قبیلے کے سارے. لقد آن لسعد ان لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم, چاہے جتنی مرضی ملامت آ رہی ہو اسلام پہ, بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا ادھر. اور یا اللہ مجھے اس ملامت کے ڈر سے, ڈر محفوظ رکھیں جو اسلام پہ ابھی یہ کریں گے, کیونکہ میں فیصلہ ایسے کرنے لگا ہوں. ان کے بلیف سسٹم کے اندر ناانصافی ہے, وہ ان کے بلیف سسٹم کے اندر ظلم ہے, وہ ان کے بلیف سسٹم کے اندر بہت سخت دلی ہے. وہ ملامت آئی, ہاں آئی, اسلام و فوبز آج تک یہی والا فیصلہ کوٹ کرتے ہیں, تمہارے نبی نے 1900 بندے مار دیے, کولڈ بلڈڈ, 1900 آدمی ایک ہی حکم پہ تمہارے نبی نے مار دیے. جی ہاں مار دیے, بتاؤ کیوں مار دیے؟ جو کوئی سوچ رہا ہو نا, تم بھی یہی لا رکھتے ہو امریکنوں, میوٹنی کوئی کرتا کیا کرتے ہو؟ کیپٹل پنشمنٹ, یس. امریکہ کے خلاف کنسٹیٹیوشن کے خلاف جاؤ تو کیپٹل پنشمنٹ, جب اسلام کے خلاف جاؤ تو مرتد کو مارتے کیوں ہو؟ تو پھر امریکہ کے خلاف جو ارتداد کرتا ہے اس کو کیوں مارتے ہو؟ یہ ہے وہ آرگیومنٹ جو مودودی صاحب نے دیا تھا, سید قطب نے دیا تھا کہ اسلام کے کانسٹیٹیوشن کو کانسٹیٹیوشن نہیں مانو گے, نظام نہیں مانو گے تو پھر اپنے نظام کے مرتد کو قتل کیوں کرتے ہو؟ یہ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے سید قطب کہ اسلام کے کانسٹیٹیوشن میں اگر ارتداد کی سزا ہے تو پھر نیشن سٹیٹ نہیں, مسلم سٹیٹ بنانی ضروری ہے. پاکستان کے قانون میں بھی یہی ہے, انڈیا کے قانون میں بھی یہی ہے. پاکستان کے قانون سے بات کر لیتے ہیں, جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف جائے گا, کنسپیریسی اگینسٹ دا کنٹری, وہ کیا ہے؟ ٹریزن ہے. ٹریزن کی سزا کیا ہے؟ پوچھ لیں, پڑھ لیں, گوگل کریں, ابھی میری بات نہ مانیں. پاکستان کی باری آئے تو ارتداد پہ بندہ مار دیا ہے, اسلام کی باری آئے تو او اللہ یہ کیا بات کر رہے ہو, تمہارا جو دین چھوڑتا ہے اس کو بندہ ہی مار دیتے ہو. اسلام سمجھ آئے گا تو ارتداد بھی سمجھ آ جائے گا, اسلام سمجھ آئے گا تو سزا کی سینس بھی سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ مان لے سمجھ آ جائے گی, تو مانے گا نہیں تو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. آسان کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. جی سر,
फितरा बेटा बहुत अच्छा सवाल है। नहीं ना डाइवर्सिटी तो नहीं है पितर, पढ़ोगे तो पता चलेगा यूनिफॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हया इनेट है, मगर फिर भी सतर जितना भी उनको करना पड़ता कर रहे हैं। रियली आदमियों ने इतनी सी चड्डी पहनी होती है प्रैक्टिकल रीजन है, सर्दी से बचने के लिए पहनी होती है। हाँ या नहीं है उसमें, और मगर बाकी की कवरेज करने की कोशिश कर रहे हो, वो कहां सेंस आ रही है उनको। आप ये बता अमेजोन में क्या लुई विटांग गया था, रैल्फ लॉरेन गया था, अफ्रीका के कबीलों में कौन जाके बताता है यू नो व्हाट सम पार्ट्स शुड बी कवर्ड। यार इट्स क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, हया इनेट है याद रखिएगा। और यही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ये सूडो इंटेलेक्चुअल मुझे, आप भी आपको नहीं दे रहे मुझे भी दे रहे हैं कि अगर हया इनेट होती तो अफ्रीकन कबीले नंगे क्यों हैं, कितने नंगे मुझे भी तो दिखाएं। आपको एक पूरे 7 अरब में से 15 बनने का नंगा कबीला मिल भी गया है तो जो बाकी का पूरा अफ्रीकन कबाइल लिटरली किसी ना किसी हालत में अपने आप को कुछ कवर कर रहे हैं, वो क्यों कवर कर रहे हैं एंड व्हाई आर दे कवरिंग सर्टेन बॉडी पार्ट्स। नहीं नहीं आई नो के वो प्रैक्टिकल, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं बट नो, और मुझे तो पता है अमेजोनियंस का इवन द फीमेल्स कवर सर्टेन, मायामी और अमेजोन में कोई फर्क नहीं किया उन्होंने, उधर भी बकीनी पहन के फिर रही हैं। मॉडेस्टी इटसेल्फ इज सेक्सुअलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये नहीं नहीं मैं वही समझ गया था हिजाब तक ना हो, अभी तो उससे नीचे की बड़ी स्पेक्ट्रम पूरा है, मॉडेस्टी की तो पीक है हिजाब, ठीक है उसके बीच में गोरों ने भी तो मॉडेस्टी की है ना, बट आप मॉडेस्टी के लफ्ज़ रख कैजुअल थ्रो अवे ऑफ वर्ड्स है इधर, मॉडेस्टी के लफ्ज़ ही होगा। हाउएवर बड़ा लंबा जवाब देना मांगना पड़ रहा है, अब सुने गौर से, अब मैं पूरे क्राउड को आइसोलेट करने लगा क्योंकि आपका जवाब देने के लिए मुझे कुछ टर्मिनोलॉजीज बोलनी पड़ेंगी जो क्राउड को नहीं पता चलेगी। बट आई फॉर यू आई टेल यू दिस, अगर मॉडेस्टी डज सेक्सुअलाइज देन टेक अवे द मॉडेस्टी एंड यू आर स्टिल गोइंग टू हैव टू सेक्सुअलाइज द ह्यूमन मेल एंड फीमेल व्हेन दे कम इन आर्बिट्रेरी पोजिशंस। नेचुरल है वरना तो स्पीशी आगे चलेगी नहीं। So sexualization is actual requirement, innate requirement for us to actually sexualize the human species. We need to sexualize the human species. Islam channels and harnesses it. Okay? अब आपको पता ना अंग्रेजी क्यों बोलनी पड़ी है, कुछ ऐसे अल्फाज है पाकिस्तानी कल्चर में ऐसे मायूब है, अगर मैंने बोल दिया अल्लाह इस्लाम की बातें करने आता है ये बातें करना शुरू हो गया। पाकिस्तान में ना कुछ ज्यादा ही मायूब कर दिया, हालांकि नबी इस्लाम ने कहा शर्म है ना शर्म कर लेना, और पाकिस्तानी माँ और पाकिस्तानी बाप सब कुछ कर देगा शरा में शर्म, और बाकी दुनिया की सारी बेशर्मी करेगा इस्लाम में आके शर्मीला हो जाएगा। माँ को बच्चों के सामने 2 थप्पड़ सीध कर देगा, उधर शर्म नहीं आएगी। बच्चों को नहीं बेटा ये बा ये अपने क्लास वालों से पूछ लिया करो ना, ये वाले सवाल मुझसे क्यों करते हो, जो इस्लाम के बेसिक सवाल है जो बच्चे की नेचुरल फितरी सवाल है वो नहीं जब अबू ने बताने, फिर अबू समझाएंगे नहीं तो क्लास वालों तो सिखाएंगे ना। If you're not going to teach your daughters, someone will train them. You better start teaching them. और बाप से सिंसियर कोई नहीं है, क्लास चलो सिंसियर नहीं होते, वो फैसिनेशन और मजे के अंदर ही वाली एजुकेशन देते हैं। और बाप से जो सीखे होते हैं उनको सारी उम्र डर लगता है कि भाई ये काम नहीं, जाहिर है इतना ही खतरनाक वाक्य है। मेरे साथ हुआ है ना, अब्बा जी ने ट्रेनिंग दी थी हमें, उसके बाद जब कोई दोस्त आ रहा था कहता अल्लाह बचाया ये टॉपिक ने छेड़ी, हमने किया है ना ये। सो मैं आपको छोटा सा सेक्सुअलाइजेशन इज इनेट, मॉडेस्टी ओनली इनहिबिट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेक्सुअलाइजेशन। और बाय द वे ये होते कौन है, जो भी बंदे जो कहे ना उनसे कह देना ओके यू नो व्हाट एम्पैथी के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर टेस्ट करके देख लो, आपको खुद पता चलेगा व्हेन यू इज गोइंग टू बी योर ओन डिपेंडेंट्स यू वुड रादर देम बी कवर्ड देन अनकवर्ड टू वर एवर एक्सटेंट, वो बहस हो सकती है डेटा लड़कियों की बारे। जी बता, मुझे पता है वक्त खत्म हो चुका है। ओके लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट एक आपसे एक आंसर। जी
नहीं बुतर नहीं है, पर्पस मुसलमान औरत और दो बच्चे, पर्पस जो है ना, घर में आपके दो ही बच्चे हों, चार हों, छः हों, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, वो अल्लाह ने जो सेहत दी हुई वो करे आप, मगर पर्पस में दो बच्चे, चार बच्चे, छः बच्चे, ये मुसलमान हैं आप, और पर्पस में 2 करोड़ बच्चे होने चाहिए, 4 करोड़, पर्पस में तो बच्चे स्कोप बढ़ाए ना अपना, ये बिल्कुल सीधी आपके शहर की है, उसने 2 बच्चों को पर्पस बनाया था तो आधा कराची मर गया था कूड़े के ढेर में, 25,000 बच्चे बचाए उसने, इतना छोटा ना करें ना अपने आप को, अल्लाह ने आपको सबसे अजीम मखलूक बनाया है, आपके अंदर रहम का सेंटर दिया अल्लाह ने आपको, आदमियों में नहीं होता उतना रहम जितना आप में होता है, जब इंसान सबसे कमजोर हालत में होता है, आपका बच्चा किसी को, आपने कराची से बाहर जाना हो हैदराबाद, छोटा बच्चा हो, मजबूरन किसी के पास रखवाना है, किसी आंटी को देंगे, अंकल को, अंकल को देंगे आप अंकल को ही देंगे, इन्फेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अपने छोटे बहन भाइयों की, क्योंकि भाई वो संभाल लेगा मामला है, आंटी का बाहर कोई आ जाएगा तो आंटी का पकड़ेगी, आप अंकल की जिम्मेदारी में बच्चा देंगे, अल्लाह आंटियों की जिम्मेदारी में बच्चे दे रहे, अपनी ताकत तो समझें आप, हम हमेशा माइट को देते हैं, क्या तू रखवाली करेगा, अल्लाह ताला आपको दे रहे रखवाली के लिए, वो भी तब जब सांस भी ऐसे दबेगा तो सांस रुक जाएगी, बच्चा मर जाएगा, इतनी नजाकत के आलम में, इतनी जोफत के आलम में होता है बच्चा, और आपको दे दिया, अपनी ताकत का अंदाजा करें, अल्लाह ताला ने जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिए आदमी को नहीं दिए, वे आप भी अपना बच्चा किसी को देंगे तो किसी अंकल को देंगे, आपको पता है कि अंकल जी कोई बाहर से कोई मामला ना खराब हो जाए, कोई जबरदस्ती ना छीन ले बच्चा मेरा, अल्लाह ने रुका है कि नहीं, फिक्र ना कर, तेरे से कोई नहीं छीन सकेगा बच्चा, अल्लाह ने असूल बता दिया, कोई छीनने आए आपका शोर भी छीनने आए तलाक पे तो अल्लाह ने कहा नहीं बच्चा मां को देंगे, सोचे ना सही, असूल अल्लाह बता रहे हैं कि 7 साल से कम का कुछ छीन के दिखाए तुझे, फिर मैं तुझे आखिरत में देखूंगा, यही कहा अल्लाह ने, अल्लाह ताला आपको पूरी की पूरी ओनरशिप दे रहे हैं, अपनी ताकत का अंदाजा कब करेंगे आप, आपने क्या किया बस, और पाकिस्तानी औरत तो अपने बच्चे को वो इंडिया की ना भगवान में पूजा कर रही होती, बच्चा हो गया बस, पूरा मोहल्ला पूरा खानदान रहता है कि जो सलीमा के घर बच्चा हो गया, और ऐसे पूजा पाठ हो रही बच्चे की, तो जाहिर है फिर वही होगा, फिर उसको कहां आपने जान जोखिम में डालने देनी है, आप तो पार्क में जाना भी मना कर दिया अपने बच्चों का आपने, कितनी उम्र है पुत्र आपकी? 28। बड़ी बात है, 28 साल तक ये एनर्जी रहने देता पाकिस्तान लड़की में, नहीं नहीं आई एम प्राउड ऑफ यू, अच्छी बात है, ये एनर्जी रखनी है, बस याद रखना एक बार याद रखिएगा, आपने नोट किया होगा, आपको नहीं पता, पता तो होता ही है, खैर इतनी तो तेजी है पाकिस्तानी लड़की में, जब भी लड़की इस्लाम पे आती है ना वो करख्त और बदतमीज हो जाती है, नोटिस किया आपने? वो ये वाकया क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ, वो हिल्म क्यों नहीं आता आदमी, उस लड़के भी ऐसे ही करते हैं, जैसे ही इस्लाम आता है काफिर काफिर काफिर, हराम हराम काफिर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एनर्जी ठीक है आपकी, मैं आपके बारे में नहीं, मुझे याद आ गई बात, ठीक है, अपने शोहर को हिल्म के साथ, अपने बच्चों को हिल्म के साथ, हिल्म के साथ, क्या क्या क्वेश्चन किया आपका पुत्र? सवाल बताओ ना, मैरिटल स्टेटस नहीं, पुत्र सवाल पे क्यों आएंगी आप ही बता दें, 28 साल हो गई आपके, कितने साल बाद सवाल पे आएंगी आप मेरे? क्या बात है, ये देखिए तमाचा मेरे मुंह पे, हम सब पे, ये फातिमा फातिमा करते हो, पहले मोहम्मद तो बनो, किधर से तुम्हें अबू बकर मिलेंगे, किधर से अली मिलेंगे, उमर बिन खत्ताब मिलेंगे, पहले अपनी इस औकात में तो आए हम के लोग कहें हाँ हम तुम्हारे साथ है, ये याद रखिएगा, अबू बकर अली अबू उमर उमर उस्मान साद अब्दुलरहमान, ये किसको मिलते हैं? उस इंस्पिरेशन के पैकर को मिलते हैं, खुद आते हैं फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बैठे हुए हम लीडर ढूंढ रहे हैं और लीडर हमें ढूंढ रहे हैं, हम लीडरों को ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं, हर एक पे शक क्या हमें, यार तो हाँ तेरी तो दो नंबर ये पता है मुझे, हाँ तभी तो मेरा दोस्त है तू, हमारे तो दोस्त इसलिए वो दोस्त है क्योंकि दो नंबर पे कहता है फिक्र ना कर, मेरे घर आके कर लिया कर। उसको कहेंगे ना हाँ जी मेरी बात करो, इधर मैं तेरी बात करूं, पहले पैसे वापस कर बेटा, पहले सादिक और अमीन खुद बनेंगे तो आपको अबू बकर उमर नजर आना शुरू होंगे। याद रखिएगा लोग अट्रैक्ट होते ही होते, फितरा है हमारी ये, आपने इंटेलेक्चुअल होना है लोगों ने आपके के चक्कर लगाना शुरू कर देने, आपका बिहेवियर जो है सादिक अमीन होना है, पूरा कराची घूम रहा होगा आपके आसपास। आप भी आज आपको टेस्ट बताता हूं, अपनी अपनी बहन के रिश्ते के लिए ढूंढने कराची में, आपको नहीं चाहिए मोहम्मद, चाहिए, अपनी बच्ची की बारी आती है तो हमें इस्लाम वाला बंदा ही चाहिए होता है, सब ढूंढते हैं नहीं भाई दो नंबर नहीं चाहिए अपनी बच्ची के लिए, उधर कहां से इस्लाम हमें डिमांड में आ रहा था। बिजनेस करना हो तो खैर है सर, रिश्वत भी अलाव है, ठीक है फिर राशि के साथ तुम्हारी बहन की शादी करते, नहीं 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 सर बहन के लिए इस्लाम चाहिए, क्या बात है, अंदर की फितरा की आवाज कैसे ऊंची है, लाउड स्पीकर पे आती है हमें। बताओ अच्छा अच्छा हो गया, ये एक सवाल बस का और मत लूंगा, ये कराची में ना चार शादियों का ना एक प्रोपेगेंडा चल रहा है बहुत अच्छा, जो भी वजह है, जो वजह जो भी है ठीक है, चार शादियां करें आप, तलाक दे दे के सो कर ले बेशक, पहले एक मुसलमान औरत के काबिल हो जाए बस, एक मुसलमान औरत के काबिल हो कि हाँ वो आपकी इज्जत करे इस्लाम के सुलों पे, अगर नहीं तो खुदा का वास्ते तीन और मुसलमान औरतें ना जाया कर देना, और अपने जैसे फिर सौ बोने और मोर पैदा कर लेंगे, वो भी चार चार करेंगे। याद रखिएगा अगर आप मुसलमान औरत के काबिल नहीं है तो फिर मुसलमान औरतें ना जाया करें, मेरी मेरी बच्चियां पता नहीं क्या क्या उन्होंने आगे करना है, आके आपके बच्चों की परमिशन उन्होंने करनी है ना, उन्होंने आपकी कॉपी करनी है। तो ये चार शादियों की कहानी बाद में, पहले एक मुसलमान औरत काबिल बन जाए बस। अरे मैं दो वार्निंग आ चुकी हैं, अब दुआएं आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब के सब्र का, अल्लाह ताला आप सबको इस्तकामत दे, फरासत दे, और अल्लाह ताला आपके और मेरे बच्चों के थ्रू दीन के वो वाले काम ले जो सहाबा किराम ने किए थे। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।